गुड मॉर्निंग, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अनअकैडमी नीट के इस बेहतरीन चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं निश्चय की सीरीज में आज रे ऑप्टिक्स पर। ठीक है, तो चलो भाई बताओ जल्दी से, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएं। रे ऑप्टिक्स, ठीक है, आज की क्लास किस पर होने वाली है बेटा, जल्दी बताइए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स की शुरुआत करेंगे, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें बेटा, तो ब्रांच ऑफ हाँ जी, अभी क्लियर है क्या, अभी क्लियर है क्या, अभी बताइए, अभी क्लियर है क्या, अभी क्लियर है क्या। ठीक है, अब वो पता नहीं क्या दिक्कत हुई है, तो सेटअप अगर मैं वो करने जाऊंगा बेटा पूरा चेंज या कंट्रोल, तो काफी टाइम लगेगा। तो मैंने इसको, यस एवरीवन, ठीक है, हाँ जी, अब एक मिनट रुको, आपके कमेंट्स, आपके कमेंट्स के लिए आई नीड अनदर आईपैड। तो बोलेंगे सर कितने आईपैड है, पता नहीं माइक को चलते चलते क्या हो गया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, हाँ जी बताओ जल्दी से मुझे, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है क्या, अब ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है क्या, अब या अभी भी स्टिल यू हैव सम कंफ्यूजन, सम डाउट, सम दिक्कत। रुको,
आई विश अभी ठीक है बेटा, अभी ठीक है, थम्स अप करके बताओ जल्दी से, थम्स अप करके बताओ जल्दी से। हाँ जी अभी ठीक है तो मुझे बता दो फटाफट, अभी ठीक है तो मुझे बता दो फटाफट से कि हाँ जी सर अभी सब कुछ ठीक है। यस चलो 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 वेरी गुड। जेई वाले देख सकते कोई दिक्कत नहीं बेटा। टोटल हमारे पास 5 चीज़ें हैं करने को रे ऑप्टिक्स में। आज हम रिफ्लेक्शन कंप्लीट करेंगे। रिफ्लेक्शन में 2 चीज़ें हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर बेटा। आज हम दोनों को ही कंप्लीट करेंगे। रिफ्लेक्शन में भी 2 चीज़ें हैं। रिफ्लेक्शन में भी आता रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम कैसा मिरर बच्चों? तो प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। तो ये पूरा का पूरा हम आज कवर करेंगे, ठीक है। आज हम आसानी से तसल्ली से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। सर प्लीज रिपीट द कॉन्सेप्ट। बेटा निमित कुछ पढ़ाए तो रिपीट करें ना, मतलब ये तो बात हो गई कि ठीक है आपको बस रिपीट ही करवाना है ना। अभी तो कुछ पढ़ाना शुरू ही नहीं किया बेटा, अभी तो बस ये बताया कि चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। चलो भाई आ जाओ जल्दी से। तो हम बात कर रहे हैं लाइट की, हम बात कर रहे हैं बच्चों लाइट की, ठीक है। हम किसकी बात करें बेटा? लाइट की बात करें। लाइट है क्या? तो लाइट इज द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेटा, ठीक है। ये क्या होता है सर? लाइट कैसा है आपका? लाइट इज विजिबल, विजिबल रेंज ऑफ, विजिबल का जो रेंज होता है बेटा, लाइट इज विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है बेटा, उसका विजिबल रेंज होता है। और अगर ये विजिबल रेंज है, अगर ये विजिबल रेंज है बेटा, ठीक है, ट्वेल्थ आज से शुरू हुआ है बेटा, क्लास ट्वेल्थ आज से शुरू हुआ है, ठीक है। तो विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इसकी जो वेवलेंथ होती है लैम्डा वेरीज फ्रॉम बेटा, लैम्डा जो होता है वो कहां से कहां तक बिलोंग करता है? तो 350 नैनोमीटर्स टू, यहां पर आप बोलेंगे बेटा 700 नैनोमीटर्स, ठीक है। 350 से 400 नैनोमीटर्स तक होता है, कई सारी किताबें 400 से 700 भी कहती है, ठीक है। दैट टू वर्क्स, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? ईच वन ऑफ यू, बहुत बढ़िया। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है मेरे ख्याल से, है ना, अब आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाता है? 350 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। लेकिन हम अलग अलग किताबों की बात ना मानकर हम बात मानेंगे बेटा NCERT की, और अकॉर्डिंग टू NCERT जो लैम्डा होता है, इसका जो रेंज होता है वो होता है 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स बेटा। कितना होता है? 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। ये जो लाइट होती है इसमें होता है कंप्लीट विबग्योर बेटा। लाइट में क्या होती है? लाइट में 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। कौन कौन से कलर्स होते हैं बच्चों? तो आ जाओ जरा यहां पर, 7 डिफरेंट कलर्स में आता है आपका विबग्योर। क्या आता है बच्चों? 7 डिफरेंट कलर्स में आता है आपका विबग्योर। इज दैट क्लियर? सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा है विबग्योर। इसमें अगर आप देखोगे तो when you are moving from violet color towards the red color, आपको एक बात समझ में आएगी सर कि यहां पर लैम्डा जो है वो इंक्रीज करता है बेटा। लैम्डा क्या करता है? इंक्रीज करता है। अगर आप यहां पर देखोगे इसका लैम्डा कितना होगा बेटा?
400 नैनोमीटर्स होगा। इसके लैम्डा की अगर आप बात करेंगे कितना होगा बेटा, 700 नैनोमीटर्स होगा। बाकी सारे कलर्स का जो वेवलेंथ है वो 400 और 700 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये बात भी सबको समझ में आ रही है, ईच वन ऑफ यू? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बच्चों और बातें करते हैं और डिस्कस करते हैं क्या चीजें होती है। जो लाइट है, जो आपकी लाइट है वो क्या करती है बच्चों? लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट आपको बताती है ड्यूअल नेचर। लाइट आपको क्या बताती है बेटा? लाइट आपको बताती है ड्यूअल नेचर। जो ड्यूअल नेचर है मतलब लाइट जो है आपका, लाइट बोलती है कि मैं पार्टिकल नेचर को भी शो करती हूं, ठीक है, और लाइट बोलती है कि मैं वेव नेचर को भी शो करती हूं। लाइट दोनों तरह के नेचर को दिखाता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो बेटा जैसे ही पता चला कि यार लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है, तो लाइट को हमें ड्यूअल नेचर कहना पड़ा। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर जो हमारा चैप्टर बनता है वो रे ऑप्टिक्स है बेटा। कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं लाइट के साथ एसोसिएटेड जो लाइट के पार्टिकल नेचर को दिखाते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिनन्स हैं जो वेव नेचर ऑफ लाइट को एग्जिबिट करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट को दिखाते हैं, जैसे आपका डिफ्रेक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। तो यहां पर इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट क्या हो जाती है बेटा? लाइट ड्यूअल नेचर की हो जाती है। लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल बेटा, ठीक है। लाइट कैसा होता है? लाइट नॉट विजिबल है, ध्यान से सुनना बेटा बात को। लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। क्या दिखता है आपको? जो पार्टिकल्स होते हैं वो नजर आते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेटा, ठीक है। अगर आप अभी यहां पर सारी लाइट्स ऑफ कर दूं बेटा, ठीक है, सारी लाइट्स ऑफ कर दूं और फिर केवल मैं फोन की लाइट जलाऊंगा तो आप उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर मैं वहां पर कुछ पार्टिकल्स अगर उड़ाऊंगा या कुछ पार्टिकल्स यहां पर होंगे तो वो पार्टिकल्स हमें नजर आते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? एवरीवन जल्दी से यहां तक इतनी बातें समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। स्क्रीन फुली तो है भाई। कौन सा स्क्रीन हाफ चल रहा है? क्या दिक्कत क्या आ रही है आज तुम लोगों को, मुझे बताओ, कोई दिक्कत आ रही क्या बच्चों? एक बार जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत आ रही क्या आप लोगों को, किसी को भी? लाइट इज नॉट विजिबल या उसे हम अनविजिबल कह सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमिनन ऑफ पार्टिकल नेचर, बेटा हमको पढ़ना होता है पूरा का पूरा चैप्टर विच इज रे ऑप्टिक्स, या इसी को हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रे ऑप्टिक्स या फिर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी हम इसी को कहते हैं, रे ऑप्टिक्स या फिर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसी को कहेंगे, ठीक बच्चों? यहां तक क्लैरिटी है? एवरीवन जल्दी बताओ, डन बच्चों? कोई इशू नहीं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि मेरे को ना एक्चुअल में पता नहीं क्यों, आज कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। डन है? चलो बहुत बढ़िया। तो आ जाओ जरा हम बात करते हैं सर, सबसे पहले फिनोमिनन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एवरीवन हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सबसे पहला फिनोमिनन अपन पढ़ेंगे बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सबसे पहला फिनोमिनन पढ़ेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत बढ़िया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या चीज होती है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट आप बोलेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम बेटा। यहां पर क्या होता है तो आप इसको लिखेंगे सर बाउंसिंग, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन।
ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम इज व्हाट वी कॉल बेटा रिफ्लेक्शन. जिस जगह से रिफ्लेक्शन होता है उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा मिरर. जैसे आ जाओ जरा, ठीक है. तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, एग्जांपल के तौर पर यहां पर अगर मान लीजिए आपने लिया एक मिरर बेटा, यहां पर आपने क्या लिया, ये हमारा मिरर है. ये क्या है बच्चों, ये हमारा मिरर है. सब लोग ध्यान से देखना, यहां पर लाइट आई, यहां पर लाइट आई, इस जगह पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है बेटा. यहां पर क्या बोलेंगे सर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. यहां पर लाइट टकराई और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर क्या करेगा बेटा, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर लाइट बनाएगा एक नॉर्मल. क्या बनाएगा बेटा, लाइट यहां पर एक नॉर्मल बनाता है. और ये जो नॉर्मल आप देख रहे हैं इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं नॉर्मल. नॉर्मल के साथ ये लाइट कुछ एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बेटा. सारे के सारे एंगल्स नॉर्मल से लिए जाते हैं, ठीक है. Until and unless क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया जाए कि मिरर से जो लाइट है वो एंगल बना रही है इतना, तो फिर आपको मिरर से कंसिडर करना. अदरवाइज आपको हमेशा अगर कुछ मेंशन नहीं है तो एंगल नॉर्मल से ही लिया जाना चाहिए बच्चों. कहां से लिया जाना चाहिए, नॉर्मल से लिया जाना चाहिए, ठीक है. बहुत बढ़िया. अब ये लाइट रे जब यहां पर आके टकराई तो इस तरफ कोई पर्टिकुलर मीडियम था और इस तरफ कोई दूसरा मीडियम था बेटा. इस बाउंड्री ने इन दो मीडियम को क्या किया हुआ है, इन दो मीडियम को सेपरेट किया हुआ है. तो ये लाइट रे इस तरफ से आएगी बेटा और यहां पे टकराने के बाद में इसी तरफ क्या कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी. तो जब ये बाउंस बैक करेगी, जब ये बाउंस बैक करेगी तो यहां पर ये लाइट रे आपको इस तरह से नजर आएगी बेटा. और जब ये बाउंस कर रही है तो यहां पर भी एक एंगल बनाएगा, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसको हम कहते हैं बच्चों इंसिडेंट रे. इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको अपन कहते हैं इंसिडेंट रे. इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. एवरीवन यहां तक बात समझ में आ रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी कुछ चीजें क्लियर हो रही है बच्चों यहां तक. बहुत बढ़िया. तो ये जो है, जो सेपरेशन करने वाला जो एलिमेंट है बेटा, उसको मिरर कहते हैं. मिरर दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर होता है. यहां पर जो आप एग्जांपल देख रहे हो ये प्लेन मिरर का एग्जांपल है बेटा. ये किसका एग्जांपल है सर, ये प्लेन मिरर का एग्जांपल है. और ये जो प्लेन मिरर आप देख रहे हैं राइट, इसका एक सरफेस कैसा है बेटा, पॉलिश्ड है और एक सरफेस यहां पर सिल्वर्ड है बेटा, ठीक है. जिस तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा है आप देखिए, इस तरफ हमने पॉलिश किया हुआ है और इस तरफ यहां पर हमने सिल्वरिंग किया हुआ है. इस इन सारी डिटेल्स से कोई सवाल नहीं आते, बट आपको बस पता होना चाहिए कि मिरर होता कैसे है. राइट एवरीवन, क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है. तो आ जाओ जरा और बातें करते हैं और आगे बढ़ाते हैं. तो यहां पर आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या आते हैं बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरह के लॉज होते हैं बेटा. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या यहां पर आप बोलेंगे सर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन. और इसी से बहुत सारे सवाल बनेंगे बच्चों, बहुत सारे सवाल बनेंगे. आ जाइए. सबसे पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. पहला तो आपके पास ये स्टेटमेंट बनता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. पहला तो ये बनता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. आई और आर दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर बराबर होंगे. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ईच वन ऑफ यू? अरे जल्दी बताओ. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है. दूसरी बात क्या है बच्चों, दूसरी बात क्या है उसके बारे में बात करते हैं. सेकंड वन इज, ठीक है, यहां पर इंसिडेंट रे, सेकंड आप ये लिखेंगे बेटा, सेकंड आप यहां पर ये लिखेंगे सर, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बेटा, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, वेरी गुड, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट and reflected ray all क्या लिखेंगे बेटा, all lie in the same plane. अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है, इसको सुनते हैं. तो बच्चों अगर आप यहां पर इस डायग्राम को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये इसका वाई एक्सिस हो गया डायग्राम का, और ये डायग्राम का क्या हो गया बेटा, ये डायग्राम का आपका एक्स एक्सिस हो गया. यस और नो एवरीवन, डायग्राम का वाई एक्सिस, डायग्राम का एक्स एक्सिस आप देख सकते हो. तो ये मैंने डायग्राम में यहां पर वाई बनाया, ये मैंने डायग्राम में एक्स बनाया. अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये पूरा का पूरा डायग्राम कहां पर है, तो आप बोलोगे सर एक्स वाई प्लेन में है. ये पूरा का पूरा डायग्राम कहां पर है बच्चों, एक्स वाई प्लेन में है. दिख रहा है सभी लोगों को, एवरीवन? हाँ जी. तो नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्यों लिया, क्योंकि मिरर पर नॉर्मल तो यहां भी हो सकता था,
मिरर पर नॉर्मल यहां भी हो सकता था। हमें किस नॉर्मल से काम है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वाला नॉर्मल बेटा। हमें किस नॉर्मल से काम है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वाले नॉर्मल से हमारा लेना देना होता है। बताओ यहां तक सभी लोगों को बात समझ में आ गई? ईच वन ऑफ यू जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ठीक है, थम्स अप करते जाना चीजें समझ में आती जा रही हो तो। थम्स अप करते जाना बेटा चीजें समझ में आती जा रही हो तो, है ना? गुड गुड, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलो ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आ गई। अब बच्चों एक चीज और समझते जरा, आप अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे, आप इसी डायग्राम में, आप इसी डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर सकते थे कि सर इस इंसिडेंट रे को ऐसे आगे बढ़ाते, सर इस इंसिडेंट रे को ऐसे आगे बढ़ाते, राइट? यस और नो? इस इंसिडेंट रे को आप ऐसे आगे बढ़ाते तो आप इसको क्या बोलते बेटा? आप इसको बोलते एक्सटेंडेड, आप इसको बोलते बच्चों, आप इसको बोलते एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे। एवरीवन क्या कहते हैं इसको? एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे कहते हैं। अब अभी आप लोगों ने कहा कि एक्सटेंडेड, ये एक्चुअल में क्या था? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस इंसिडेंट रे। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे इसी तरफ निकल जाती बेटा। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे, स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3×10^8 से मूव करते हुए इसी डायरेक्शन में आगे निकल जाता। बोलो यस और नो एवरीवन? हाँ या ना बोलो जल्दी से, हाँ या ना बोलो जल्दी से, राइट बच्चों? अब लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इस मिरर की वजह से यहां पर इस पार्ट, इस लाइट रे ने अपना रास्ता बदल दिया, अपना पाथ डेविएट कर लिया। बोलो किया कि नहीं किया एवरीवन? तो अगर पाथ डेविएट किया है, अगर पाथ डेविएट किया है तो ये वाला जो एंगल है बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे टूवर्ड्स रिफ्लेक्टेड रे। देखो यहां पर ये जो एंगल बनाया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंट रे से बनाया। मैंने कहां से बनाया बेटा? इस इंसिडेंट रे, इस एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे से कहां पर बनाया बेटा? मैंने रिफ्लेक्टेड रे की तरफ। तो यहां पर आपको डायरेक्शन पता चलती है और इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन बेटा, डेल्टा। और इसे क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन। एवरीवन इसको कहा जाता है बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन। अब आप लिखोगे क्या एंगल ऑफ डेविएशन को? तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है दिस इज नथिंग बट आप इसको लिखोगे सर 180 डिग्री माइनस, आपको यहां पर लिखना पड़ेगा सर एंगल आई प्लस एंगल आर। अब आप जानते हो सर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू थीटा लिखा जा सकता है। तो यहां पर यही वैल्यू क्या निकल कर आती है बच्चों? दिस एंगल ऑफ यहां पर डेविएशन वुड बी 180 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? 2 थीटा। चमक रहा है सभी लोगों को? 180 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? 2 थीटा। ठीक है, बोलो यस और नो एवरीवन? तो इसे हम क्या कहते बेटा? इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पर डायरेक्शन क्या होती है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जो आप एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हो इट हैज टू बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बेटा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो मेजर कहां पे होता है? हमेशा एक्सटेंडेड रे से इंसिडेंट, आपका रिफ्लेक्टेड रे की तरफ मेजर होगा। एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ मेजर होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक भी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब एक बात करते और जरा, ठीक है, अब एक बात करते और जरा बच्चों। यहां पर आपने अभी देखा जितनी भी चीजें थी उससे समझ में आ रहा है फर्स्ट लॉ जो है उसे आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लॉ जो है बेटा आप उसे ध्यान रखिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, ये और पता नहीं अब क्या सीन हो गया। हाँ ठीक है, तो बच्चों आओ जरा यहां पर आपने फिर से देखा कि सर ये मिरर है हमारा। यहां पर फिर से आपने इसको क्या बनाया बच्चों? मिरर बनाया। एवरीवन ये क्या है हमारा? ये हो गया हमारा मिरर। वेरी गुड। अब इस मिरर पर एक रे आई बेटा, यहां पर इंसिडेंट हुई और यहां पर उसने नॉर्मल बनाया और यहीं से वो क्या कर गई बेटा? रिफ्लेक्ट कर गई। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, है ना? तो सर इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का कुछ तो एंगल बन रहा है। ये एंगल मेरा क्या होगा बेटा? थीटा। तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या होगा? थीटा। होगा कि नहीं होगा एवरीवन? बेटा बेटा आई की जगह भी थीटा रखोगे, आर की जगह भी थीटा, तो थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 2 थीटा। इसलिए 2 थीटा होगा ना, इसलिए 2 थीटा होगा। ठीक है, ठीक है। 2 थीटा कैसे हुआ, समझ आया सभी लोगों को एवरीवन? बहुत बढ़िया। अब एक और बात करते बच्चों, यहां जैसे ही आपने देखा
कि सर ये एंगल थीटा और थीटा हो रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि एंगल मेड बाय दिस इंसिडेंट रे विथ द मिरर इज अल्फा एंड एंगल मेड बाय दिस रिफ्लेक्टेड रे विथ द मिरर इज बीटा, तो आप ऐसा नहीं देख रहे हो कि सर यहाँ पर एंगल अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा और वही सेम वैल्यू बीटा की होगी। बोलो हाँ या ना, वही सेम वैल्यू बीटा की होगी। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये किताबों में लिखा नहीं होता लेकिन इससे न्यूमेरिकल बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, इससे न्यूमेरिकल बहुत क्विकली सॉल्व होते हैं। तो एंगल अल्फा, इंसिडेंट रे इज मेकिंग एंगल अल्फा विद द मिरर बेटा, एंड रिफ्लेक्टेड रे इज ऑल्सो मेकिंग एंगल बीटा विथ द मिरर बेटा। तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बीटा, ये सीन हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो यस और नो ईच वन ऑफ यू, ठीक है? चलो ये बात भी समझ में आ रही है सभी लोगों को, बहुत बढ़िया। तो नोट कर लिया इतनी सारी चीजें, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते बेटा इस प्लेन मिरर से रिलेटेड और भी चीजें, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पर आएंगे। देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्लेन मिरर, अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं बेटा। प्लेन मिरर क्या होता है, हम वही डिस्कस कर रहे हैं अभी, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन पर। कहाँ पर आते हैं बेटा, प्लेन मिरर में आते हैं हम इमेज फॉर्मेशन पर। कहाँ पर आते हैं बच्चों हम, इमेज फॉर्मेशन पर, ठीक है? वेरी गुड। तो बच्चों क्या हो रही है सीन, इसको समझते हैं। कोई भी हमने यहाँ पर प्लेन मिरर लिया, कोई भी हमने यहाँ पर प्लेन मिरर लिया बेटा, क्या लिया बेटा, प्लेन मिरर लिया। तो क्या करता है ये प्लेन मिरर, इस पर बात करते हैं। ये प्लेन मिरर, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपने रखा, एनी ऑब्जेक्ट यू आर प्लेसिंग समवेयर ऑन दिस लाइन बेटा, ठीक है? एक तो अपन एक लाइन बना देते हैं, ये मैंने लाइन बना दी, और ये लाइन क्या है बेटा, दिस लाइन इज नॉर्मल टू द मिरर बेटा। दिस लाइन इज व्हाट, नॉर्मल टू द मिरर। कोई भी पॉइंट अगर आपने यहां पे रखा, कोई भी पॉइंट अगर आपने यहां रखा, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बच्चों, आपका ऑब्जेक्ट है, और ये कितने डिस्टेंस पर है बेटा, ये डिस्टेंस पर है एक्स। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो भी सेम डिस्टेंस पर बनेगा, बट बिहाइंड द मिरर बनेगा बेटा। कहां पर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। एवरीवन, कहां पर बनेगा बच्चों, बिहाइंड द मिरर बनेगा। सर ऐसे कैसे, समझा देते हैं आप लोगों को ऐसे कैसे। देखो एक काम करते, यहां पर मैंने बनाया नॉर्मल, यहां पर मैंने बनाया बेटा नॉर्मल, ठीक है? ये क्या होगा सर, ये होगा मेरे लिए मिरर पर नॉर्मल। एवरीवन, बहुत बढ़िया। अब अगर मैंने एक लाइट रे इंसिडेंट करी इस ओ से यहां पर, इस ओ से यहां पर, तो जिस एंगल पर इंसिडेंट हुआ है बेटा, जिस एंगल पर इंसिडेंट हुआ है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। अरे भाई ऑल्टरनेट इक्वल एंगल, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये इंक्लाइन लाइन क्या करेगी, ऑल्टरनेट इक्वल एंगल बनाएगी कि नहीं बनाएगी, समझ लो। एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा बेटा, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, जैसा हमने प्रॉमिस किया था बिल्कुल वैसे, ठीक है? तो बच्चों यहां पर ये वाली जो लाइट रे है, ये भी आपको समझ में आ रही है कि हाँ यार बात तो आपकी सही है सर, बात तो आपकी सही है। यहां से इस लाइट रे को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये आगे ऐसे जाएगी। बोलो हाँ या ना। एवरीवन, जा रही है कि नहीं जा रही है बेटा, जा रही है सर, ये कुछ आगे ऐसे निकल जाएगी, बहुत बढ़िया, निकलने दो इसको। अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी ऑल्टरनेट इक्वल एंगल थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो इसको भी तो थीटा होना पड़ेगा, मानते हो बात कि नहीं? अब अगर दो ट्राइंगल आपके पास हो बेटा, जैसे यहां पर आपको दिख रहे, एक ट्राइंगल ये वाला, दूसरा ट्राइंगल ये वाला, दो ट्राइंगल हो और उन ट्राइंगल्स में अगर ये डिस्टेंस आपकी एक्स है, ये डिस्टेंस आपकी वाई है बेटा, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो इसको मजबूरन एक्स होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, बताइए जरा, ठीक है? तो प्लेन मिरर के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगा बेटा, यस और नो एवरीवन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोजिशन ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। एवरीवन, वाई नेगेटिव, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज यहां पर कैसे हैं, आर अदर साइड ऑफ मिरर बेटा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इन द अदर साइड बेटा, ठीक है? एक दूसरे से अदर साइड में है, अदर साइड ऑफ मिरर मतलब एक अगर मिरर के फ्रंट में है तो दूसरा मिरर के बैक में होगा, अगर एक मिरर के बैक में है तो दूसरा मिरर के फ्रंट में होगा। बोलो यहां तक सभी लोगों को बातें समझ में आई कि नहीं? एवरीवन, ईच वन ऑफ यू। अब आप ये बोलोगे कि सर यहां पर आपने ये एक्स ओ एम क्यों लिखा, वो भी समझाता हूं बेटा, आपने यहां पर एक्स ओ एम क्यों लिखा। तो बच्चों
इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने एक्स ओ एम इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसको बोलूंगा, ये हो जाएगा एक्स ओ एम का मतलब है पोजीशन। एक्स ओ एम का मतलब है बेटा किसका? पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसकी पोजीशन बच्चों? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू मिरर। हम कहां से मेजर करेंगे पोजीशंस को? मिरर से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। और उसी तरह से अगर मैं एक्स आई एम लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चों? एक्स आई एम, तो इसको क्या लिखेंगे सर? पोजीशन ऑफ इमेज। क्या लिखेंगे बच्चों? पोजीशन ऑफ इमेज किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू मिरर, विद रेस्पेक्ट टू मिरर। एवरीवन ये बात भी क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक तो क्लियर होगी। विजिबिलिटी तो है ना प्रॉपर? आज किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आज ब्लर ब्लर तो नहीं दिख रहा एवरीवन? बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो यहां तक बातें समझ में आ गए। अब बच्चों और आगे कहानी को बढ़ाते हैं और चीजों को समझते हैं। ये प्लेन मिरर से रिलेटेड सारी बातें चल रही हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं इफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, बेटा इफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ये पोजीशन चेंज करते हुए क्या आ जाएगा? मिरर के पास आएगा, या फिर पोजीशन चेंज करते हुए मिरर से दूर जाएगा, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बच्चों? याद करो थोड़ा सा काइनेमैटिक्स में जो पढ़ाया था, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेलोसिटी कहते हैं। तो इफ ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड इमेज पोजीशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वैसे भी देखो एक बात समझो जरा, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो इमेज की पोजीशन भी चेंज करेगा। क्योंकि अगर ये एक्स दूरी पर है बेटा, अगर ये एक्स दूरी पर है तो इमेज भी एक्स दूरी पर है, अगर ये एक्स बाय टू पर आ जाएगा तो इमेज भी एक्स बाय टू पर आ जाएगा, अगर ये टू एक्स पर जाएगा तो इमेज भी टू एक्स पर जाएगा। बोलो यस और नो एवरीवन, ये बात क्लियर है? अगर आपका मिरर कैसा हो? स्टेशनरी हो। अगर मिरर स्टेशनरी नहीं हो तो क्या होगा? तो बच्चों वो बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर समझनी है। जैसे ही हमने लिखा डी ऑफ डी बाई डी टी, यहां पर हमने लिखा एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, यहां पर आएगा बेटा डी डिवाइडेड बाई डी टी, और आपको लिखना पड़ेगा बेटा एक्स ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर विद अ नेगेटिव साइन, बेटा विद अ नेगेटिव साइन। और बच्चों यहां पर आप क्या लिखोगे? एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द मिरर को जब डिफरेंशिएट किया बनेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, और ये बनेगा बेटा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। अब दोस्तों क्या लिखोगे आप इसको? इसको थोड़ा सा ऐसे लिखोगे, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा रखा है ना मैंने, तो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा रखा है, आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस लिखना पड़ेगा बेटा वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू, यहां पर माइनस साइन को बाहर करके आप लिखोगे सर वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस आपको लिखना पड़ेगा बेटा वेलोसिटी ऑफ मिरर। बहुत बढ़िया, इस माइनस साइन का अंदर इंटू कर दे बेटा, इस माइनस साइन का अंदर इंटू कर देते हैं। तो जैसे ही हमने माइनस साइन का अंदर इंटू किया हमें यह पता चला सर यह बन गया माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा वेलोसिटी ऑफ मिरर। एवरीवन बहुत बढ़िया, ये बात भी क्लियर है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज को मैं क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ इमेज को यहां से बेटा अगर मैं उठाकर इक्वल टू के, इसको यहां से उठाओ इक्वल टू के इस तरफ लाओ, और ये जो पूरा मसाला है वी नॉट माइनस वी एम इसको उठा के इधर लाते हैं, तो बच्चों ये इक्वेशन बनेगी सर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू twice times of velocity of mirror minus आप लिखेंगे सर velocity of object। एक फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चों? एक फॉर्मूला बन जाता है। बोलो yes or no everyone, जल्दी बताओ ये फॉर्मूला समझ में आ गया सभी लोगों को? यहां पर ये फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा एक बात लिखेंगे सर अलोंग नॉर्मल, ये सारी कहानी कहां पर हो रही है बेटा? अलोंग नॉर्मल हो रही है ये कहानी सारी की सारी, कहां पर हो रही है बेटा? अलोंग नॉर्मल हो रही है, यानी कि केवल और केवल नॉर्मल की डायरेक्शन में ही आपको ये रिलेशन मेंटेन करना है बेटा। ये रहा आपका मिरर, इस मिरर से ऐसे अगर आप जाओगे तो ये रिलेशन मेंटेन होगा, ऐसे जाओगे तो फिर यहां पर कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। क्यों? वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर यहां पर खड़ा होता, हम व्यक्ति की जगह पी को खड़ा करते। किसको खड़ा करते बेटा? हम व्यक्ति की जगह खड़ा करते पी को। कौन है पी? कौन है पी? तो जानते हो पी कौन है? अरे देखो जरा, है ना, दिख रहा है ऐसा?
अब अगर हमने यहां पर ये क्या बनाया बेटा, अगर मान लीजिए ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट था, अगर ये हमारे लिए क्या था बेटा, ऑब्जेक्ट था, तो इसकी जितनी हाइट है बेटा, इसकी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट का यहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। उतनी ही हाइट का यहां पर क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा। बना देते एक तो हाइट को सेम रखते हुए, हाइट को सेम रखते हुए अपन क्या करते बेटा, इमेज बना देते। एवरी वन प्लीज लुक एट दिस वेरी केयरफुली। उतनी ही हाइट का हमने क्या कर दिया बेटा, जितनी हाइट का ये मेरा ऑब्जेक्ट है उतनी ही हाइट का ये मेरा इमेज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा एवरीवन? ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना, तुम कांच के सामने जाकर खड़े होते हो तो जितनी तुम्हारी ऊंचाई है, जितनी तुम्हारी हाइट है, उतनी ही हाइट का इमेज बनता है या बड़ा बनता है। और जिस फ्लोर पे तुम खड़े होते हो, जिस डायरेक्शन में तुम खड़े होते हो, उसी डायरेक्शन में इमेज बनता है या ऐसा होता है कि सर ये पी आपने इधर खड़ा किया, इस पी को नीचे खड़ा कर दो, ऐसा होगा क्या एवरीवन? ऐसा होगा क्या बच्चों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आप यहां पर बोलेंगे कि सर ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक बात होती है, इसमें लेटरल इन्वर्जन हो जाता है बेटा। इमेज में क्या हो जाता है? लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। कुल मिलाकर कहानी ऐसी हो जाती है, ये ऐसी, ठीक है। यहां पर P किसकी तरह दिखने लगेगा बेटा? Q की तरह दिखने लगेगा। इमेज का क्या हो जाता है बेटा? इमेज फॉर्म्ड बाय क्या बच्चों? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इस कैसा होता है? वर्चुअल होता है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैसा होता है बेटा? वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड बेटा। लेटरली यहां पर क्या हो जाता है सर? लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? लेटरल इन्वर्शन हो जाता है। और कैसा होता है? वर्चुअल होता है। अब ये नया वर्ड आया है वर्चुअल, ठीक है, ये नया वर्ड आया है वर्चुअल, इसको समझाते हैं। तो बच्चों पहले वर्चुअल शब्द पर जाने से पहले जो कहानी हमने शुरू करी थी उसको खत्म करते हैं कि प्लेन मिरर अगर है तो प्लेन मिरर पर आप देख रहे हो कि एक लाइन आपको दिख रही है विच इज नॉर्मल, एंड नॉर्मल के लाइन पे ही बेटा प्लेन मिरर को जो नॉर्मल क्रॉस कर रहा है उसी लाइन पर आप लोगों को क्या मिल रहा है? उसी लाइन पर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, उसी लाइन पर आपका इमेज लाई कर रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, दिस इज अलोंग द नॉर्मल ओनली, नॉट अलोंग द पैरेलल टू द मिरर बेटा, नॉट अलोंग पैरेलल टू द मिरर, क्योंकि पैरेलल टू द मिरर में जितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही हाइट ऑफ इमेज है बेटा। बस फर्क इस बात का हुआ, लेटरल इन्वर्शन का। यहां पर पी था, ये आपको यहां पर क्यू की तरह दिखने लगा। इज दैट क्लियर? सभी बताओ। बहुत मस्त बात हो रही है बेटा, बहुत मस्त बात हो रही है। एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेनेशन में आ रही है, ठीक है, डन। समझे कि नहीं समझे? फॉर्मूला याद रखना। ढेरों ढेर सवाल करा के आपको अभी जो है कंठस्थ कराते हैं सारी चीजें बेटा, ठीक है। आ जाओ जरा करे बेटा। तो इस पूरी कहानी से एक बात हमको समझने में मिली बेटा, ध्यान से सुनिएगा। एक नोट पॉइंट है बेटा, आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज है, एक नोट पॉइंट है, उसे नोट करेंगे। अगर मैंने आपके लिए बनाया एक कोई मिरर बेटा, ठीक है, और मैंने कहा कि यहां पर एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बेटा, वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम यहां से बेटा, तो 2 मीटर की दूरी पर। कितने मीटर की दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। क्या रखा है मैंने? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब बताइए इसका करेक्ट इमेज डिस्टेंस कितना होगा बेटा? व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस? क्वेश्चन ये है, इमेज डिस्टेंस। यहां पर ये मिरर अपन ऐसे कंसीडर कर लेते बेटा, आपसे पूछा है इमेज डिस्टेंस। क्या पूछा बच्चों सवाल में? ये है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। क्विकली एक एक बच्चों का आंसर चाहिए मुझे जल्दी से। फटाफट, हाँ, क्विक, जल्दी जल्दी पढ़ाओ बेटा। आधा मिरर खत्म कर दिया, और कितनी जल्दी पढ़ाऊंगा? आधे से ज्यादा मिरर खत्म कर दिया बेटा, और कितनी जल्दी पढ़ाऊंगा? 2। अरे वाह, बहुत बढ़िया बच्चों। यही उम्मीद थी मुझे तुम लोगों से कि यही जवाब तुम्हारा आएगा बेटा। इसके सॉल्यूशन को मैं यहाँ पर बनाता हूँ 2 अलग अलग जगहों पर, ठीक है। ध्यान से देखना कौन सा सॉल्यूशन सही और कौन सा सॉल्यूशन गलत है। यहाँ पर ये हो रहा है बेटा कि इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल। दिस लाइन इज माई नॉर्मल टू द मिरर।
और बच्चों अगर ये नॉर्मल टू द मिरर है तो यहां पर इसका पोजीशन क्या होगा पता है, नॉर्मल टू द मिरर इसका पोजीशन होगा यहां पर ये वाला, एंड दैट वुड बी, आप बोलोगे सर 2 cos 60, और ये वैल्यू फाइनली सॉल्व होके केवल 1 मीटर बचेगा। तो बच्चों यहां से 1 मीटर की दूरी पर, यहां से 1 मीटर की दूरी पर ही आपका क्या होगा, इमेज होगा। मानते हो बात कि नहीं, 1 मीटर की दूरी पर ही क्या होगा बच्चों, इमेज होगा। इज दैट क्लियर, चमक गया? यस। कभी भी अगर आपने ये बोला कि यहां से 2 मीटर की दूरी पर, यहां से अगर 2 मीटर ऐसे था तो यहां पर आपका 2 मीटर ऐसे होगा, 2 मीटर ऐसे यहां पर इमेज होगा, तो ये गलत है बेटा, ये गलत है। ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला सही है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों हमेशा सेम लाइन पर होंगे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेन मिरर, और वो लाइन होगी नॉर्मल टू द मिरर। वो लाइन कौन सी होगी बेटा, नॉर्मल टू द मिरर। तो नोट पॉइंट समझ में आया सभी लोगों को, नोट पॉइंट समझ में आया बेटा, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ ये वाला बिल्कुल सही है, नॉर्मल टू द मिरर होनी चाहिए लाइन, उसी पर होगा ऑब्जेक्ट, उसी पर होगा इमेज। ठीक, सबको चमक गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। जिनका करेक्ट था कोई बात नहीं, जिनका गलत था उनके लिए भी कोई बात नहीं। अब एक शब्द आया था बीच में, सर ये वर्चुअल और रियल का क्या चक्कर है सर? ठीक है, यहां पर वर्चुअल और रियल का क्या चक्कर है? देखो तो हम बात करते बेटा इमेज की, हम बात करते बेटा किसकी, इमेज की, यहां पर इमेज की। तो इमेज क्या होता है, इमेज में दो तरह की चीजें होती बेटा, इमेज में दो तरह की चीजें होती। एक इमेज होता है आपका वर्चुअल, एक इमेज होता है बेटा आपका यहां पर क्या, एक इमेज होता है आपका यहां पर वर्चुअल, और एक इमेज होता है बेटा यहां पर आपका रियल। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है, रियल इमेज में क्या होता है, उसको समझते बेटा। इफ रिफ्लेक्टेड रेज मीटिंग एक्चुअली रियली, देन यहां पर कैसा होता है, रे होता है तुम्हारा, यहां पर इमेज कैसा होगा बेटा, अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही हो कहीं पर किसी पॉइंट पर, तो वहां पर बनता है आपका रियल इमेज। और अगर नहीं, इफ नॉट मीटिंग एक्चुअली बेटा, यहां पर क्या लिखेंगे, इफ रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर लिखेंगे सर नॉट मीटिंग, रिफ्लेक्टेड रेज नॉट मीटिंग एक्चुअली, रिफ्लेक्टेड रेज नॉट मीटिंग एक्चुअली, उस केस में हम बोलते हैं यहां पर वर्चुअल। मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाकर समझाता हूं, उससे आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी होगा। ठीक है, वाह शाहरुख खान जी, ऐसा है बेटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये जो 2 मीटर यहां से आपको दिया हुआ था ना, तो इसका कॉस कंपोनेंट लेना पड़ेगा ये वाला बेटा, और जब भी कोई वैल्यू टूटकर थीटा की तरफ जाती है तो वो कॉस हो जाती है। ये बेसिक्स ऑफ वेक्टर में पढ़ाया गया है, क्लास 2 ऑफ निश्चय 3.0 बेटा, मोशन इन अ प्लेन जब पढ़ाया था तब मैंने कंपोनेंट लेना सिखाया था, याद है आप सभी लोगों को? भूल गए बेटा, यस और नो, याद है ना? हाँ, फिर चलो यहां तक तो क्लैरिटी हो गई। तो बच्चों इतनी बातें समझ आने के बाद में अब ये थोड़ा सा समझा दो सर कि रेज आर नॉट मीटिंग एक्चुअली एंड रेज आर मीटिंग एक्चुअली का मतलब क्या है। तो बेटा अभी आपको डायग्राम बनाकर समझाते हैं, अभी आपको क्या करते हैं, डायग्राम बनाकर समझाते हैं। ये क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये क्या है बच्चों हमारा, ये हमारा प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर में हमने क्या किया सर, एक नॉर्मल मैंने बना देना बेटा, ये मैंने नॉर्मल बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया बेटा, नॉर्मल बना दिया एवरीवन। अब इस नॉर्मल बना लेने के बाद में यहां पर कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पर क्या बेटा, कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है। अब एक तो आप बोलोगे सर रे ऐसे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई और वो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक करके रिट्रेस हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? अरे ये इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई, यहां पे टकराएगी और वापस इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दूसरा ये हो सकता था कि सर एक रे जो होगा वो यहां से ऐसे निकलेगा, ठीक है, और यहां से टकरा के ऐसे जाएगा बेटा, बोलो यस और नो एवरीवन। तो जब ये टकराकर ऐसे जा रहा है तो इस रिफ्लेक्टेड रे को आप क्या करेंगे, रिट्रेस करेंगे, क्या करेंगे, पीछे की तरफ ऐसे रिट्रेस करेंगे, तो आप पाएंगे ओ आई सी कि रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट मीटिंग एक्चुअली। हाँ जी, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट मीटिंग एक्चुअली, क्योंकि ये तुम्हारा नॉर्मल है और यहीं पर तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है, इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को भी क्या करना पड़ेगा, ऐसे डैश डैश करके मिलाना पड़ेगा जबरदस्ती। तो जब आप उसे क्या करते हो, ऐसे जबरदस्ती मिलाते हो, तो यहां पर जो आपकी इमेज बनती है बेटा, यहां पर जो आपकी इमेज बनती है, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको अपन कहते हैं वर्चुअल इमेज। यहां जो ऑब्जेक्ट है इससे रेज ऐसे निकल रही है, इसको अपन बोलते हैं बेटा रियल ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, इसको अपन कहते हैं रियल ऑब्जेक्ट।
अब ध्यान से सुनो, यहां पर जो इंसिडेंट रेज है इनको अगर आप ऑब्जर्व करोगे बेटा, इफ यू ऑब्जर्व द इंसिडेंट रेज, आपको एक और बात यहां पर समझ में आएगी कि सर इंसिडेंट रेज को ऑब्जर्व करने के बाद में एक क्लैरिटी आ रही है, और वो क्लैरिटी इस बात की है, वो क्लैरिटी इस बात की है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, वो क्लैरिटी इस बात की है, क्या दिख रहा है यहां पर इंसिडेंट रेज को आप ऑब्जर्व करो, तो इंसिडेंट रेज आपको कैसी दिखाई दे रही है बेटा, इंसिडेंट रेज आपकी डाइवर्जेंट है, इंसिडेंट रेज आपकी कैसी है बेटा, डाइवर्जिंग है, रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसी है बेटा आपकी, डाइवर्जेंट है, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट एवरीवन, तो मैं यहां पर कुछ बातें लिख रहा हूं जिसको आपको इस डायग्राम में विजुअलाइज करते हुए समझना है बेटा, ठीक है। तो अगर आप यहां पर बोलोगे कि सर इंसिडेंट रेज कैसी होंगी, अगर इंसिडेंट रेज यहां पर होंगी डाइवर्जेंट, अगर इंसिडेंट रेज यहां पर कैसी होंगी बेटा डाइवर्जेंट होंगी, इंसिडेंट रेज के डाइवर्जेंट होने से जो आपका इमेज है, जो आपका इमेज है वो कैसा होगा बेटा, इमेज होगा आपका वर्चुअल, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसा होगा बेटा, वो होगा रियल, ठीक है, ये वर्चुअल होगा ये रियल होगा, बहुत बढ़िया। जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनके डाइवर्जेंट होने से क्या होगा, तो रिफ्लेक्टेड रेज के डाइवर्जेंट होने से देखो ना यहां पर इंसिडेंट रेज दूर दूर जा रही है तो डाइवर्ज हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर दूर जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये भी डाइवर्जेंट है, ये भी अगर डाइवर्जेंट है तो यहां पर आप क्या लिखोगे सर, तो आप लिखोगे सर इमेज हमारा वर्चुअल और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा सर, ऑब्जेक्ट हमारा रियल होगा, अदरवाइज हमें यहां पर क्या लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इंसिडेंट रेस कैसे होते बेटा, अगर इंसिडेंट रेस कॉन्वर्जेंट होते, अगर इंसिडेंट रेस कैसे होते बेटा कॉन्वर्जेंट होते, कैसे हो सकते थे सर कॉन्वर्जेंट, अभी समझा देते हैं वाली मीनिंग भी बेटा, आ जाओ जरा यहां पर, ये हमने लिया मिरर एवरीवन, ये हमने लिया बेटा मिरर, और यहां पर रेज एक्चुअल में ऐसे आते, ये हमने बना लेना बेटा एक लाइन यहां पर विच इज नॉर्मल, एक लाइन हम यहां पर बना लेते विच इज नॉर्मल बेटा, अब एक रे आता यहां पर जाता और ये इसको हम बोलते सर इंसिडेंट रे, ठीक है, ये रे आता यहां पर जाता और इसको अपन बोलते बेटा इंसिडेंट रे, ठीक है, दीज रेज आर इंसिडेंट रेज बेटा, इन रेज को हम क्या बोलेंगे सर, ये वाली आपकी इंसिडेंट रेज है तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है। अब देखो रिफ्लेक्टेड रेज मीटिंग एक्चुअली, अब देखो रिफ्लेक्टेड रेज मीटिंग एक्चुअली, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है बेटा और ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज मीटिंग एक्चुअली, तो यहां पर इमेज बनेगा और इस इमेज को हम रियल इमेज कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, रियल इमेज कहेंगे। लेकिन ये रेज कहां से आती हुई नजर आ रही है, ये रेज कहां से आती हुई नजर आ रही है, तो आप बोलोगे कि सर ये हमें आती हुई नजर आ रही है फ्रॉम दिस पॉइंट बेटा, फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन सी दैट की रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे बेटा, इसी पॉइंट को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया आपका, वर्चुअल हो गया, कैसा हो गया बेटा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल हो गया, चमका कि नहीं चमका सभी लोगों को, एवरीवन। अभी देखो दो डायग्राम्स आपके सामने हैं, दो डायग्राम्स आपके सामने हैं, एक में इंसिडेंट रेज डाइवर्जेंट है, एक में इंसिडेंट रेज कॉन्वर्जेंट है बेटा, यहां पर ये रेज ऐसे आके मिल रही है तो इनको कॉन्वर्जिंग रेज कहेंगे, टकराने के बाद में भी वो क्या कर रही बेटा, कन्वर्ज हो रही है, टकराने के बाद में यहां पर ये रेज क्या कर रही बेटा, कन्वर्ज हो रही है, तो आप लिखेंगे सर अगर सेकेंड इमेज के हिसाब से, सेकेंड इमेज को ध्यान में रखकर, एवरीवन सेकेंड इमेज को अगर ध्यान में रखकर आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे बच्चों कि यहां पर इंसिडेंट रेज अगर कैसी होंगी, इंसिडेंट रेज अगर होंगी यहां पर कॉन्वर्जेंट, इंसिडेंट रेज अगर होंगी कॉन्वर्जेंट, और अगर रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसी होंगी बेटा, कॉन्वर्जेंट, रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसी होगी बेटा, कॉन्वर्जेंट, तो यहां पर ऑब्जेक्ट कैसा होगा बेटा, ऑब्जेक्ट कैसा होगा तुम्हारा, होगा यहां पर ऑब्जेक्ट वर्चुअल, ठीक है, और इमेज कैसा होगा बेटा, तो आप लिखेंगे सर इमेज होगा हमारा यहां पर रियल। आ रही है बात सभी लोगों को समझ में, इज दैट क्लियर, सेकेंड वाला डायग्राम फर्स्ट वाला डायग्राम दोनों क्लियर हो गया बच्चों, एवरीवन बहुत बढ़िया, ठीक है, अगर यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं तो एक दो चीज और प्लेन मिरर की, फिर हम आ जाते हैं प्लेन मिरर के ढेर सारे सवाल करने में, ठीक है। बोलो यहां तक सबको क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई, जल्दी बताओ फटाफट से, फास्ट दोस्तों, फटाफट से, सुपर फास्ट, ठीक है। ये प्लेन मिरर्स में लेटरल इन्वर्जन, इमेज डिस्टेंस, इमेज वेलोसिटीज, ठीक है, उसके बाद में इमेज फॉर्मेशन, सब कुछ क्लियर है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी, आ जाओ डन बच्चों, सवाल करने के लिए रेडी हो, सवाल करने के लिए रेडी हो,
तो चलो सवाल करवाते हैं आप लोगों को। तो चलो क्या कराते हैं बेटा, सवाल कराते हैं आप लोगों को, ठीक है? आ जाओ भाई सवाल करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। लाइट फॉल्स ऑन द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर वॉट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे बेटा। अच्छा क्या बोल दिया है, फॉर वॉट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे एंड जो आपका इंसिडेंट रे होता है, इन दोनों के बीच में टोटल एंगल क्या होता है बेटा? देखो कोई भी आपने यहां पर मिरर बनाया है ना, बार बार खैर मिरर बनाकर देखने की जरूरत नहीं है, बट सवाल ने कह दिया तो अपन बना लेते हैं ऐसा। देखो यहां पर आपको बोला गया है कि दीज टू आर एट 90 डिग्री एंगल बेटा, ये एक दूसरे से कैसे होने चाहिए 90 डिग्री एंगल पर। लेकिन एक बात तो हम जानते हैं कि सर ये वाला एंगल अगर आपका थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होना चाहिए। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और आपको सवाल खुद ही बोल रहा है कि थीटा प्लस थीटा दोनों मिलकर क्या होंगे 90 होंगे, तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए बेटा 45 डिग्री होना चाहिए। समझ गए ईच वन ऑफ यू? क्या बात है, ये छोटे छोटे सवाल है, देखो ऐसे छोटे छोटे सवाल है, ठीक है? और ऐसे सवालों पर पूरी कहानी टिकी होती है। मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। आओ आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर बेटा, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है? ऑलवेज रियल, ऑलवेज वर्चुअल, वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड। यस बच्चों, वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड बेटा, ठीक है? वर्चुअल होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा। बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है? आगे बात करते हैं सर, नेक्स्ट। छोटे छोटे सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है? नेक्स्ट बेटा, इट इज डिजायर्ड टू फोटोग्राफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 3 meters फ्रॉम द प्लेन मिरर। द कैमरा विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 meters फ्रॉम द मिरर शुड बी फोकस्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ। बोल रहा है फोटोग्राफ लेना है ऑब्जेक्ट का नहीं, उसकी इमेज का, जो प्लेन मिरर से कहां पे रखा है 3 meters की दूरी पर। बहुत बढ़िया, आपको यह कहा गया है कि एक आपका प्लेन मिरर है और उस प्लेन मिरर से 3 meters की दूरी पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 meters देर इज वन ऑब्जेक्ट बेटा। कितनी दूरी पर है? 3 meters पर है। इसका इमेज कहां पर बनेगा जल्दी से, इसका इमेज कहां पर बनेगा बेटा? 3 meters पर इसका इमेज बनेगा, 110%। सिंपल है, 110% कहां पर बनेगा बेटा? 3 meters पर। लेकिन कैमरा कहां पर रखा हुआ है? मिरर से रखा हुआ है 4.5 meters की दूरी पर। कैमरा आपका यहां पर है, तो कैमरा अगर आपका यहां पर है तो बताइए जरा, अगर ये वाली दूरी आपकी 4.5 meters हो गई तो बच्चों यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस आपकी क्या होगी? कोई बताएगा यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस क्या होगी? टू गेट टू टेक दी पिक्चर ऑफ इमेज बेटा, कैमरा को फोकस करना पड़ेगा यहां पर, और ये दूरी है कैमरा से कितनी दूर बेटा? 7.5 meters पर। कैसे आया 7.5? 3 + 4.5 बेटा, 3 + 4.5। अगर इमेज लेना होता किसका? ऑब्जेक्ट इटसेल्फ का। अगर कैमरे को इसकी पिक्चर खींचनी होती तो 1.5 meters पर फोकस करना पड़ता। अगर कैमरे को इसकी पिक्चर खींचनी होती तो कहां फोकस करना पड़ता बेटा? फोकस करना पड़ता 1.5 meters पर। अगर कैमरे को खुद की जो इमेज बनेगी उसकी पिक्चर अगर लेनी होती तो क्या करना पड़ता? तो बेटा अगर प्लेन मिरर से 4.5 meters पर है तो यहां से भी क्या होगा? 4.5 meters पर कैमरा का इमेज होता। तो फिर आप बोलते सर 4.5 + 4.5 9 meters की दूरी पर उसे फोकस करना पड़ता। एक सवाल में सारे प्रस्पेक्टिव समझ में आ गए सभी लोगों को? किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत बच्चों? नहीं है? अरे हाँ या ना बोलो फटाफट, यहां तक बात समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। अगला सवाल है, अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट पेंसिल ऑफ लाइट टू फॉर्म द रियल इमेज बेटा, ठीक है? अ प्लेन मिरर, किसकी बात हो रही है बेटा? प्लेन मिरर की बात हो रही है। और कैसा इमेज बनाना है? रियल इमेज बनाना है। देन द पेंसिल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर इज, अगर तुम्हें रियल इमेज बनानी हो प्लेन मिरर से तो इंसिडेंट रेडिएशन कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, कॉन्वर्जेंट होने चाहिए, डाइवर्जेंट होने चाहिए, या फिर नन ऑफ द अबव?
अभी क्लास में पढ़ाया, अभी क्लास में पढ़ाया, रियल इमेज के लिए इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी कॉन्वर्जेंट बेटा, तभी तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तभी तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ये रही कहानी, एक्सप्लेन्ड है पूरी, ये रही कहानी एक्सप्लेन्ड है पूरी बेटा, देख लो जरा। मतलब ऐसी बात नहीं है माई भैया की क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे अपन, एकदम इत्मीनान से चमकाएंगे बेटा, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं पेस्ट भी कर देता हूं इसको, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में भी मिल जाए। इमेज कैसा होगा, रियल होगा, कब, जब आपके इंसिडेंट रेडिएशंस कैसे होंगे, कॉन्वर्जेंट होंगे। ये पेंसिल ऑफ लाइट का क्या चक्कर है, जब बहुत सारी लाइट रेज क्या करती है बेटा, इस तरह से आती है ना, तो इसको पेंसिल ऑफ रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेंसिल ऑफ रे बोलते हैं, ठीक है। बंडल ऑफ लाइट, बंडल ऑफ लाइट, नॉट पैरेलल टू ईच अदर, आइदर कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो हम इसको कहते हैं पेंसिल ऑफ लाइट बेटा। अगर इस तरह की सिचुएशन है, अगर इस तरह की सिचुएशन है, इसको हम बोलेंगे बेटा डाइवर्जेंट, ये भी पेंसिल है बेटा। और अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इसको भी हम बोलेंगे बेटा ये भी पेंसिल होगा, ये भी पेंसिल होगा। इज दैट क्लियर? यस बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ, अगला यहां पर बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डू नॉट सरफेस लेटरल इन्वर्शन। किनका सरफेस लेटरल इन्वर्शन, यानी कि जिनकी इमेज भी ओरिजिनल लेटर्स की तरह नजर आएगी, जिनकी इमेज भी ओरिजिनल लेटर्स की तरह नजर आएगी, क्या वो एच जी ए हो सकता है, क्या वो एच ओ एक्स हो सकता है, क्या वो वी ई टी हो सकता है, क्या वो यहां पर यू वाई यू एल हो सकता है। तो बच्चों आकर समझते हैं इस सवाल को जल्दी से। इसमें जो एच ओ एक्स है, क्योंकि एच का लेटरल इन्वर्शन भी एच दिखेगा, ओ का लेटरल इन्वर्शन भी ओ दिखेगा, और एक्स का लेटरल इन्वर्शन भी एक्स ही दिखेगा। बोले सर समझ में नहीं आ रही बात, सर समझ में नहीं आ रही बात, थोड़ा विजुअलाइज हो जाएगा तो ठीक रहेगा। आइए जरा विजुअलाइज कर लीजिए, आइए जरा विजुअलाइज कर लीजिए। अरे देखो यहां पर ये मिरर लगा हुआ है, यहां पर क्या किया बेटा हमने, यहां पर मिरर लगाया हुआ है, यहां पर ये मिरर है, यहां पर ये मिरर है, मैं एक वार्डरोब के सामने खड़ा हूं जहां पर मिरर है बेटा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मिरर में हमने क्या किया, मिरर में हमने इमेज ली, ये हमारा क्या बेटा, इस तरफ हमारे पास इमेज है एच ओ एक्स। देखो यहां पर x आ गया, लेकिन जैसा यहां पर x है वैसा ही x यहां पर है, यहां पर o आ गया तो यहां पर भी o आ गया, यहां पर ये क्या आ गया बेटा h है, तो यहां पर भी सिमिलर h है। लेकिन बाकियों को देखो, एच जी ए को देखो, जो एच जी ए था यहां पर h और a तो सेम है, जी उल्टा हो गया, जी उल्टा हो गया, ये सो नो। वी ई टी में V और E तो V को देखो, V यहां पर सेम है, T यहां पर सेम है, लेकिन E उल्टा हो गया बेटा, E से चक्कर पड़ गया। YUL में Y सेम है, U सेम है, बस चक्कर किसका पड़ गया, L का पड़ गया। तो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को एवरीवन, तीनों चीजें, चारों चीजें, चारों बातों को समझ में यहां पर जो है बनाया हुआ है एवरीवन। मस्त है, मस्त है कि नहीं, अरे वाह। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, आपको बस सर्च करना है टेलीग्राम के लिए t.me/mahisir, t.me/mahisirphysics, एंड येस यू विल बी एबल टू गेट द पीडीएफ्स बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाकर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, या फिर आप सीधा टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी करोगे माहीसर तो भी आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ जरा अगले पर बात करते हैं, अगले पर बात करते बेटा। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल इन विच, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल बेटा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर इन अ सिचुएशन शोन इन द फिगर, इट इज गिवन दैट प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। मतलब कि अगर मिरर ऐसा रखा है तो पार्टिकल का मोशन ऐसा हो रहा है, ठीक है, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। अगर ये आपका मिरर है तो पार्टिकल का मोशन इज परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसा हो रहा है बेटा, ठीक है। तो कभी करके देखना आप मिरर के सामने ये वाला, ठीक है, कभी करके देखना आप। देन द मोशन ऑफ द इमेज ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द इमेज इज, देखो जब पार्टिकल तुम्हारा यहां होगा तो इमेज भी तुम्हारी यहां होगी, जब पार्टिकल थोड़ा ऊपर जाएगा तो इमेज भी थोड़ा ऊपर जाएगा, जब पार्टिकल थोड़ा और ऊपर जाएगा तो इमेज भी थोड़ा और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन पोजीशन बेटा, दिस इज द मेन पोजीशन अबाउट विच यहां पर पार्टिकल क्या करेगा बेटा, अभी यहां है, फिर यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर वापस यहां जाएगा, फिर वापस यहां जाएगा, तो पार्टिकल विल बी व्हाट, पार्टिकल विल बी
ऑसिलेटिंग अबाउट द मेन पोजिशन. करके देखोगे आपको समझ आएगा घर पे बेटा, ठीक है? करके देखोगे आपको समझ में आएगा. क्योंकि क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, मिरर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है. तो जब यहां है तो इमेज नीचे है, थोड़ा ऊपर जाएगा इमेज ऊपर उठेगी, थोड़ा और ऊपर जाएगा इमेज और ऊपर उठेगी, थोड़ा और ऊपर जाएगा इमेज थोड़ी और ऊपर उठेगी. ठीक है, आ रही है बात समझ में? सो दैट पार्टिकल विल बी ऑसिलेटिंग लाइक दिस. पार्टिकल क्या करेगा सर, ऑसिलेट करता हुआ आपको नजर आएगा. तो बी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट है. ठीक है, चलिए जी आगे आ जाइए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री. द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज, बेटा कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट्स. बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई इज इक्वल टू आर होता है और वो थीटा होता है, और उसकी वैल्यू यहां पर आपको 30 डिग्रीज गिवन है. एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल. एंगल मेजर्ड फ्रॉम कहां से बेटा, नॉर्मल. एवरीवन ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो बताओ दोस्तों यहां पर क्या करेक्ट आंसर होगा. यहां पर आंसर करेक्ट देखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सर एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू, ये होगा सर 180 माइनस क्या होगा बेटा 2 थीटा. यहां पर आप लिखोगे सर 180 माइनस क्या लिखोगे 2 इंटू में थीटा की जगह क्या लिखोगे 30. तो ये क्या होगा बेटा 180 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 60 डिग्री. तो आंसर क्या आएगा बेटा 120 डिग्री. यस आंसर करेक्ट हो गया डी 120 डिग्रीज बेटा. ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन होता है यहां पर 180 माइनस 2 थीटा. थीटा क्या है यहां पर, थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा. ठीक, क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया, अरे वाह अरे वाह, ये हुई ना बात. देखो सवाल बन रहे हैं आप लोगों के, सवाल बन रहे हैं आप लोगों के. अगला सवाल है, टू प्लेन मिरर्स inclined to each other at an angle of 90 degree, a ray of light is incident on one mirror. ठीक है, on one mirror the ray will undergoes total deviation of, the ray will undergoes total deviation of. कितना total deviation होगा उस पर हमें चर्चा करनी है, कितना total deviation होगा उस पर हमें चर्चा करनी है. बच्चों एक छोटा सा यहां पर काम करते हैं, एक छोटा सा यहां पर क्या करते हैं, काम करते हैं, उसको थोड़ा समझिएगा जरा, है ना एवरीवन. अगर आपके पास दो मिरर्स हैं, है ना, मैं पूरा डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करता हूं बेटा. ठीक है, मैं पूरा डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करता हूं. अगर आपके पास दो मिरर्स हैं एंड दीज टू मिरर्स आर लाइक दैट बेटा, दीज टू मिरर्स आर लाइक दैट. ये आपका मिरर, आप इसको मिरर M2 कह दीजिए. ठीक है, ये आपका मिरर है, आप इसको मिरर M1 कह दीजिए. एंड दीज टू मिरर्स आर एट ए 90 डिग्री एंगल विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर. कितने एंगल पर है बच्चों, 90 डिग्री एंगल पर है. अब आप यूं कहेंगे कि कोई भी रे किसी भी एंगल पर आ रही हो, ठीक है, कोई भी रे किसी भी एंगल पर आ रही हो, लेट्स से अ रे इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. अ रे इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंगल 45 डिग्री हो या क्या हो. बस समझाने के लिए मैंने ले लिया बेटा, इसको मैं नॉर्मल एन वन कहूंगा, नॉर्मल ऑन मिरर वन. और इस एंगल को मैंने क्या कहा बेटा, चलो इसको मैं थीटा बोल देता हूं. क्या बोल देता हूं बेटा, थीटा बोल देता हूं. ठीक है एवरीवन, जैसे आपने इसको थीटा कहा, जिस एंगल पर ये इंसिडेंट हुआ है उसी एंगल पर इसको रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा बेटा. यस और नो, उसी एंगल पर इसको रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा. और जब उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, मानते हो बात कि नहीं, ईच वन ऑफ यू ये भी मानते हो बेटा. अब दोस्तों एक छोटी सी बात और करते हैं, यहां पर जो मिरर आपको सेकंड वाला दिख रहा है ये यहां आपका क्या होगा बेटा, दिस विल बी योर नॉर्मल टू. ये आपको क्या लिखा है, ये आपको एन टू मिलेगा बेटा, ये आपको क्या मिलेगा एन टू. अरे ये वाला क्या होगा, N2 नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर टू मिरर 2. यस और नो एवरीवन, ठीक है बहुत बढ़िया, आंसर ए आ रहा है. अरे वाह अरे वाह. तो बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो मैं अगर इस एंगल को अल्फा कहूं तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर ऑल्टरनेट इक्वल एंगल, इसको भी आपको अल्फा ही कहना पड़ेगा, इसको भी आपको क्या कहना पड़ेगा बेटा, अल्फा ही कहना पड़ेगा. और अगर यहां पर इसको भी आपने अल्फा कहा तो ये वाला भी क्या होगा सर, एंगल अल्फा पे ही रिफ्लेक्ट करेगा. बोलो यस और नो. तो बच्चों बच्चों बहुत सिंपल लॉजिक था, बहुत सिंपल लॉजिक था. यहां पर ये वाला भी क्या हो गया बेटा, एंगल अल्फा हो गया. अब आपको बस ये देखना है कि इंसिडेंट रे और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल क्या है. डायग्राम बनते बनते ही समझ में आ गया कि सर अगर ये इधर आई है तो ये इससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. यस और नो, 180 डिग्री का डेविएशन हो रहा है बेटा. कितने का डेविएशन हो रहा है, 180 डिग्री का डेविएशन हो रहा है. कैसे, आइए समझाते हैं आपको.
तो हुआ यूं दोस्तों कि पहले वाला जो मिरर आपने देखा, फर्स्ट वाला जो मिरर आपने देखा, उस फर्स्ट वाले मिरर में आप इसको क्या बोलेंगे सर? इसको अपन बोलेंगे सर एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे बेटा, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे EIR, और ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो दिस विल बी योर एंगल ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको अपन बोलेंगे डेल्टा वन। तो मैं लिखूंगा बेटा डेल्टा वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों? तो आई मस्ट से कि डेल्टा वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा सर 180 माइनस यहां पर हो जाएगा सर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट विच इज थीटा। ठीक है बच्चों, यस और नो एवरीवन, मानते हो बात कि नहीं? और ये कैसा आ रहा है? ये क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा आ रहा बेटा? क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है। फिर आपने आगे चल के देखा सर ये होगा फिर से मेरा एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, एंड दिस टाइम दिस विल बी व्हाट बेटा, दिस टाइम ये वाला होगा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको मैं बोलूंगा डेल्टा टू। और अगर आप यहां पर डेल्टा टू को लिखोगे तो भी आपको लिखना पड़ेगा सर इस दफा क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 180 माइनस यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 2 अल्फा। एवरीवन बोलो, और ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज आ रहे हैं। वाह, ये हुई ना बात सर, दोनों कैसे आ रहे बेटा? क्लॉकवाइज आ रहे हैं। ठीक है भाई, इतनी बातें तो हमको समझ में आ गई। तो दोस्तों आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे कुछ इस तरह से कि सर हम यहां पर टोटल एंगल ऑफ डेविएशन को क्या लिख सकते थे, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्ट आएगा बेटा 180 प्लस 180, दिस रिजल्ट वुड बी 360। यहां पर माइनस हम 2 कॉमन ले लेते, अंदर बचेगा बेटा अल्फा प्लस थीटा। क्या बचेगा बेटा? अल्फा प्लस थीटा। एंड अगर आप इस जगह पर ध्यान से देख रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप इस पूरे ट्राइंगल में आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि सर ये वाला एंगल भी तो आपका 90 डिग्री है। बेसिकली दिस इज एंगल बिटवीन मिरर बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे सर? एंगल बिटवीन मिरर, से इसको बीटा बोल देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर हम ये बोलेंगे कि सर यहां पे थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है? तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं सर, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा। बोलो हाँ या ना, यहां पे उठा के पटक दो। बीटा क्या है? एंगल बिटवीन मिरर बेटा। बीटा क्या है यहां पर आपका? एंगल बिटवीन मिरर है बेटा। क्या है यहां पर बेटा आपका? एंगल बिटवीन मिरर है। तो ये रिलेशन सॉल्व होके कुछ ऐसा आता है बेटा, 360 डिग्री माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ आप यहां पर लिखेंगे सर एंगल बिटवीन, माइनस आप यहां पर लिखेंगे सर ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल बिटवीन, क्या आएगा बच्चा? एंगल बिटवीन मिरर, ठीक है? मैंने डायग्राम से तो समझाई दिया, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। तो यहां पर 360 डिग्री होगा माइनस ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल बिटवीन मिरर 90 डिग्री होगा। तो 360 में से जब 180 माइनस होगा तो आंसर आएगा बेटा 180 डिग्री। तो जब भी कभी आपको एंगल बिटवीन मिरर से अगर एंगल ऑफ डेविएशन निकालना तो क्या करोगे आप? लिखोगे 360 डिग्री में से माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बिटवीन द मिरर करोगे बेटा। बोलो यस और नो एवरीवन। ठीक है, जल्दी बताओ थम्स अप करके फटाफट से, फटाफट। ये क्लियर हुआ? हालांकि ये सब क्यों, इतना नहीं करना है आप लोगों को, लेकिन फॉर्मूला बताऊंगा नहीं तो फिर बाकी सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? तो जब भी कभी दो मिरर्स इंक्लाइंड हो एट सम एंगल, इफ यू वांट टू गेट द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बिटवीन द मिरर बेटा, दैट्स ऑल। बस इतनी सी बात करनी, ठीक? क्लियर है एवरीवन? आ जाओ जरा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? अब बात करते बच्चों अगली, ठीक है? कैसे आप यहां पर एक चीज और बना सकते थे बेटा, यार कई बार क्या होता है ना, हमको ये क्लैरिटी नहीं मिलती कि कैसे हम बात कर रहे होते। तो देखो, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल होता है, ये भी एक लॉजिक है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल होता है, वहां से भी आप क्या लिख सकते हैं बेटा? अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ जरा अगला, नीट 2013 का सवाल है बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल ये बोल रहा है, टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, अ रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एन एंगल ऑफ थीटा आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके,
पहली बात तो ये कि दो मिरर आपके पास हैं, पहली बात तो ये बेटा दो मिरर आपके पास है एंड दे वर इंक्लाइंड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ यहाँ पर कितना बेटा थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन है, ध्यान से देखो जरा, ये कंडीशन ऐसी है ना। ओके अब इस कंडीशन के बाद उसने क्या कहा, उस कंडीशन के बाद उसने कहा देखो रिवर्स में चलते हैं, सवाल को जल्दी सॉल्व करने का तरीका अगर आपको बनाना है बेटा, क्विकली सॉल्व करना है, अब नीट में आ भी गया और कैलकुलेटिव बहुत है। ऑप्टिक्स से बच्चा डरता क्यों है, परेशानी यहां पर यह है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है कि ये भी होगा वो भी होगा, ये भी अज्यूम करना पड़ेगा वो भी अज्यूम करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट इक्वल एंगल याद आने चाहिए, सिमिलर ट्राइंगल याद आना चाहिए, बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तब जाकर काम बनता है। लेकिन बच्चों ट्रस्ट में है बहुत ईजी ये पूरा का पूरा यूनिट बेटा, ठीक है। चलो तो अभी आप लोगों ने देखा, अभी आप लोगों ने देखा इस सिचुएशन को यहां पर, अभी आप लोगों ने देखा कि ठीक है सर यहां पर ये क्लैरिटी तो हो ही रही है। हम ये देखते हैं कि अगर सेकेंड लाइन को पढ़ते बेटा, फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, अपन इसको ना M1 कह देते हैं, अपन इसको ना M2 कह देते हैं, तो यहां से जो रे रिफ्लेक्ट होगा बेटा वो पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर होगा, ये हमको कहा गया है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं, दिस इज फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा दिस इज फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। एक एक बालक और बालिका ठीक है, थम्स अप करना बेटा क्लास में, ठीक है बहुत बढ़िया। अब अगर ऐसा है तो डोंट यू थिंक दैट कि सर यहां पर ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा 70 डिग्री हो गया। अब याद करो जरा जो मैंने क्लास में आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, स्टार्टिंग में ही जब मैंने यहां पे लिखा था और मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ द मिरर एंड एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ द मिरर सिमिलर होते हैं। बोलो यस और नो, ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा है, ये वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाई थी, क्या इसमें क्लैरिटी है बच्चों? अगर ये बात तुमको समझ में आ गई तो तुम इस सवाल में बहुत क्विकली आंसर कर पाओगे, क्योंकि अगर ये 70 है तो ऑफकोर्स यहां पर आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ऑफकोर्स यहां पर आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, दैट नॉर्मल विल पास लाइक दिस। तो बच्चों आप ये बोलोगे अच्छा इसका मतलब ये है कि सर यहां पर एक इंसिडेंट रे होगा और वो इंसिडेंट रे इधर से ही तो आएगा, वो इंसिडेंट रे कहां से आएगा बेटा, इधर से ही तो आएगा। तो जब उस इंसिडेंट रे को आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ये बोलोगे कि सर अगर ये वाला एंगल तुम्हारा 70 है तो ये वाला भी एंगल 70 होना चाहिए, मानते हो कि नहीं मानते हो एवरीवन? ये वाला एंगल भी 70 लिख दूं, लिखू कि नहीं लिखू? क्योंकि एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे सिमिलर होता है। बहुत बढ़िया, यस सर। अगर ये सत्तर तो त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल का सम टोटल क्या होता है बेटा? 180 होता है। ये 70 है, ये 70 है, तो होगा 140। तो क्या ये वाला एंगल तुम्हारा 40 नहीं बनता बच्चों? और अगर ये 40 बनता है तो यहां पर आप बोलेंगे कि सर ये नॉर्मल होगा, और अगर ये नॉर्मल है बेटा, ये 40 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल तुम्हारा 50 होगा। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 50 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को भी 50 होना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट को भी क्या होना पड़ेगा बेटा? 50 डिग्री होना पड़ेगा। और वही हमसे पूछा था रिवर्स डायरेक्शन में चलने से हमारा काम बहुत आसान और जल्दी हो जाता है। क्या यहां तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई? एवरीवन देखो जरा, हाँ ये बात तो क्लियर है सर, ये बात तो क्या हो गई? क्लियर हो गई। इसी सवाल में अगर कोई आपसे पूछ लेता बताओ व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, तो बेटा ये होता तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। ये तुम्हारी फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है बेटा। तो यहां पर क्या करते सर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल निकाल लेते, ठीक है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल निकालते और इस एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यही तो तुम्हारा डेल्टा होता। तो बेटा अगर ये तुम्हारा 100 है, ये तुम्हारा 70 है, तो ये तुम्हारा क्या होगा? 20 होगा। ये भी तुम्हारा कितना होगा बेटा? 20 होगा। तो ये तुम्हारा 100, ये तुम्हारा 40, तो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना आता पता है? यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन आता बेटा 40 डिग्रीज। कितना आ जाता बेटा एंगल ऑफ डेविएशन? 40 डिग्रीज। ये लो। यस और नो एवरीवन, मजा आ रहा है ऑप्टिक्स पढ़ने में? मजा आ रहा है ना ऑप्टिक्स पढ़ने में? बहुत टफ यूनिट नहीं है, बहुत आसान है।
बहुत अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है, एक एक लाइन को बस ढंग से समझने की जरूरत है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको समझ लो तो आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्या करना है बेटा, एंगल के साथ इंसिडेंट रे का जो जो आपका मिरर के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती वो, और जो रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ एंगल बनाती वो, दोनों सेम होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया, जल्दी से थम्स अप करके बताओ यार, जल्दी से थम्स अप करके बताओ, सेशन को लाइक भी कर देना, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने बच्चों, वो क्या कह रहा है इसको समझते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर सच दैट रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर पैरेलल टू द सेकेंड एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड मिरर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। अरे वाह, चलो भाई अच्छी बात है, ये काम तो अभी कर देंगे, ये काम तो हम अभी कर देंगे। मान लो ऐसे दो मिरर हमने लिए, मान लो ऐसे दो मिरर हमने लिए, सर इसको हमने कहा मिरर M1, सर इसको हमने कहा मिरर M2, हमें नहीं मालूम ये किस एंगल पर एक दूसरे से इंक्लाइंड है, उस एंगल को हमने थीटा कह दिया। हमें नहीं मालूम किस एंगल पर इंक्लाइंड है, हमने इसको क्या कह दिया बेटा, थीटा कह दिया। सवाल बस इतना सा है, सवाल बस इतना सा है, अ रे विच इज इंसिडेंट, ठीक है, कहां पर बेटा, पहले पर, जो पहले पर इंसिडेंट हुई है वो पैरेलल टू द सेकेंड मिरर है बेटा, पैरेलल टू द सेकेंड मिरर है, और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद में, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो रे रिफ्लेक्ट हुई फाइनली बेटा वो पैरेलल टू द फर्स्ट है। अरे ये वाली रे पैरेलल टू द सेकेंड हो गई, ये वाली रे पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर हो गई, तो ये तुम्हारी इंसिडेंट रे, ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या करना था, अब बस करना तो इतना ही था ना, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो, खत्म सवाल। ऐसे कैसे खत्म सवाल, आओ जरा कराते हैं खत्म आप लोगों को। तो बेटा आपको बस ये बोलना था कि सर हमको ये समझ में आ गया, ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए, बहुत बढ़िया, तो सर ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, और अगर ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ठीक है, तो आपको ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए बेटा कि यहाँ पर ये वाला एंगल, क्योंकि देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें ना, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अरे ये भी तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये जैसा इंक्लाइंड है वैसा ही ये तो इंक्लाइंड है ना, दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा होगा तो इस एंगल को भी थीटा कहोगे। अब ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है मेकिंग एंगल थीटा विथ पैरेलल मिरर, तो बेटा यहां पर रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करेगी, एंगल थीटा बनाएगी। अब ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो आप क्या लिखोगे सर, 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड यस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सर क्या कमाल का आंसर बनाए हो, यस और नो एवरीवन, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से कि यस भैया यहां तक तो बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। एक एक चीज समझ में आ रही है प्लेन मिरर से रिलेटेड, एक एक बात हम समझ पा रहे हैं, ठीक है बच्चों, एक एक बात समझ पा रहे हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड, ठीक है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात चैंपियंस, आ जाओ जरा, ठीक है। अगला सवाल देखो, प्लेन मिरर इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द होरिजोंटल, एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द प्लेन मिरर इंक्लाइंड थीटा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, जैसा दिखाया गया है। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा डिग्री देन द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स द फॉलोइंग एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। जो थीटा है वो कहां से दिया हुआ है बेटा, दैट थीटा इज गिवन फ्रॉम मिरर, दैट थीटा इज गिवन फ्रॉम मिरर। एवरीवन प्लीज लोकेट द पिक्चर क्लियरफुली, प्लीज लोकेट द पिक्चर क्लियरफुली, सवाल अभी खत्म हो जाएगा, सवाल में कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्या चीज है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल है। अब अगर मैं देखूं बेटा, ध्यान से सुनना, ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी है यहां पर, अच्छा अगर ये भी हॉरिजॉन्टल है बेटा, और ये मिरर कितना एंगल बना रहा, थीटा, ऑल्टरनेट इक्वल एंगल से आपको इसको थीटा बोलना पड़ेगा कि नहीं, ऑल्टरनेट इक्वल एंगल से आपको इसको थीटा बोलना पड़ेगा कि नहीं, ऑल्टरनेट इक्वल एंगल से आपको इसको थीटा कहना पड़ेगा कि नहीं सर, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के साथ 100% पैरेलल है तो ये वाली लाइन क्या करेगी बेटा, इक्वल एंगल पर कट करेगी, ठीक है भैया। अब मैंने आपसे क्या कहा था, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ द मिरर, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ द मिरर सिमिलर होना चाहिए, तो यही लाइन मेरी क्या हो जाएगी बेटा, यही लाइन मेरी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, और अगर यही लाइन मेरी रिफ्लेक्टेड रे हो गई तो यहां पर वो क्या बोल रहा है, मैक्स द फॉलोइंग एंगल, रिफ्लेक्टेड रे मैक्स द फॉलोइंग एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल। हम बोलेंगे भाई हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जीरो एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ रिफ्लेक्टेड रे क्या एंगल बना रहा है बेटा, जीरो एंगल बना रहा है। इज दैट क्लियर, यस और नो, इज दैट क्लियर बच्चों, ऑप्शन डी होगा। सवाल बहुत अच्छा है, समझो सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल बहुत अच्छा है, किस लॉजिक पर काम कर रहा है,
अगर तुम्हारी इंसिडेंट रे मिरर से एंगल बना रही है थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी मिरर से एंगल बनाएगी थीटा। अब अगर बच्चों ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, मिरर से एंगल थीटा बना रहा है, और अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है, तो ये डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 110% होना चाहिए, 110% होना चाहिए। इसलिए आंसर आएगा जीरो। क्या आंसर आएगा बेटा? जीरो, जीरो। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है? जीरो। तो हॉरिजॉन्टल के साथ हमें पूछा था एंगल, हमने आंसर करना है नन ऑफ द अबव। मस्त, समझ में आया एवरीवन? सवाल को सोचो, कहां से क्या पूछ रहा है। एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द हॉरिजॉन्टल, ये आपसे पूछा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक और बार बता देते हैं इसको समझो। आपसे यूं कहा गया था कि ये रे इंसिडेंट कर रही है 10 एंगल थीटा। इंसिडेंट रे अगर मिरर के साथ एंगल थीटा बनाती है, तो रिफ्लेक्टेड रे को भी मिरर के साथ सेम एंगल थीटा बनाना पड़ेगा। अब अगर बेटा ये वाला एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, तो ये दोनों रेज एक दूसरे के साथ पैरेलल हुई कि नहीं हुई? तो अगर ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे हुई, तो ये अलोंग, ये कहां पर हुई बेटा? अलोंग हॉरिजॉन्टल हुआ कि नहीं हुआ? और अगर अलोंग हॉरिजॉन्टल हुआ, तो एंगल क्या बनाएगा? जीरो। बोलो यस और नो एवरीवन। अरे रिपीट भी कर दिया, अब क्या रिपीट लिखते ही चले जाओगे? रिपीट भी तो कर दिया। यस एवरीवन, बताओ जल्दी से, है ना क्लैरिटी? ये हुई ना बात। ऐसे चलोगे काम हो जाना है। बहुत बढ़िया, आओ जरा अगला सवाल देखते हैं। अ नंबर्ड वॉल क्लॉक शोज 4:25:37, वेयर फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट आवर, सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट मिनट, एंड द लास्ट टर्म रिप्रेजेंट द सेकेंड्स। बेटा क्या हो रहा है? प्लेन मिरर का काम है लेटरल इन्वर्जन करना। बेटा प्लेन मिरर का काम क्या है? लेटरल इन्वर्जन कर देना। मतलब अगर घड़ी की आप इमेज देखोगे, तो वो 12 घंटे रिवर्स कर देता है। उसको क्या कर देता है बेटा? 12 घंटे रिवर्स कर देता है। अब 12 घंटे को लिखने का तरीका क्या है? 12 घंटे को लिखने का तरीका यह है बेटा, अगर कोई आपसे कहे कि आप लिखो चलो 12 आवर को, तो मैं 12 आवर को ऐसे लिखूंगा, 11:59:60 बेटा। क्योंकि घड़ी में जो भी समय दिया होगा, उसमें तीन टर्म्स एक साथ होंगे, आवर एंड भी होगा, मिनट एंड भी होगा, सेकंड एंड भी होगा। तो अगर मुझे 12 आवर को लिखना हो, तो 12 आवर को लिखने का तरीका है 11:59:60। 12 ही तो बजा ना, ये 12 ही तो हुआ बेटा। अब यहां पर जो आपको क्या दिया है, यहां पर आपको दिया है कि घड़ी बजा रही है 4:25, बताइए इमेज में कितना समय होगा? तो बस क्या करता है ये, 12 घंटे रिवर्स कर देता है। इसमें से 4:00 जो आपका 25:37 है, उसको माइनस कर दीजिए। जैसे आपने माइनस किया बेटा, 60 में से 37 जाएगा, कितना बचेगा? 10 में से 7 जाएगा, बचेगा बेटा 3। 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, वेरी गुड। 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4। 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3। और यहां पर जाएगा बेटा तो 7:34:23 बेटा, 7:34:23 इज द करेक्ट आंसर। 7:34:23 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात भी सबको समझ में आ गई? लैटरल इन्वर्शन करता है बेटा प्लेन मिरर। क्या करता है? लैटरल इन्वर्शन करता है। इसलिए जो भी समय घड़ी में हो रहा है, वो क्या कर जाएगा बेटा? 12 घंटे में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना, तो उस एक साइकिल का क्या हो जाता है? यहां पर रिवर्सल हो जाता है बेटा। यस और नो एवरीवन? तो इसको 12 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 12 को लिखने का तरीका है 11:59:60। 12 घंटों को लिखने का तरीका है बेटा 11:59:60। ठीक, यस, बहुत बढ़िया। चलो अगर यहां पर आपने क्या किया बेटा, 60 कर दिया, तो यहां पर 00 लिखना पड़ेगा, तो फिर वो गलत हो जाता है। कब चेंज होता है? जब 60 सेकंड होंगे तो 1 मिनट होता है, जब 60 मिनट होता है तो 1 घंटा होता है। इसलिए इसको लिखने का तरीका यही रखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ जरा। अब यहां पर बात हो रही है सर कि कितना, व्हाट इज द हाइट ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज बेटा। ठीक है, हाइट रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज बेटा। किसी भी व्यक्ति को अगर फुल इमेज अपनी अगर देखनी हो, ठीक है, हाँ यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा। ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर हेडिंग डालेंगे मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर यहां पर मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है,
कोई भी व्यक्ति, ये देखो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये आपका क्या बेटा, दिस इज हॉरिजॉन्टल फ्लोर बेटा, इसको अपन एच बोल देते हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल फ्लोर। अब समवन इज स्टैंडिंग हियर बेटा, समवन इज स्टैंडिंग हियर, यहां पर देखो कोई तो व्यक्ति है जो यहां पर खड़ा है, कोई तो व्यक्ति है जो यहां पर खड़ा है, और जब यहां पर खड़ा है तो आपको दिखाई देगा, यहां पर अगर खड़ा है तो क्या क्या दिखेगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको नजर आएगा सर ये उसका हेड है, यहां पर क्या है बेटा, ये उसका हेड है, यहां पर ये उसकी आई लेवल है बेटा, यहां पर ये उसकी आई लेवल है, और यहां पर ये उसका क्या होता है बेटा, फुट होता है, पांव होते हैं, ठीक है। एच ई एफ तीन चीजें हम लोगों ने बनाई हैं, इसको ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो आपका प्लेन मिरर होता है उसको आपको रखना है, ठीक है, किसको रखना है बेटा, प्लेन मिरर को। तो एक बात है, प्लेन मिरर कहीं भी रखो, प्लेन मिरर आप क्या रखो बेटा, कहीं भी रखो, आपको क्या करना है, इससे कितनी दूरी पर रखना है उस पर बात करते बेटा। तो इस यहां से कुछ डिस्टेंस पर आपने रखा, यहां से आपने कुछ डिस्टेंस पर आपने रखा, तो प्लेन मिरर की पोजिशन कैसी होनी चाहिए बेटा, तो प्लेन मिरर का बॉटम शुड बी समवेयर इन बिटवीन दिस बेटा, और यहां पर आपको बोलना पड़ेगा जो टॉप पोजीशन होता है प्लेन मिरर का वो कहीं इसके बीच में आना चाहिए, हेड और आई लेवल के बीच में, हेड और आई लेवल के बीच में मिरर का टॉप हो बेटा, और आई लेवल और फुट के बीच में कहीं पर उसका बॉटम हो, तब जाकर हम फुल इमेज देख पाते हैं। तो यहां पर जो आपका मिरर होगा, यहां पर जो आपका मिरर होगा वो हमने ऐसे प्लेस कर दिया, यहां पर आपका मिरर हमने ऐसे प्लेस कर दिया बेटा, राइट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बच्चों अभी क्या होगा, अगर ये तुम्हारा मिरर है और इसी की हाइट हमको निकालनी है बेटा, इसी मिरर की अपने को क्या करनी है सर, हाइट निकालनी, मान लीजिए वाई है और यही वाई हमको कैलकुलेट करना है कि कितना होगा, अगर ये टोटल हाइट आपका एच है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन बोल देते बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर एक्स है, तो एक बात स्पष्ट है उसे समझिए ज़रा, जो भी होगा हेड से रे आएगी, देखो इसका एक्चुअल डायग्राम ऐसा बनेगा, हेड से रे आएगी, मिरर पे टकराएगी, आंखों पे जाएगी, तभी तो आपको नजर आएगा ना। क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से रे जाती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर हमारे आंखों में आएगी, तो हमें वो नजर आएगा, राइट, अगर हमें उसका इमेज देखना है तो मिरर पर गई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई और फिर आके हमारे आंखों में टकरा रही है, ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे ही यहां पर फुट से जाएगी, ठीक है, यहां पर रिफ्लेक्ट करेगी और फिर हमारी आंखों में आएगी बेटा, कुल मिलाकर आंखों में ही आ रहा है सारा का सारा मामला, कहां पर आ रहा है बेटा, जो भी कुछ हो रही है कहानी कहां पर हो रही है बेटा, आंखों में हो रही है। तो आप बस इतना करें, आप बस इतना करें कि जो इंसिडेंट रे है बेटा और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, सर रिफ्लेक्टेड रे यहां पर ऐसी दिखाई देनी चाहिए मेरे को, अरे बोलो हाँ या ना, रिफ्लेक्टेड रे मेरे को ऐसी दिखाई देनी चाहिए, और यहां पर एक और रिफ्लेक्टेड रे में बना देता हूं बेटा, एक रिफ्लेक्टेड रे मेरे को ऐसी दिखाई देनी चाहिए, मानते हो बात कि नहीं, एक रिफ्लेक्टेड रे मेरे को ऐसी दिखाई देनी चाहिए, ये क्या होगी बेटा, यहां पर अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि सर है ना, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बना दूंगा, एक्सटेंड करके बना दूंगा तो आप लोगों को, या फिर एक्सटेंड ऐसे ही बनाई लो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये तुम्हारी क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे है, और हमने क्या किया, रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड कर दिया बेटा, क्या किया मैंने, रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, मैंने रिफ्लेक्टेड रेज को क्या किया बेटा, ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। अब एक बात हम जानते हैं वो क्या है बेटा, वो ये है कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल हाइट देखना हो, ठीक है, और मिरर का एक काम है बेटा, मिरर का क्या काम है, कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनाएगा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सर यहां से एक्स दूरी पर, यहां से एक्स दूरी पर यह इमेज बनाएगा यहां पर बेटा, बोलो हाँ या ना, एक्स दूरी पर इमेज बनाएगा कहीं यहां पर, एक्स दूरी पर इमेज बना लेते हैं थोड़ा सा यहां पर, राइट बच्चों, एक्स दूरी पर क्या बनाएगा सर, इमेज बनाएगा। तो आपको ये क्लैरिटी हो गई कि सर यहां से लगाकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लगाकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको भी हमको एक्स बोलना पड़ेगा। अब बेटा अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये एंगल अगर थीटा है, आपको ऐसा नहीं लगता सर सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी हो गया, जो ये ट्राइंगल बना रहा है वही ये वाला ट्राइंगल बना रहा है बेटा, एवरीवन, अरे भाई जितना एंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल का है उतना ही एंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल का है कि नहीं है, मैं डायग्राम सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। वैसे क्या होना चाहिए था बेटा, वैसे होना चाहिए था आइडियली यहाँ से रे इंसिडेंट करती, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट करती, फिर हम इसको एक्सटेंड करके बनाते, फिर यहाँ से ये रे आती, इसको इंसिडेंट करती, इसको रिफ्लेक्ट करती, फिर हम इसको एक्सटेंड करके इधर बनाते, मैंने डायरेक्ट बना दिया बेटा, आई लेवल से मैंने अपना फील्ड ऑफ व्यू बना दिया, ठीक है, आई लेवल से मैंने अपना फील्ड ऑफ व्यू बना दिया। तो बच्चों आप यूं कहेंगे कि सर सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी से, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती बेटा, तो बाय सिमिलर
ट्राइंगल प्रॉपर्टी, बाई सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी हम एक बात लिखते हैं कि सर बेस अपॉन बेस, ठीक है, बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, हाइट अपॉन हाइट, ठीक है, ऐसे अपन लिखते हैं। चलो किसका बेस लिखें, तो अगर मैंने लिखा बेस बड़े वाले ट्राइंगल का, तो बड़े वाले ट्राइंगल का बेस कितना बेटा, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस 2x है, छोटे वाले ट्राइंगल का बेस x है बेटा, बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट कितना है सर, अरे बताओ, बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट h है, अगर यहां पर आप देखोगे तो सर ये हाइट क्या है, h है, और यहां पर छोटे वाले ट्राइंगल का हाइट y है, तो आपको समझ में आ गया कि y की वैल्यू कितनी आ रही है सर, h डिवाइडेड बाय 2। तो टू सी द फुल इमेज मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज क्या होगी बेटा, h by 2 के बराबर होगी। एंड पोजिशन ऑफ मिरर ऑल्सो मैटर्स बेटा, पोजिशन ऑफ मिरर ऑल्सो मैटर्स। अगर आपने मिरर को क्या किया, अगर आपने मिरर को पोजिशन नहीं किया बिटवीन कहां पर बेटा, हेड एंड आई, बिटवीन आई एंड फुट, तो फिर शायद आपकी पूरी लेंथ ऑफ मिरर होने के बावजूद भी आप पूरा अपने आप को देख नहीं पाओगे। यस और नो एवरी वन? एच बाई टू बेटा कहां से, एच बाई थ्री, कहां से एच बाई थ्री, ये तुम्हारा एच है, एच डिवाइडेड बाई टू एक्स, वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। चलो डन बच्चों, डन एवरी वन? अरे वाह, अरे वाह, आओ बेटा आओ आगे बात करते हैं। इफ द रिफ्लेक्टेड रे, अच्छा यहां तक समझ में आ गया। चलो अब मिरर का एक और कॉन्सेप्ट है बेटा, प्लेन मिरर का एक और कॉन्सेप्ट है। यहां पर मैं आपको नोट पॉइंट में लिख देता हूं बेटा, प्लेन मिरर का एक और कॉन्सेप्ट है, नोट पॉइंट में लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लेन मिरर का एक और कॉन्सेप्ट है, नोट पॉइंट में लिखता हूं, उसे ध्यान रखिएगा, उस पर बेस्ड सवाल है, प्रीवियस ईयर में भी सवाल है बेटा, नीट 2017 में भी आया है, ठीक है। अगर आपने क्या किया बेटा, अगर आपने प्लेन मिरर को फिक्स किया बेटा, अगर आपका प्लेन मिरर क्या है बेटा, अगर आपका प्लेन मिरर फिक्स्ड है, ध्यान से सुना बेटा, प्लेन मिरर कैसा आपका फिक्स्ड है, और इंसिडेंट रे को आपने क्या किया बेटा, इंसिडेंट रे रोटेटेड, अगर इंसिडेंट रे यहां पर क्या किया बेटा, रोटेटेड बाय एंगल थीटा, बाय एंगल थीटा, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे सर, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा विल ऑल्सो रोटेट्स बाय एंगल थीटा, बट यहां पर लिखेंगे इन ऑपोजिट सेंस बेटा, बट इन ऑपोजिट सेंस, मतलब कि अगर आपने क्या किया, अगर आपने इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज घुमाया थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर इंसिडेंट रे को आपने घुमाया क्लॉकवाइज थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा बेटा थीटा एंगल, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। ये एक पहला नोट पॉइंट है, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस वन, ठीक है। दूसरा वाला जो आता है बेटा वो ये आता है, सेकेंड वन में क्या है बेटा, इंसिडेंट रे को फिक्स रखना है, इंसिडेंट रे को क्या करना है बेटा, फिक्स्ड, एंड मिरर रोटेट करना है बेटा, यहां पर क्या करना है सर, मिरर रोटेटेड, मिरर को क्या किया गया बेटा, रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। अब क्या होगा, डायग्राम बनाकर समझाता हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो चक्कर पड़ जाएगा, ठीक है। यस और नो? तो बच्चों हो ये रहा है कि यहां पर हमारे पास प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है, और अगर ये प्लेन मिरर है तो यहां पर इससे ये नॉर्मल भी होगा, ये प्लेन मिरर है बेटा, ये हमारा प्लेन मिरर का पोजीशन है, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, नॉर्मल होगा। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब यहां पर ये रही हमारी इंसिडेंट रे बेटा, और ये इंसिडेंट रे यहां पर एक एंगल बना रही है, जिसको हम बोलेंगे एंगल अल्फा। कोई दिक्कत है क्या, एंगल अल्फा बोलो या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दो, चलो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दिया, ठीक। अब बच्चों मैं इसको थोड़ा सा ना जूम करके यहां पर प्रॉपर डायग्राम बनाता हूं आप लोगों को, एक एक एलिमेंट में ड्रॉ करूंगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करके सुनना और साथ साथ इमेज बनाते जाना, एक एक एलिमेंट, ठीक है। अभी ये डायग्राम आपके सामने ना, तो अभी आपको क्या दिखेगा सर, अभी यहां पर एंगल आई पे ही रिफ्लेक्टेड रे भी दिखेगा, एंगल आई पे ही आपको यहां पर क्या दिखेगा बेटा, अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा, ये भी तुम्हारा आई ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इसको बोलेंगे सर ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, क्या हो गया बेटा, हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब सवाल ये बोल रहा है कि इस इंसिडेंट रे को क्या करना है बेटा, इंसिडेंट रे को आपको फिक्स रखना है, यानी कि इसकी डायरेक्शन को आपको चेंज नहीं करना है, बट क्या करना है बेटा, मिरर को रोटेट करना है। जैसे ही आपने मिरर को रोटेट किया, आई एम चेंजिंग द कलर बेटा, जैसे ही आपने मिरर को रोटेट किया, मिरर आपका यहां पर रोटेट हुआ कुछ ऐसे, और ये मिरर मैंने यहां पर रोटेट कर दिया बेटा। मिरर को अगर आपने रोटेट किया,
कितना एंगल रोटेट किया बेटा? एंगल रोटेट किया आपने थीटा क्लॉकवाइज सेंस में। कितना रोटेट किया बेटा? थीटा क्लॉकवाइज सेंस में। बहुत बढ़िया। तो बच्चों इससे हुआ क्या, इससे आपका नॉर्मल भी रोटेट हो गया, क्योंकि भाई नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द मिरर। नॉर्मल क्या होता है बच्चों? नॉर्मल होता है आपका परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो यहां पर आपका नॉर्मल भी क्या हो जाएगा बेटा? एन प्राइम। नॉर्मल भी रोटेट किया, कितना रोटेट किया बच्चों? सेम एंगल थीटा ही रोटेट किया, सेम एंगल थीटा रोटेट करेगा। अब आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पर व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन, ये तुम्हारा नया नॉर्मल है बेटा और ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना होगा? तो आप बोलोगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंट हमको यहां पर समझ में आ रहा है और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को लिखना पड़ेगा सर आई प्लस थीटा। बोलो यस और नो एवरीवन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा बेटा? आई प्लस थीटा। तो उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो नई वाली रे होगी बेटा, जो नई वाली रे होगी रिफ्लेक्टेड, यहां से अगर मान लीजिए इसको आपने न्यू रिफ्लेक्टेड रे कहा बेटा, आपने इसको क्या कहा? न्यू रिफ्लेक्टेड रे बेटा। इसको आर प्राइम लिख दो, आर आर प्राइम लिख दो, नया रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इस ग्रीन वाले नॉर्मल से, इस ग्रीन वाले नॉर्मल से सिमिलर एंगल पर होना चाहिए बेटा। ये इंसिडेंट रे है आई प्लस थीटा पर, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी कहां पर होनी चाहिए बेटा? आई प्लस थीटा पर। एवरीवन, तो बच्चों अगर मैं यहां पर बनाऊंगा इस तरह से, अगर मैं यहां पर बनाऊंगा इस तरह से, ये वाला मैंने एंगल बनाया एंड आई हैव राइट कि ये भी आपका आई प्लस थीटा होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बच्चों बस आप कैलकुलेशन कर लो, अगर मैं इस एंगल को अलग से कहूं कि यार ये कितना रोटेट हुआ होगा, ये कितना रोटेट हुआ होगा, इसको आप बीटा बोल सकते हो। बोलो हाँ या ना, इसको आप क्या बोल सकते हो? बीटा। वेरी गुड। और ये वाला जो एंगल है ना बेटा, ये वाला एंगल कौन सा? ये वाला एंगल। क्या आप इस एंगल को अलग से कैलकुलेट कर सकते हो? ये क्या होगा बेटा? कम ऑन एवरीवन, क्या ये एंगल कैलकुलेट हो सकता है? इसकी वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बताओ यार। देखो मैं आपको बताता हूं, ये वाला नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। वेरी गुड। अभी आपने देखा था सर ये नॉर्मल है और ये पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में जो एंगल है वो आई है बेटा। ये पुराना वाला नॉर्मल, ये पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? आई है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये वाला एंगल मेरा आई माइनस थीटा हो जाएगा, आई माइनस थीटा हो जाएगा? तो बच्चों मैं क्या देख पा रहा हूं कि जो मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल है, जो मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल है ये वाला, वही ये वाला एंगल भी है। बोलो हाँ या ना। अरे दोनों एंगल तो सेम हो गए ना, आई प्लस थीटा और ये वाला वैल्यू। तो जैसे ही मैंने यहां पर लिखा, जैसे ही मैंने यहां पर लिखा कि सर आई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू आई माइनस थीटा और प्लस बीटा, समझ में आया सर, आई से आई कैंसिल हो गया, तो बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? टू थीटा आ रहा है। बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों? टू थीटा आ रहा है। इज दैट क्लियर? बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? टू थीटा। ये डायग्राम है ना थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, बस ये डायग्राम थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, जब भी हम पढ़ाते हैं उसमें ये वाला तो कन्फ्यूजन आता ही है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, अब आपने कंक्लूजन समझा तो आप यहाँ पर लिखेंगे सर रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगा बेटा? रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय, रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय एन एंगल बाय एन, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय एन एंगल टू थीटा इन दी, इन दी आप लिखेंगे इन दी सेम सेंस बेटा, माने कि अगर आपने मिरर को, अगर आपने मिरर को रोटेट किया कैसा बेटा? अगर आपने मिरर को रोटेट किया थीटा क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी टू थीटा क्लॉकवाइज। ये दोनों नोट पॉइंट समझ में आए सभी लोगों को? एवरीवन जल्दी से थम्स अप करके बता दो, तो यहां तक तो मैं श्योर हो जाऊं कि हां भाई यहां तक सारी बातें क्लियर है। यहां तक अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो मैं श्योर हो जाऊं, जल्दी बताओ, तो मैं श्योर हो जाऊं, जल्दी बताओ, क्विक एवरीवन फटाफट से एवरीवन, ठीक है? यहां तक श्योर हैं? यहां तक श्योर हैं भाई? अरे वाह, जल्दी बताओ। यस भैया, यहां तक तो क्लैरिटी है हम सभी लोगों को, ठीक है भाई? तो आगे आओ, जरा आगे आओ और बात करते हैं। अब ये सवाल आ रहा है, इसको समझो जरा, अब ये सवाल आ रहा है, इसको समझो जरा, ये क्या कहना चाह रहा है? सवाल ये बोल रहा है इफ द रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय एन एंगल 4 थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द मिरर वाज रोटेटेड बाय, अगर रिफ्लेक्टेड रे 4 थीटा रोटेट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो मिरर कितना रोटेट हुआ होगा? मिरर रोटेट हुआ होगा यहां पर 2 थीटा
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? यस बच्चों, 2 थीटा एंटी क्लॉक, क्योंकि अगर मिरर थीटा रोटेट करता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट करता है. अगर मेरा मेरा अगर मिरर बेटा, ठीक है, मिरा याद आ गई, ठीक है, अगर मिरर रोटेट करेगा बाय एन एंगल 2 थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी बाय एन एंगल 4 थीटा. राइट, बहुत सही था ये. चलो आगे आ जाओ. नीट 2017 में इस पर बेस्ड एक सवाल आया है, उस पर बात करते बच्चों. नीट 2017 में एक सवाल आया है, उस पर बेस्ड बात करते, ठीक है. हाँ जी, अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स. बेटा ठीक है, बहुत बढ़िया. क्या बोला गया है ध्यान से सुनिएगा. यहां पर कहीं आपका सोर्स है, यहां पर कहीं आपका सोर्स है विच इज एल, और यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स्ड एट सर्टेन डिस्टेंस. बेटा फिक्स्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, और वो सर्टेन डिस्टेंस आपको यहां पर बोला गया है, ये मिरर है, ये सर्टेन डिस्टेंस आपका एक्स है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. जितना बोला उतना डायग्राम बना लो. देखो जितना बोला उतना डायग्राम बना लो. अब आगे बोल रहा है, द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज द स्पॉट ऑन अ स्केल प्लेस्ड अबव द सोर्स एल. व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू स्मॉल एंगल थीटा द स्पॉट ऑफ द लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस वाई ऑन द स्केल. ठीक है, अब यहां पर बोला गया है, यहां पर बोला गया है बेटा कि अगर सिचुएशन ऐसी है, यहां पर जैसे ही आप अगर देखोगे बेटा, ठीक है, अब बीम ऑफ लाइट एंड इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, इसका इसको ना इसको इंसिडेंट ऐसे कराना पड़ेगा बेटा, रुको जरा, इसको इंसिडेंट ऐसे कराना पड़ेगा तो ये स्पॉट पे जाएगा. ठीक है, इसको इंसिडेंट ऐसे करा दो तो ये स्पॉट पे जाएगा. ठीक है, नहीं इंसिडेंट तो नॉर्मली था यार, रुको, इंसिडेंट नॉर्मली, ठीक है, वेरी गुड. अब जैसे ही बच्चों, जैसे ही आपने इस मिरर को क्या क्या मान लेते हैं, इस मिरर को आपने रोटेट किया, जैसे आपने क्या किया बेटा, इस मिरर को रोटेट किया, इस मिरर को आपने रोटेट किया होगा, दिस मिरर वुड रोटेट बाय सर्टेन एंगल. बेटा दिस मिरर वुड रोटेट बाय सर्टेन एंगल, और वो सर्टेन एंगल आपको बोला गया है कि ये एंगल आपका कितना बेटा, थीटा है, तो ये भी थीटा रोटेट हुआ होगा. तो जो रिफ्लेक्टेड रे आपकी, ये इंसिडेंट है, यही रिफ्लेक्टेड रे है. अब ये रिफ्लेक्टेड रे क्या करी होगी बेटा, सेम सेंस में. ये किस सेंस में रोटेट हुआ, ये रोटेट हुआ तुम्हारा क्लॉकवाइज, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करेगी बेटा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी. और क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे नई वाली आपको यहां मिलेगी, बोलो यस और नो, ये नई वाली रिफ्लेक्टेड रे होगी. और अगर ये नई वाली रिफ्लेक्टेड रे होगी तो यहां पर एंगल कितना बनाएगी बेटा, ये 2 थीटा बनाएगी. ये पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड रे थी, ये नई वाली रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल कितना बनाएगी बेटा, 2 थीटा. वेरी गुड. अब बच्चों अगर स्केल पर, स्केल पर यहां पर मान लीजिए आपने स्केल रखा हुआ था, यहां पर अगर आपने स्केल रखा हुआ था और ये स्पॉट यहां बन रहा था, अब वो स्पॉट ट्रेवल करके यहां आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना है ये आपसे पूछा है. ठीक है, यहां पर एंगल थीटा पूछा है, डिस्टेंस वाई आपको दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, सर एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, 2 थीटा इज इक्वल टू आर, यहां पर वाई होगा, रेडियस यहां पर एक्स के बराबर होगा बेटा, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 2x. इतना आसान था, एंगल यहां पर क्या होगा बेटा, वाई डिवाइडेड बाई 2x. एवरीवन चमका कि नहीं चमका? तो एक बार लॉजिक समझ लेने से सारे सवाल यूं चुटकियों में डन किए जा सकते हैं. ठीक, डन बच्चों, मजा आया, मजा आया. ठीक है भाई, ठीक है भाई. चलो अब बोल रहा है, अ पर्सन आई लेवल इज 1.5 मीटर, ठीक है, ही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ 0.3 मीटर लॉन्ग प्लेन मिरर विच इज 0.8 मीटर अबव द ग्राउंड, द लेंथ ऑफ द इमेज ही सीज ऑफ हिमसेल्फ इज, बेटा कितना लेंथ ऑफ इमेज वो अपना आपका देख पाएगा, कितना लेंथ ऑफ इमेज वो अपना आपका देख पाएगा. भाई ये तुम्हारा ग्राउंड हो गया, ये आपका बंदा हो गया जिसकी हाइट हो गई बेटा, ठीक है, ये बंदा हो गया जिसकी हाइट हो गई, ठीक है, कितना हाइट है उसका, पर्सन आई इज 1.5 मीटर लेवल पर है, अ पर्सनस आई लेवल इज 1.5 मीटर, ही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ 0.3 मीटर लॉन्ग मिरर. ओके, तो यार ये वाला ना, ये अपन 1.5 ले लेते हैं, दिस वैल्यू इज योर 1.5, यहाँ पर ये वाली वैल्यू 1.5 मीटर बोलो, यहाँ पर तुम्हारी आंखों का लेवल है. वेरी गुड. अब बोल रहा 0.3 मीटर प्लेन मिरर विच इज 0.8 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि अगर यहाँ पर आप देखोगे ये हाफ वैल्यू हो जाएगी बेटा, तो ये 0.75 होगा, तो कहीं यहाँ पर, यहाँ से आपको देखना है कि सर कहीं ये तुम्हारा 0.75 है, 0.8 मीटर ऊपर, यानी कि कहीं यहाँ पर तुम्हारा प्लेन मिरर होना चाहिए, बोलो यस और नो एवरीवन, कहीं यहाँ तुम्हारा प्लेन मिरर होना चाहिए, दिस विल बी योर प्लेन मिरर. एवरीवन
दिस विल बी योर प्लेन मिरर। कितनी लेंथ का बेटा? 0.3 का। कितना का बेटा? 0.3 मीटर का। अपने आप को पूरा तो नहीं देख पाएगा, अपने आप को पूरा तो नहीं देख पाएगा, तो क्या करेगा? मैंने आपको क्या कहा था, जब भी कभी आप लोगों को इस तरह का सिचुएशन करना हो, इस पूरे 1.5 में से कितना पोर्शन अपने आप को देख पाएगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं बेटा। तो आपको क्या करना है, आंखों से रेज निकालनी है बेटा, और मिरर के टॉप और बॉटम सरफेस पर ग्रेस करते हुए ऐसे एंगल बना दो बेटा। मिरर के टॉप और बॉटम सरफेस पर ऐसे ग्रेजिंग करते हुए आपको क्या करना है बेटा, ऐसे ग्रेजिंग करते हुए लाइनें बना लेनी है, ऐसे ग्रेजिंग करते हुए लाइनें बना लेनी है। ये तो बना लोगे ना, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ग्रेजिंग करते हुए लाइनें बना लो, बहुत सिंपल है भाई। अब तुम देखोगे तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि यार यहाँ से ना ये वाली जो लेंथ है ना, ये विजिबल होगी, ये वाली लेंथ है, ये होगा विजिबल बेटा, ये होगा विजिबल, क्योंकि इसको हम बोलते हैं बेटा फील्ड ऑफ व्यू। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फील्ड ऑफ व्यू। तो जो इस वाले पोर्शन में है वही विजिबल होगा, इसके बाहर जो कुछ भी वो विजिबल नहीं होगा, इसके बाहर जो कुछ भी वो विजिबल नहीं होगा। तो बच्चों, अगर ये मेरे पास लेंथ ऑफ इमेज है जो मैं देख पा रहा हूं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं एल बोलूंगा। अब बेटा सेम वही कॉन्सेप्ट यार, ये जितना दूर था, अगर ये एक्स डिस्टेंस पर था, अगर ये यहां से एक्स डिस्टेंस पर था, तो ये इमेज भी क्या होगी बेटा, एक्स डिस्टेंस पर होगी, है कि नहीं? ओके, वेरी गुड। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो आप बोलोगे कि सर इस वाले ट्राइंगल के लिए भी थीटा है और इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी थीटा, बोलो हाँ कि ना एवरीवन? ठीक है बच्चों, तो यहां पर सीधा लिखेंगे सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, बेस अपॉन में, यहां पर आप लिखे हाइट अपॉन में बेस बेटा, विच इज 2x, हाइट अपन लिखेंगे बेटा 0.3, और यहां पर अपन बेस में लिखेंगे बेटा x, x x कैंसिल होगा, l का वैल्यू हो जाएगा बेटा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ जाएगा 0.6। अरे वाह, मतलब कुल मिलाकर डायग्राम का खेल है। ऑप्टिक्स में जैसे ही तुमने डायग्राम बना लिया, वैसे ही तुम्हारा काम क्लियर हो गया। बोलो यस और नो एवरीवन, द मोमेंट यू ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, तो लाइक मत करो बस सेशन को, है ना, उसमें तुम्हें पता नहीं क्या कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हाँ जी, चलो एक ये वाला सवाल क्या रहेगा बेटा, एक ये वाला सवाल आपका ग्रह कार्य रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट है, और इसका आंसर रहेगा द बॉय कैन नॉट सी हिज फीट बेटा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या बोला गया है, अ पॉइंट सोर्स हैज प्लेस्ड इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्क्रीन दैट विल रिसीव रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर बेटा, दैट विल रिसीव रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर। ये यहां पर आपका सोर्स है, यहां पर ये डिस्टेंस आपकी एच है। तो ये क्या करेगा सर, एक रे तुम्हारी यहां से आएगी, यहां पे आने के बाद में इधर रिफ्लेक्ट होके जाएगी बेटा, और एक रे तुम्हारी यहां से आएगी, यहां पर टकराएगी, और यहां से टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। सो दिस इज द स्क्रीन विच इज विजिबल टू अस बेटा। यहां पर ये होगा, यहां पर ये वैल्यू आपको निकालनी है, दिस इज वाई, और इसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बच्चों बहुत आसान है, सिंपल, आपको यहाँ पर ज्योमेट्री लगानी है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि बेटा ये वाला एंगल अगर मेरा अल्फ़ा होगा, तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि ये वाला एंगल मेरा बीटा होगा, तो मैं ये वाला एंगल भी क्या बोलूँगा बेटा, बीटा ही होना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है बेटा, मिरर से सेम एंगल बनाती है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप यहाँ पर बोलोगे इस वाली टोटल हाइट को, आप यहाँ पर बोल दीजिए कि सर ये वाली टोटल हाइट मेरी y1 होगी, और इस वाली टोटल हाइट को अपन y2 बोल देते हैं, तो माय रिक्वायर्ड हाइट विल बी y1 माइनस y2। सवाल को समझो, तो बच्चों मैं लिखूंगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस मेरा h है, परपेंडिकुलर मेरा एच है, बेस मेरा एच है, यहां पर इस टेन अल्फा के लिए ये वाला ट्राइंगल होगा बेटा परपेंडिकुलर वाई वन है, और बेस मेरा 3h है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा वाई वन, और बेस मेरा हो जाएगा यहां पर 3h। तो आपको यहां से पता चला वाई वन का वैल्यू सॉल्व करने पर 3h आ रहा है। चलो एक काम तो समझ में आया, दूसरा काम जब हम यहां पर करेंगे, हम लिखेंगे बेटा टेन बीटा। टेन बीटा क्या होगा, टेन बीटा होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रहा एंगल बीटा, इस एंगल बीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर होगा एच, बेस होगा यहाँ पर 2h, इज इक्वल्स टू हाइट हो जाएगी बेटा y2, और बेस हो जाएगा बेटा यहाँ से लगाकर यहाँ तक, दैट इज ये वाला बेस होगा बेटा, और ये भी तुम्हारा 2h है, तो यहाँ पर आपने रखा 2h। सॉल्व करने पर y2 का वैल्यू कितना आ गया बेटा, h आ गया, तो रिक्वायर्ड हाइट कितनी होगी बेटा, y इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2, तो ये आ रहा है बेटा 3h माइनस h आ रहा है, तो आंसर आ रहा है बच्चों 2h
इज द विजिबल लेंथ ऑफ द स्क्रीन बेटा, यस और नो? एवरीवन, मजा आया सभी लोगों को? मजा आया सभी लोगों को? जल्दी बताओ मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, मजा आया कि नहीं आया सभी लोगों को? अब एक काम और है बहुत प्यारा वाला, ठीक है, एक काम और है बहुत प्यारा वाला जो आप लोगों को अभी सिखाना है, जो आप लोगों को अभी सिखाना है बेटा, ठीक है, और उस पर अभी चर्चा करते हैं, ठीक है, उस पर अभी अपन चर्चा करते हैं। तो आ जाओ जरा, चर्चा करने से पहले आपको लेकर चलना है, चर्चा करने से पहले आपको लेकर चलना है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, अब एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे बेटा, आप हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे बेटा नंबर ऑफ इमेजेस, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस। अगर आपके पास अलग अलग प्लेन मिरर्स हैं तो वो कितनी इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं ये हमको कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। बच्चों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने यहां पर देखा, अगर आपने यहां पर देखा, एक मेरे पास क्या है सर, प्लेन मिरर है जिसको मैंने M1 कह देना है। एक मेरे पास यहाँ पर भी प्लेन मिरर है जिसको मैंने क्या कह देना है बेटा, M2 कह देना है, जिसको मैंने क्या कह देना बेटा, M2 कह देना। दिख रहा है दोनों प्लेन मिरर्स? वेरी गुड। अब इनके बीच में कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए बेटा, इनके बीच में कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, मान लीजिए यहाँ बीच में रखो या कहीं भी रखो, इस प्लेन मिरर से यहाँ पर आपने रख दिया बेटा इसको X1 डिस्टेंस दूर, और प्लेन मिरर M2 से आपने रख दिया बेटा इसको X2 डिस्टेंस दूर, यस और नो? दोनों मिरर के बीच की जो सेपरेशन है उस सेपरेशन को हम D ले लेते हैं, दोनों मिरर के बीच की सेपरेशन को हमने D ले लिया बेटा। क्या करेगा, एक तो इमेज बनाएगा पहले कौन आपका, M1 बनाएगा, उसको अपन I1 बोलेंगे बेटा, और उसकी दूरी पता है क्या होगी, उसकी दूरी X1 होगी, बहुत बढ़िया। अब एक इमेज कौन बनाएगा बेटा, इस x2 डिस्टेंस पर m2 बनाएगा, उसको अपन i2 बोलेंगे और उसकी दूरी क्या होगी बेटा, x2 होगी। लेकिन अब सुनना, अब लॉजिक है बेटा, ये जो तुम्हारा x2 है, ये जो इमेज तुम्हारा i2 है, ये मिरर m1 के फ्रंट में है कि नहीं? ये तुम्हारा यहां पर, यहां पर ये जो तुम्हारा x2 है, ये इस मिरर m1 के फ्रंट में हुआ ना बेटा, कितनी दूर हुआ? तो सर x2 प्लस d, कितना बेटा, x2 प्लस d। तो बच्चों यहां पर इस I2 का एक और इमेज बनाएगा कौन, M1, तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा इसको I21, I2 का इमेज मिरर 1 ने बनाया इसलिए I21 लिखा। कितनी डिस्टेंस पर होगा बेटा, ये होगा आपका X2 प्लस D पर, क्या होगा बेटा आपका, X2 प्लस D पर होगा। अरे वाह, क्यों? क्योंकि सर यहां से ये कितनी दूरी पर है बेटा, X2 प्लस D पर है, तो जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर उसका इमेज। बोलो हाँ या ना, ये भी समझ में आया? सिमिलरली बच्चों इस I1 को अगर आप देखोगे तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस M2 के लिए। तो ये कितनी दूर है यहां से, ये दूर है बेटा X1 प्लस D, X1 प्लस D। तो यहां पर उसका नेक्स्ट इमेज इधर बनेगा और वो नेक्स्ट इमेज यहां पर हम बनाएंगे और हम लिखेंगे इसको I12 बेटा, कहां पर होगा, X1 प्लस D पर होगा, ठीक है। फिर उसका अगला कहां पर होगा, तो उसका अगला फिर से आप देखोगे, फिर से ये एज एन ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, फिर से ये एज एन ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अब इसकी जो वैल्यू आ रही है इसमें फिर से यहां पर D ऐड कर दो बेटा, तो यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर, X1 प्लस D प्लस D, उतनी ही दूर इस तरफ आ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, X1 प्लस 2D। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? एवरीबॉडी प्लीज हैव अ लुक, ढंग से देखो जरा। तो जब इमेज बन रही है पहली, तो वो क्या कर रहा है, दूसरी पर जा रहा है। इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, ध्यान से देखो जरा, आपको इसको समझने के लिए तरीका ये लगाना चाहिए, आपको इसको समझने के लिए तरीका ये लगाना चाहिए कि सर अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं, अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस की अगर हम बात करें बेटा, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हैं, नंबर ऑफ इमेजेस की मैं बात करूँ तो बताओ क्या नंबर ऑफ इमेजेस दिखेगी? तो नंबर ऑफ इमेजेस की अगर हम बात करेंगे सर, इनफाइनाइट, कोई अंत ही नहीं है। नंबर ऑफ इमेजेस कैसी होंगी बेटा, इनफाइनाइट, कोई अंत नहीं है, चलते चले जा रहे हैं। एक इमेज बनेगी, फिर दूसरा उसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके फिर इमेज बना देगा, फिर इमेज बना देगा, फिर इमेज बना देगा, और यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस बनेंगी। यही आप लोगों ने देखा था, ठीक है, कई सारी मूवीज में देखा होगा। वो एक तो पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कांच महल था ना उसमें, शीश महल, शीश महल कोई तो थी यार मूवी, भूल गया मैं, शीश महल है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी बेटा, इनफाइनाइट होंगी। अब बच्चों आ जाओ जरा, अब आ जाओ, अगर ये दोनों मिरर्स कैसे रखे हों, अगर ये दोनों मिरर्स रखे हों एक दूसरे से किसी एंगल पर बेटा, ठीक है, इफ मिरर्स आर प्लेस्ड एट सम एंगल विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, प्लेन मिरर्स यहां पर क्या रखे गए हैं बेटा, प्लेन मिरर्स आर
एट सम एंगल, प्लेन मिरर आर एट सम एंगल बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, किसी एंगल पर रख दिया जाए। प्लेन मिरर्स को जैसे ही आपने किसी एंगल पर रखा, हमें यहाँ पर एक बात समझनी है, जैसे आपने प्लेन मिरर्स को किसी एंगल पर रखा हमको एक बात समझनी है। सर यहाँ पर ये क्या हो गया आपका मिरर M1 हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा मिरर आपका M2 हो गया। जैसे जैसे जितना लीनियर सेपरेशन होता है ना, जितनी दूर होता है मिरर से परपेंडिकुलरली उतनी ही दूर उसका इमेज बनता है बेटा, वैसे ही एंगुलर सेपरेशन की बात होगी। किसकी बात होगी बच्चों, एंगुलर सेपरेशन की बात होगी। मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं बेटा। हाँ प्रेम रतन धन पायो, हाँ प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, क्या पूछेंगे बेटा प्रेम रतन धन पायो। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर, अ वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, आंसर दो चैट सेक्शन में, आंसर दो चैट सेक्शन में। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, समझ गए क्यों पूछा, समझ गए क्यों पूछा। चलो इसको एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो दोनों मिरर के बीच में एंगल यहां पर 60 डिग्री है और हमने जो ऑब्जेक्ट को रखा वो रखा बेटा यहां से कितने डिग्री पर, यहां से 10 डिग्री पर, 10 डिग्री के या 10 की जगह 20 ले लेते, थोड़ा सा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा, यहां पर 20 हो जाएगा। तो बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां पर रखा है और वो कहां पर रखा है बेटा 20 डिग्री के पोजीशन पर, कहां पर रखा बेटा 20 डिग्री के पोजीशन पर, राइट। हाँ अब बच्चे बोल रहे अरे सर यहां आप खेल गए है ना, प्रेम रतन धन पायो तो याद था, पोटेंशियल डिफरेंस याद नहीं था। 2k लैम्डा बाय आर, गधो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 2k लैम्डा बाय x और उसको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लॉग के टर्म्स में आता है आंसर, ठीक है लॉग के टर्म्स में आता है आंसर, कुछ भी मतलब कुछ भी बत्ती दोगे क्या। तो देखो जितनी एंगुलर पोजीशन पर ये ऑब्जेक्ट यहां है उतनी ही एंगुलर पोजीशन पर यहां इमेज बनना चाहिए, बोलो बनना चाहिए कि नहीं, जितनी एंगुलर पोजीशन पर है उतनी ही एंगुलर पोजीशन पर यहां इमेज बनना चाहिए। तो इसका M1 और M2 को लिख लो जरा, यहां पर मैंने लिखा M1 और यहां पर मैंने लिखा M2। M2 पहला इमेज कहां पर बनाएगी बेटा 20 डिग्री पर, M1 पहला इमेज कहां पर बनाएगी बेटा 40 डिग्री पर, यस और नो एवरीवन, बहुत बढ़िया। अब जैसा आप लोगों ने अभी देखा कि सर जब नेक्स्ट इमेज हमने देखा था M1 की नेक्स्ट इमेज, तो आपने क्या देखा M1 की नेक्स्ट इमेज को आपने देखा कि सर जो डिस्टेंस X2 थी M2 से उसमें D की वैल्यू ऐड कर दो, X2 की डिस्टेंस में D की वैल्यू ऐड कर दो तो M1 की नेक्स्ट इमेज आती थी। उसी तरह से बेटा उसी तरह से अगर आपको M1 की नेक्स्ट इमेज चाहिए तो यहां पर एंगल बिटवीन द मिरर जो है वो M2 के एंगल में ऐड कर दो, यानी कि अगला बनेगा 80 पर। अच्छा अगर आपको M2 का अगला चाहिए तो यहां पर ये बनेगा बेटा 100 पर, अरे वाह ये तो बहुत मस्त काम है। फिर अगर आप बनाओगे अगला तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, यहां पर बनेगा ये 60 पर और ये बन जाएगा सर यहां पर आपका 160। फिर अगला यहां पर आप बनाओगे सर तो ये बन जाएगा कितना 140 पर, कितने पर बन जाएगा बेटा 140 पर, और आगे साइकिल चला सकते हैं क्या। तो थोड़ा ठहरो थोड़ा ठहरो, अब आपको बताते हैं कि और यहां पर क्या चीजें होंगी, बनेगा नहीं बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा। तो बच्चों यहां पर आपको, यहां पर आपको क्या मिलेगा सर, एक इमेज मिलेगा सर, यहां पर एक 40 डिग्री पर इमेज मिलेगा सर, यहां पर आपको एक 20 डिग्री पर इमेज मिलेगा। तो मैं पहले तो ना एक सर्कल बना देता हूं यार, मैं पहले तो ना एक सर्कल बना देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि सर्कल पे ही बनती है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को यहां पर सर्कल बना लेना है, इसलिए मेरे को यहाँ पर सर्कल बना लेना है, रेडियस ये वाली कंसिडर करते हुए, रेडियस ये वाली कंसिडर करते हुए ये सर्कल बन गया, ठीक है एवरीवन ये सर्कल बन गया। पहला इमेज यहाँ पर बनेगा बेटा, पहला इमेज बनेगा, ध्यान से देखना बेटा, पहला इमेज बनेगा, इसको अपन आई टू बोलेंगे एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्रीज बेटा। यहाँ पर ये पहला इमेज बनाएगा 40 डिग्री पर, तो यहाँ पर बना लेते बेटा एट एन एंगल ऑफ, ये बनेगा आपका आई वन एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज बेटा। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो तुम्हारा I2 बना बेटा ये इस मिरर M1 के लिए फिर से एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। कितने एंगल पर है आप देखो जरा, टोटल टोटल एंगल देखो यहां से कितना होगा, तो यहां से टोटल एंगल हो जाएगा सर 20 प्लस ये 60, 20 प्लस ये 60 तो 80 डिग्री पर, कहां पर होगा बेटा 80 डिग्री पर, यानी कि
इस मिरर M1 से 80 डिग्री इस तरफ, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, इमेज बन जाएगा यहाँ पर, कहीं ये बनेगा बेटा, कहीं यहाँ पर बनेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा I21, ये हो जाएगा बेटा I21 और ये 80 डिग्रीज पर होगा, बोलो यस और नो। ऐसे ही जब आप तुम बनाओगे तो सारे के सारे इमेजेस कहाँ पर आएंगे बेटा, एक सर्कल पर आएंगे। सारे के सारे इमेजेस कहाँ पर आते हैं बेटा, एक सर्कल पर आते हैं। अब जब सर्कल पर आ रहे हैं तो एक छोटी सी बात को ध्यान से सुनना, एक छोटी सी बात को ध्यान से सुनना बेटा। लास्ट में जो साइकिल आपका चला, लास्ट में जो साइकिल आपका कंप्लीट हुआ बेटा, लास्ट में जो साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है उसमें देखना, ये क्या है आपकी लास्ट इमेज फॉर्म्ड बाय M1, ये क्या है बेटा आपकी लास्ट इमेज बाय, लास्ट इमेज बाय M1, ये क्या है बेटा आपकी, दिस इज लास्ट इमेज बाय, ये क्या हो गया बेटा आपका लास्ट इमेज बाय M2, है ना, और ये क्या हो गया बेटा आपका एंगल बिटवीन द मिरर। तो इन तीनों का सम टोटल करके देखो, इन तीनों का क्या करो बेटा, सम टोटल करो। तो जब आपने सम टोटल किया, 160 डिग्री प्लस आया बेटा आपका 140 डिग्री और प्लस आ गया बेटा आपका यहाँ पर क्या 60 डिग्री। ऐसा जैसे आपने देखा, आपको पता चल रहा है सर ये आ रहा है 360, जैसे ये सम 360 डिग्री आएगा बेटा, इसका मतलब यहाँ पर नंबर वन इमेज, नंबर टू इमेज, नंबर थ्री इमेज, नंबर फोर इमेज और ये दोनों मिलकर नंबर फाइव बनाएगी, ये दोनों मिलकर नंबर फाइव बनाएगी, क्योंकि ये दोनों परफेक्टली एक दूसरे के साथ क्या कर गई हैं बेटा, ओवरलैप कर गई हैं। तो जब भी कभी साइकिल का सम टोटल क्या आ जाए बेटा, 360 डिग्री आ जाए। सम टोटल कैसे निकालते हैं, लास्ट इमेज फॉर्म्ड बाय M1, लास्ट इमेज फॉर्म्ड बाय M2, दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 360 डिग्री, दोनों को 60 डिग्री, कौन सा एंगल बेटा, एंगल बिटवीन द मिरर। तो जो लास्ट इमेज बनी है ये दोनों परफेक्टली ओवरलैप करेगी, ये परफेक्टली ओवरलैप करेगी, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों को अलग अलग नहीं, एक सिंगल इमेज की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे बेटा, तो यहां पर आप बोलोगे सर नंबर ऑफ इमेजेस, अगर आपको पता लगाना है बेटा तो नंबर ऑफ इमेजेस आप लिखेंगे, ये हो जाएगा कितना बेटा, 1, 2, 3, 4 और 5, कितना आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है। इसी 5 को अपन कैसे निकाल सकते थे बेटा, इधर आ जाओ, इसी 5 को निकालने का तरीका ये था, इसी 5 को निकालने का तरीका ये था, आपको करना था 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन द मिरर, ठीक है। अगर ये वैल्यू क्या आती है बेटा, अगर ये वैल्यू n है और ये वैल्यू कैसी है बेटा, अगर ये वैल्यू है even, जैसे आ रहा था हमारा, अगर ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा, even, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो होंगे n-1, और अगर ये आता बेटा कैसा, अगर ये आता आपका odd, अगर ये क्या आता बेटा, odd आता, ठीक है, ये वैल्यू क्या आती बेटा, odd आती। अब odd में दो केस बनते हैं, ऑड में दो केस बनते हैं, अगर ये वैल्यू क्या आती बेटा, अगर ये वैल्यू ऑड आती, ये वैल्यू कैसी आती बच्चों ध्यान से सुनो, ये वैल्यू कैसी आती, ऑड आती, ऑड में दो केस बनते हैं, ऑड में दो केस क्या क्या बनते हैं बेटा, एक आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखा है या फिर सिमेट्रिक नहीं रखा है बेटा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है बेटा सिमेट्रिक, अगर आपने ऑब्जेक्ट को क्या रखा है बेटा सिमेट्रिक, यानी कि पहली इमेज अगर θ/2 पर बन रही है, बाइसेक्टर पे रखा है, सिमेट्रिक रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा बेटा, n-1 होगा। और अगर आपने रखा है असिमेट्रिक, आपने कैसा रखा बेटा, अगर आपने रखा असिमेट्रिक, यानी कि मान लीजिए यहां पर वैल्यू आ रही है, ठीक है, मतलब अगर टोटल एंगल 60 डिग्री है, टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो आपने 30-30 पर ना रख के 20-40 पे रखा, जैसे आपने पिछले वाले सवाल में किया था, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस किसके बराबर आएगी बेटा, n के बराबर आएगी, ठीक है। और अगर आप ये बोल दो कि सर एक बात बताओ, इवन आएगा तो, अरे इवन आएगा तो ऑलवेज यहाँ पर चाहे बाइसेक्ट पे रखो चाहे मत रखो, ठीक है, अगर इवन आएगा तो हमेशा क्या रखोगे, n-1 रखोगे, चाहे बाइसेक्ट पर आएगा चाहे नहीं आएगा बेटा। अगला यहाँ पर क्या आता है, अगर 360 डिवाइडेड बाई थीटा करने पर यहाँ पर क्या आ जाता है, नॉन इंटीजर, कैसा आ जाता है बेटा, नॉन इंटीजर, तो काउंट बाई साइकिल मैथड, यहाँ पर क्या होगा, काउंट बाई साइकिल मैथड, साइकिल चलाना सिखाई ना, अरे साइकिल चलाना सिखाए ना बेटा, साइकिल मेथड को फॉलो करना पड़ेगा कि M1 का इतना बनेगा फिर M2 का इतना बनेगा, इसको बोलते बेटा साइकिल मेथड, इसको हम बोलते बेटा साइकिल मेथड, ठीक है एवरीवन। चलो सवाल कराता हूँ जल्दी से, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करी बेटा, अभी हमारा स्फेरिकल मिरर बाकी है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, सारी चीज़ें कवर होंगी तो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करने का मज़ा आएगा बेटा। टू प्लेन मिरर्स L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर 3 meter अपार्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अ पर्सन स्टैंडिंग x मीटर फ्रॉम द राइट मिरर L2, ठीक है, ओके, लुक्स इनटू दिस मिरर एंड सीज अ सीरीज ऑफ इमेजेस, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड इमेज इज 4 meter, देन द वैल्यू ऑफ x इज बेटा, ओके, बहुत सारी इमेजेस उसको नजर आ रही हैं, सीरीज ऑफ इमेजेस ये देख रहा है, ये दूरी कितनी है बेटा, ये दूरी कितनी है,
ये दूरी कितनी है, ये दूरी 3 मीटर है। एक्स अगर पर खड़ा है तो पहली इमेज उसको कहाँ नज़र आएगी, तो फर्स्ट इमेज यहाँ पर बनेगी बेटा, और वो एक्स डिस्टेंस पर बनेगी। फर्स्ट इमेज कहाँ पर बनेगी बेटा, एक्स डिस्टेंस पर बनेगी। इधर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इमेज कहाँ पर बनेगी बेटा, इस तरफ फर्स्ट इमेज आपकी बनेगी सर 3-x पर। इस तरफ कहाँ पर बनेगी बेटा, 3-x पर। अब इसी 3-x में, इसी 3-x में ये 3 एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो यहाँ पर सेकंड इमेज बनेगी बेटा। तो इसकी जो सेकंड इमेज बनेगी ऑन द सेम लाइन बेटा, इसकी सेकंड इमेज क्या बन जाएगी, इसकी सेकंड इमेज बनेगी बेटा 3+3-x। और यहां पर इन दोनों इमेजेस के बीच की जो दूरी है, इन दोनों इमेजेस के बीच की जो दूरी है वो हमको बोला गया है कि 4 मीटर है। और ये हम कैसे लिखेंगे बेटा, अरे बताओ ये हम कैसे लिखेंगे, तो दिस 4 मीटर इज, आप सीधा सीधा लिखोगे कि यार बॉस ये तो हो जाएगा यहां पर क्या 3-x, ये हो जाएगा सर 6-x में से x को माइनस कर दो। तो यहां पर आप लिखोगे सर 6-x में से x को माइनस कर दो। अरे ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 6-x होगी, इसमें से इस x को माइनस कर दो, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सर, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 मीटर। और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा सर, ये कितना 6 माइनस, यहाँ पर कितना आ गया बेटा 2x, तो आंसर आ जाएगा x=1 मीटर बेटा, x=1 मीटर। कितना होना चाहिए बेटा, x=1 मीटर, ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है बच्चों, x=1 मीटर, x=1 मीटर, x=1 मीटर, नॉट 1.5, x=1 मीटर यार। अरे सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी सर, यहाँ पर 2x आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस होगा, तो 2x=2 आएगा, तो x=2 कितना आएगा, 1 आएगा। चमका कि नहीं चमका एवरीवन, सिंपल सवाल है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। फिगर शोज द 2 प्लेन पैरेलल टू ईच अदर बेटा, ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड बिटवीन देम, देन द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम मिरर M2 बेटा, फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम मिरर M2, मिरर M2 से फर्स्ट 3 इमेजेस यानी कि I1, I2 और I3 निकालना है आपने को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप हमेशा ऐसे बना लिया करो यार, ये M1 लिखेंगे, यार ये यहाँ पर M2 लिखेंगे। M2 कितने पर बनाएगा बेटा, पहली इमेज बनाएगा 5 पर, और ये कितने पर बनाएगा बेटा, पहली 10 पर बनाएगा। फिर ये दूसरी कितने पर बनाएगा बेटा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये अगली बनाएगा बेटा 25 पर, ठीक है। ये अगली कितने पर बनाएगा बेटा, ये अगली बनाएगा 20 पर। फिर इसमें 15 ऐड करोगे, फिर इसमें 15 ऐड करोगे, ये अगली कितने पर बनाएगा बेटा, 35 पर। तो 5, 15, 5, 25 और 35 बेटा, पहली इमेज 5 पर, दूसरी 25 पर और तीसरी 35 पर, पहली 5 पर, दूसरी 25 पर और तीसरी 35 पर, ठीक। पिछला वाला सवाल भी ऐसे कर सकते थे, M2 ये वाला जो मिरर है आपका, इससे आपको चाहिए था ना मिरर, आप लिखते यहां पर L1, मिरर आप यहां पर लिखते L2, मिरर यहां पर बनाता x पर, ये बनाता बेटा 3-x पर। अब यहां पर अगली इमेज कितने पर होती बेटा, 3 एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देती है, 6-x होता। इस वाले के और इस वाले के बीच की पोजीशन आपको 4 मीटर गिवन है, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाता बेटा। ऐसे भी हम कर सकते थे, यस और नो एवरीवन, समझ में आया सभी लोगों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ अगला बेटा। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द 2 प्लेन मिरर ए डिस्टेंस अपार्ट बेटा, ए डिस्टेंस अपार्ट आपने क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट को रखा है 2 प्लेन मिरर के बीच में। द प्लेन मिरर फ्रॉम एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन nth ऑर्डर इमेज फॉर्म्ड इन द 2 मिरर इज, nth ऑर्डर इमेज इन द 2 मिरर इज बेटा, nth ऑर्डर इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी 2NA। ये मैं आपको एक होमवर्क में दे देता हूँ बेटा, ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, कैलकुलेट कर लेना, अदरवाइज स्पेशल क्लास में पूछ लेना अगर नहीं आए तो, ठीक है। इमेजेस फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द 2 प्लेन मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज मैक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द अनदर लाई ऑन दी, तो ये होता है बेटा सर्कल पर लाई करते हैं। अगर 2 प्लेन मिरर एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है तो सारी इमेजेस एक सर्कल पर लाई करती हैं, ऑल दी इमेजेस विल बी लाइंग ऑन दी सर्कल बेटा। और कितना टाइम है, 11:30 तक बेटा, एक घंटा और पढ़ेंगे, अभी तो स्फेरिकल मिरर खत्म करना है। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट सिमेट्रिकली बिटवीन द 2 मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री वुड बी, तो बच्चों थीटा निकालो, क्या निकालोगे यहां पर, थीटा डिवाइडेड बाय, मतलब 360 डिवाइडेड बाय थीटा, एन का वैल्यू निकालेंगे हम, 360 डिवाइडेड बाय हमने किया यहाँ पर 72, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 12 छंग 72, 12 तिया 36,
छः पंजाम 30 5 आंसर आ रहा है। कैसा आया बेटा, कैसा आया? ओड आया। ओड आया तो यहां पर देखो कैसा रखा है, सिमेट्रिकली रखा है। कैसा रखा है बेटा? सिमेट्रिकली रखा है। सिमेट्रिकली रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे सर? n माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1, यानी कि आंसर क्या आएगा बेटा? 4। तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी? 4। लास्ट इमेजेस जो बनेंगी बेटा, लास्ट इमेजेस जो बनेंगी, एक्चुअल में 5 बननी चाहिए थी लेकिन लास्ट इमेजेस ओवरलैप कर जाएंगी। लास्ट इमेजेस क्या करेंगी बेटा? ओवरलैप करेंगी, एंड दैट इज वाई आंसर यहां पर 4 आएगा। चमका 11 बोला था आपने। यार बेटा कौन सारे कॉन्सेप्ट सिखाने भी तो जरूरी है ना। अब देखो दो बातें हो सकती हैं, तुम लोग कमेंट करके बताना, दो बातें हो सकती हैं। या तो मैं इतने सवाल कराऊं, ठीक है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, या फिर मैं नंबर ऑफ सवाल कम करा दूं तो मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा। अब तुम बताओ फिजिक्स में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, फिजिक्स में क्या ज़्यादा ज़रूरी है? रैंक कैसे आएगी भाई? हर कॉन्सेप्ट का एक भी सवाल, अभी तक हमने पिछले जितने सवाल किए उनमें से एक भी सवाल ऐसा बता दो जो रिपीट हुआ हो कॉन्सेप्ट वाइज। हर एक में कुछ नया सीखने को मिल रहा है, हर एक में कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो फिर सारी वैरायटी ऑफ सवाल करनी पड़ेगी ना बेटा। एंड कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि सर हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है, हमें तो सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों मैं एक छोटी बात आपको बताता हूं, जो अभी आप मेरे साथ कर रहे हो ये सेल्फ स्टडी ही है। टाइम बदल गया है, युग बदल गया है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे होते हो तो यू गाइज आर कंप्लीटिंग एंटायर चैप्टर इन वन गो। आप हमारे साथ बैठकर पढ़ रहे हो, आप हमारे साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और एडिशनल क्लास में जब आप आते हो तो भी आप वहां पर सेल्फ स्टडी ही कर रहे होते हो, बस फर्क इतना है हमारे साथ। ठीक है, यस और नो? बहुत बढ़िया, आ जाओ। नाउ टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट वन अनदर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन देम। बेटा यहां पर द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मड ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाय बोथ द मिरर इज, बेटा आप लिखा लोगे एन विच इज आपका 360 डिवाइडेड बाय यहां पर 40। बेटा आंसर आएगा 9। 9 मतलब 9 माइनस 1, क्योंकि सिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन सी। आंसर क्या आएगा बेटा? 8 आएगा, ऑप्शन सी। 9 कब होता अगर असिमेट्रिक रखे होते तो? ठीक है, 9 कब होता असिमेट्रिक, इसको अपन स्पेशल क्लास में करेंगे। अब हम चलते हैं, अब हम चलते बेटा कहां पर? अब हम चलते हैं किस तरफ? तो अब हम चलते बेटा स्फेरिकल मिरर की तरफ। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपको मिरर वाला करा दूं, 2015 में आया हुआ है सीपीएमटी में बेटा। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटीज 4 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर ट्वाइस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। याद है आप लोगों को? याद है ये फॉर्मूला? अरे याद है कि नहीं ये फॉर्मूला? अभी थोड़ी देर पहले तो करवाया था। इसमें ये जब फॉर्मूला आप यूज करेंगे बेटा, ये जब फॉर्मूला आप यूज करेंगे, यहां पर अभी पढ़ाया था आप लोगों को, याद होगा, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला अलोंग द नॉर्मल। और इस फॉर्मूले में आपको क्या करना बेटा? पुट ऑल वैल्यूज, यहां पर क्या होना होता है बेटा? पुट ऑल वैल्यूज विथ प्रॉपर साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, विथ प्रॉपर साइन, क्योंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर साइन का मतलब कोई भी वेलोसिटी अगर राइट साइड है हम उसको पॉजिटिव लेंगे, कोई भी वेलोसिटी अगर लेफ्ट में है हम उसको नेगेटिव लेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों, कोई भी वेलोसिटी अगर लेफ्ट में है उसको हम नेगेटिव लेंगे, कोई भी वेलोसिटी अगर राइट में है हम उसको पॉजिटिव लेंगे। ये छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है, और यही हम काम कर रहे हैं। तो बच्चों मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, इसलिए मैं इसका कोई साइन डिसाइड नहीं करूंगा। मिरर की वेलोसिटी मैं देख रहा हूं, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम ऐसे ले लेते कि ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए इधर जा रहा है 4 से, और मिरर को अपन ऐसे ले लेते क्योंकि कुछ कहा नहीं है, कुछ कहा नहीं है बेटा। तो ऐसा भी हो सकता था और ये ऐसा भी हो सकता था कि मिरर आपका जो है मिरर इधर जा रहा हो और ऑब्जेक्ट आपका इधर आ रहा हो 4 से, ऐसा भी संभव था, ऐसा भी संभव था। तो 2 × में हम इसको लिख देंगे बेटा -5, 2 × में हम इसको लिख देंगे बेटा -5 अगर मैं ये वाला कंसिडर कर रहा हूँ तो, और ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर 4 + 4, तो ये आ रहा है बेटा -10 और यहाँ पर आ रहा है बेटा 14। अरे ये तो गड़बड़ आंसर आ गया, ये गड़बड़ आंसर आ गया, गड़बड़ इसलिए आंसर आ गया क्योंकि इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना, ये 4 तुम्हारा नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, ये 4 तुम्हारा नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा बेटा -10, माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर आएगा ये 4, नहीं यार रुको 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 रुको
सेट बैक टू जीरो। मैं फॉर्मूला से पहली बार करा रहा हूँ, मैं जुगाड़ से करता हूँ इसको हमेशा, इसलिए है ना। आओ इधर वापस से देखो, ट्वाइस टाइम्स ऑफ मिरर की वेलोसिटी माइनस रखनी पड़ेगी, माइनस एज इट इज, और इसकी वेलोसिटी प्लस फोर रखनी पड़ेगी क्योंकि वो राइट साइड है। ठीक है, हाँ जी, टूवर्ड्स ईच अदर बोला ना बेटा, टूवर्ड्स ईच अदर मतलब दोनों ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या पोजीशन दोनों अलग अलग बनाई ना बेटा, दोनों मैंने पोजीशन अलग अलग बनाई, दोनों टूवर्ड्स ईच अदर है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर ये हो जाएगा आपका माइनस टेन, ये हो जाएगा माइनस का फोर, आंसर वुड बी माइनस का 14 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस का 14 मीटर पर सेकेंड। आप अगर इसमें देखते, आप अगर इस वाली सिचुएशन में बोलते तो क्या लिखते बेटा, ठीक है, तो आप ये बोलते कि सर इस वाले कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाता ट्वाइस टाइम्स ऑफ ये प्लस फाइव होता या माइनस, और ये यहाँ पर आपका माइनस फोर होता, तो आंसर यहाँ पर प्लस 14 मीटर पर सेकेंड भी बनाया जा सकता था, प्लस 14 मीटर पर सेकेंड भी बनाया जा सकता था। अब कहानी क्या है देखो, क्योंकि इसमें भी टूवर्ड्स ईच अदर है बेटा, इसमें भी टूवर्ड्स ईच अदर है, इसमें भी टूवर्ड्स ईच अदर है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ मूविंग ईच अदर विथ वेलोसिटीज फोर इन दिस रेस्पेक्टिवली, कहा नहीं उसने, कहा नहीं उसने, तो ए भी संभव था, डी भी संभव था, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटीज बेटा। इसी सवाल को एक जुगाड़ से मैं करना सिखाता हूं कई बार बच्चों को, आ जाओ ऐसे कि यहां पर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है बेटा विच इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड, यहां पर आपका मिरर है एंड दैट मिरर इज मूविंग विद वेलोसिटी से बेटा यहां पर कितना बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इस मिरर को, आपको इस मिरर को क्या करो बेटा, मिरर को कंसिडर रेस्ट कर दो, मिरर को क्या कर दो, कंसिडर रेस्ट कर दो। जैसे आपने यहां पर मिरर को कंसिडर रेस्ट किया, मिरर रुक गया आपका, मिरर रुका तो इसको भी क्या करना पड़ेगा बेटा, सेम डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड देनी पड़ेगी। अब इसकी नेट स्पीड कितनी हो गई बेटा, 9, तो यहां पर आपके पास आंसर आएगा 9, लेकिन पता है ये क्या आएगा, 9 मीटर पर सेकेंड ये आएगा विद रेस्पेक्ट टू मिरर बेटा। तो कई बार सवाल ऐसे पूछा जाता है, बताओ विद रेस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, तो 9 आएगा आंसर, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो इसमें एक्चुअल में क्या करना है, इसी 9 में आप एडिशनल 5, जिस डायरेक्शन में मिरर आपका मूव कर रहा था उतनी ही वेलोसिटी एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दो। तो इधर का 9, इधर का 5, दोनों यहां पर ऐड होके कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर आपका 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड बेटा। ऐसे सोचना होता है, ये आ रहा है आपका विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा, ये आ रहा विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटीज बेटा। ठीक है, वो नहीं गिवन थे, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि यार इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक लेकर चलना चाहिए था। ठीक है, तो आपने दिया नहीं, हमने यहाँ पर बात करी नहीं, बट ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर से लेफ्ट साइड रखा होता है, इसलिए आपको अगर टिक करना हो, मान लीजिए देखो NTA कोई चीज़ स्पेसिफाई करे ना करें, लेकिन आपको फिर भी अगर सवाल सही करना हो तो थोड़ी सी चीज़ों पर आपको सोचना पड़ेगा। तो ऑप्टिक्स में बेटा मिरर से हमेशा लेफ्ट में, देर आर 100% चांसेस कि ऑब्जेक्ट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर बेटा, एंड रेज आर गोइंग टू बी इंसिडेंट टुवर्ड्स द राइट साइड, ये आपका इन जनरल कंडीशन होता है, इसलिए माइनस 14 आंसर करना ठीक रहेगा। चलो आगे बात करते बच्चों, आगे बात करते हैं, आर यू गाइज रेडी फॉर द स्फेरिकल मिरर एवरीवन, बोलेंगे सर आपने तो डरा दिया चिल्ला के, आपने तो डरा दिया चिल्ला के, आर यू गाइज रेडी फॉर द स्फेरिकल मिरर, कम ऑन एवरीवन, आर यू गाइज रेडी फॉर द स्फेरिकल मिरर, आर यू गाइज रेडी फॉर द स्फेरिकल मिरर, कम ऑन, कम ऑन जल्दी से बताओ, यस भैया हम रेडी हैं, हम रेडी हैं और आपके साथ काम करने को तैयार भी। ठीक है, हम रेडी हैं और आपके साथ काम करने को तैयार भी। हेडिंग डालेंगे बच्चों स्फेरिकल मिरर, हेडिंग डालेंगे बेटा रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर, क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर, और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते बेटा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, करीब आधा घंटा लगेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें, और प्लेन मिरर में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की वेराइटीज़ बनती बेटा, स्फेरिकल में उतने ज़्यादा यहाँ पर है नहीं चीज़ें। ठीक है, बाकी अगर कुछ बचेगा तो मैं स्पेशल क्लास में करेंगे। ठीक है, आ जाओ बच्चों, तो स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, तो देखो आपके पास एक स्फीयर है, देखो आपके पास एक ऐसा स्फीयर है, और उस स्फीयर में से क्या करना होता है, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर बेटा। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर, पार्ट ऑफ अ स्फीयर, जैसे जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने ये कट कर लिया, ये पोर्शन,
ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया बेटा, ये पोर्शन कट कर लिया। तो ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो देख रहे हो इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं बेटा। दिस पोर्शन इज व्हाट वी कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स बेटा। ये मैंने कैसा बनाया, ये मैंने बनाया यहाँ पर आपका कॉनकेव। ये मैंने कैसा बनाया बेटा, कॉनकेव बनाया। अगर आपने सिल्वरिंग करी है इनसाइड तो ये कॉनकेव हुआ, सिल्वरिंग अगर आप करोगे आउटसाइड तो ये कॉन्वेक्स होगा। सिल्वरिंग करोगे कॉनकेव तो ये कैसा होगा बेटा, आप सिल्वरिंग करोगे इनसाइड तो ये कॉनकेव होगा। यहां पर कुछ चीजें होती है, इसको अपन बोलते हैं बेटा सी, और इस सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस सी इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है ये, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट बेटा। जिस स्फीयर से आपने कट करके मिरर बनाया है उसी के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहां पर एक और पॉइंट होता है जिसको अपन कहते हैं बेटा पॉइंट पी। यहां पर एक और पॉइंट होता है जिसको अपन बोलते हैं बेटा पॉइंट पी। पॉइंट पी को हम बोलते बेटा पोल। क्या बोलते बेटा, पोल। ये पोल होता है जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर बेटा। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका जियोमेट्रिक, ये होता है आपका जियोमेट्रिक सेंटर, ये होता है बच्चों आपका ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर बेटा, स्फेरिकल मिरर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा उसे हम पोल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पोल कहते हैं। ठीक, यहां तक भी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। आर, आर क्या होता है बेटा, यहां पर एक और चीज आती है जिसको कहते हैं अपन आर। आर को अपन कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर को अपन क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये होता है इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर जिससे आपने मिरर बनाया बेटा। यहां से लगाकर यहां तक की जो दूरी होती है, यहां से लगाकर यहां तक की जो दूरी होती है, मतलब सी पी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर के बराबर होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर यहां पर एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ बेटा। एक और चीज होती है जिसको अपन कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है यहां पर आपका आर डिवाइडेड बाय टू इन केस ऑफ स्फीयर बेटा। ये क्या होता है, फोकल लेंथ इज द पॉइंट। फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, यहां पर फोकल लेंथ इज द पॉइंट वेयर पेरेक्सियल रेज मीटिंग और अपीयर्स टू मीट, और अपीयर्स टू मीट, ठीक है, या तो एक्चुअल में मीट करती है या फिर अपीयर्स टू मीट, या तो मुलाकात करती नजर आती है या फिर हम उन्हें जबरदस्ती मुलाकात करवाते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पेरेक्सियल रेज। एक शब्द आपने यहां पर लिखा है सर, पेरेक्सियल रेज, ध्यान से सुनना। एक शब्द हमने लिखा बेटा यहां पर पेरेक्सियल रेज, ठीक है, वो होती है सर यहां पर रेज, पैरेलल रेज, यहां पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। What is the principal axis? A line which is pass joining center of curvature and pole beta. A line which is joining kis kis ko beta? A line which is joining center of curvature and principal axis is what we call beta yahan par. सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं बेटा। तो लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज बेटा, एंड कैसी होनी चाहिए बेटा, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, उन्हें हम पेरेक्सियल रेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, पेरेक्सियल रेज कहते हैं। तो यहां तक आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ रही है, ईच वन ऑफ यू, एवरी वन, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, एक और बहुत बढ़िया बात है, जो एक चीज होती है जिसको कहते हैं अपर्चर बेटा। एक क्या होता है यहां पर अपर्चर, एक टर्म होता है अपर्चर विच इज बेसिकली डायामीटर क्या होता है सर, यहां पर डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर बेटा, डायामीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। और ये अपर्चर क्या होता है बेटा, अपर्चर शुड वेरी स्मॉल बेटा, क्योंकि अगर अपर्चर बड़ा हुआ तो क्या तकलीफ होगी, समझाता हूं मैं आपको। अपर्चर क्या होता है, ये जो आपने मिरर कट किया, इस मिरर को अगर आप सामने से देखोगे, मैं यहां पर आपको ऐसे पिक्चर बना के दिखाता हूं, ये मिरर आपको ऐसा दिखेगा, और इस मिरर का यहां पर आपको ऐसा, ये दिस मिरर एक्चुअली, ये अगर आप किसी भी स्फीयर से कुछ कट करोगे ना तो ऐसा दिखेगा आपको, बोलो यस और नो एवरीवन। किसी भी स्फीयर में से अगर आप कट करोगे ना तो ऐसा दिखेगा, तो ये जो है ना ज्योमेट्रिक सेंटर, इसको अपन पोल कहते हैं बेटा, और ये वाली जो वैल्यू है ना इसको डायामीटर कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा डायामीटर। ये जो अपर्चर आप दिख रहे हो ना, ये डायामीटर, इस डायामीटर को अपन अपर्चर कहते हैं बेटा। ठीक है, परफेक्ट नजर आ रहा है सभी लोगों को, परफेक्ट नजर आ रहा है बेटा। तो ये जितना छोटा होता है अपर्चर उतना बेहतर होता है, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास ट्वेल्थ में जो आपके सिलेबस में है नीट में बेटा, वो छोटा अपर्चर का ही लॉजिक है, छोटे अपर्चर की ही बात हो रही है। तो आप आओ जरा यहां पर कुछ और बातें आपको बताते हैं। तो अगर अपर्चर छोटा है, अगर अपर्चर कैसा है बेटा, अपर्चर छोटा है,
तो क्या होगा, ठीक है मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है यहीं पर अपन लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन की भी बात कर लेते हैं, यहीं पर अपन बात कर लेते हैं बेटा लॉज ऑफ इमेज फॉर, या फिर एक काम करते हैं, रुको यार अभी ज़रा, ठीक है अभी रुको ज़रा, लॉज ऑफ इमेज फॉर्म एक साथ आप बोलोगे भैया आपने बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ करा दी, ये देखिए इसको हम क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर तुम्हारा पोल है, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये तुमने मिरर बना लिया बेटा कौन सा, कॉनकेव, ये तुमने मिरर बना लिया बेटा कौन सा, कॉनकेव। तो अगर रेज यहाँ पर क्या आ रही हैं, इफ द रेज आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर बेटा, इफ द रेज आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, जब ये पैरेलल टू ईच अदर आती है तो जो नॉर्मल होता है ना बेटा, स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल विल ऑलवेज पासिंग थ्रू, स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल विल ऑलवेज बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा, क्योंकि इस सरफेस पर जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से ही तो पास होगा, वो सेंटर से ही तो पास होगा। तो यहां पर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, अगर अपर्चर छोटा है तो रिफ्लेक्टेड रेज विल बी क्रॉसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, देखो यहां पर ये रे इधर से पास होगी, यहां पर ये रे इधर से पास होगी, यहां पर ये रे यहां से पास होगी बेटा, ठीक है। तो जब आप इन रेज को ऑब्जर्व करते हो बेटा तो ये एक परफेक्ट जगह से क्रॉस कर रही है, और इसी को हम फोकस कहते हैं, और पी से एफ तक का जो डिस्टेंस होता है बेटा, पी से एफ तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, पी से एफ तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को अपन फोकल लेंथ कहते हैं। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट एवरीवन? अब बच्चों इसी को अगर आप देखोगे, मान लीजिए यहाँ पर आपने बना दिया होता कौन सा मिरर, यहाँ पर आपने बना दिया होता बेटा, यहाँ पर आपने बना दिया होता इस तरह का मिरर, कौन सा मिरर है बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है बच्चों, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इस कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता, व्हेन रेज कमिंग पैरेलल टू द मिरर बेटा, व्हेन रेज कमिंग पैरेलल टू द मिरर दे विल अपीयर्स टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दे विल अपीयर्स टू मीट, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन, After reflection they will go away बेटा, after reflection they will go away, they appears to meet at this point, they appears to meet at this point बेटा यहाँ पर, इसलिए अपन ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई रे आएगी, देखो यहाँ से अगर कोई रे आएगी तो आप ऐसा बोलोगे कि सर ये रे, ठीक है ये वाली जो रे होगी आपकी, ये वाली जो रे होगी बेटा देखो ये यहाँ से क्रॉस करेगी, ठीक है फिर एक रे आप बनाओगे यहाँ वाली, आप इस वाली रे को बोलोगे सर ये यहाँ से क्रॉस करेगी, फिर इस वाली रे को आप बनाओगे सर, इस वाली रे को आप बनाओगे, इस वाली रे को आप बनाओगे, वो यहाँ से क्रॉस करेंगी, दिख रहा है सभी लोगों को? तो एक्चुअल में आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे यहाँ पर आपको एक्सटेंड करके बनाना पड़ेगा, और एक्चुअल में तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे दूर चली जाती है, एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करके ऐसे दूर चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा एक्चुअल मीटिंग और अपीयर्स टू मीट, दोनों बातों को समझ में आया बेटा। यहां पर अगर आप फोकल लेंथ को डिफाइन करोगे तो ये पी से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको अपन फोकल लेंथ बोलेंगे। अब बेटा यहां पर देखना, जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होता है, यहां पर जो फोकल लेंथ होगी वो आपकी नेगेटिव होगी, यहां पर जो फोकल लेंथ होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज distances are measured to be positive बेटा, incident rays की direction में जो distances measure करते हैं वो positive होती है, और incident ray की direction से opposite direction में जो distances होती हैं उन्हें हम negative लेते हैं, ठीक है बच्चों? Clear है कि नहीं? दोनों बातें समझ में आ रही है, दोनों mirror से related, concave, convex, दोनों से समझ में आ रहा है कि इसका focal length negative होगा, इसका focal length positive होगा। क्या यहां तक समझ में आया सभी लोगों को? Everyone, तो साइन कन्वेंशन एंड इमेज फॉर्मेशन दो बातें आपको सिखाते बेटा, ठीक है। यहां पर आता है सर इमेज फॉर्मेशन, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड साइन कन्वेंशन, दोनों चीजें एक साथ बेटा, लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड साइन कन्वेंशन, ये दो बातें आप यहां पर समझ लीजिए, आपका काम बेटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों? आ जाइए, तो दोस्तों बात यूं हो रही है कि अगर हम लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, कोई भी एक मिरर ले लेते हैं, कोई भी एक मिरर ले लेते हैं, हमने मिरर लिया मान लीजिए यहाँ पर कॉनकेव बेटा, हमने यहाँ पर क्या लिया बेटा, कॉनकेव मिरर लिया, कॉनकेव मिरर लेने के बाद में हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। तो इफ अ लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू कहाँ से बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, कहाँ से पास होगा बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है बच्चों? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक रे आपको समझ में आ रही है, इट विल बी पासिंग थ्रू द फोकस बेटा। ये कौन सी रे है? हमारी रे नंबर वन है, जो इंसिडेंट होगी पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी बेटा, पासिंग थ्रू द फोकस बेटा। एक तो ये होती है,
दूसरा ये होता है इफ एनी रे बेटा यहां पर क्या होती है सर, इफ एनी रे इज लाइक दिस, यहां पर आ रही है इंसिडेंट एट द पोल बेटा, इंसिडेंट एट द पोल एट सम एंगल, अगर यहां पर एंगल थीटा पर इंसिडेंट हुआ तो सेम एंगल थीटा पर अ रे हैज टू रिफ्लेक्ट बेटा, सेम एंगल थीटा पर अ रे हैज टू रिफ्लेक्ट, यहां पर क्या करेगा सर, ये सेम एंगल थीटा पर रिफ्लेक्ट करेगा और सेम एंगल थीटा पर रिफ्लेक्ट करने की वजह से सेम एंगल थीटा पर रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे बेटा, ये रे नंबर आपकी टू है, यहां पर मुलाकात करेंगी और यहां पर मुलाकात करेंगी तो आपका इमेज यहां पर बन जाएगा बेटा, ठीक है, आपका इमेज यहां पर बन जाएगा। अब एक रे होती है विच इज कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां पर इन दो रे से आपका काम हो जाएगा, केवल इन दो रे से आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप यहां पर देखते हो सर, यहां पर अगर आपने देखा तो सर दिस विल बी आर क्या हो जाएगा सर, यह हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पर यह अगर आप देखोगे सर तो यहां पर हो जाएगा सर हमारा हाइट ऑफ इमेज, सिमिलर हाइट के ऑब्जेक्ट हो, सिमिलर हाइट के इमेज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बच्चों यहां पर कुछ चीजें होती है जिनको ध्यान में रखना है, साइन कन्वेंशन मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंसेस मेजर्ड, पहली चीज आप ये लिखेंगे सर, जो भी डिस्टेंसेज हैं, डिस्टेंसेज मेजर्ड, जो भी डिस्टेंसेज हम मेजर्ड कर रहे हैं बेटा, डिस्टेंसेज मेजर्ड अलोंग अलोंग डायरेक्शन ऑफ, अलोंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन टू बी पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, अदरवाइज क्या लिखेंगे बेटा अपन, अदरवाइज नेगेटिव, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है बेटा, क्योंकि साइन कन्वेंशन में बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, साइन कन्वेंशन में बहुत गलतियां करते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हाइट है बेटा तो उसको अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हाइट है तो हम उसको क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव लेंगे। अब देखो यहां पर सारी चीजें आपको क्लियर हैं, तो एक फॉर्मूला होता है बेटा जिसको अपन बोलते हैं लेंस सॉरी मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला यहां पर दो बातों को डिनोट करता है। आ जाइए पोल से, एक तो सारी की सारी डिस्टेंसेज मेजर्ड कहां से होती है बेटा, पोल से मेजर होती है, ऑल द डिस्टेंसेज हैव टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल इटसेल्फ बेटा। यहां पर ये वाला आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां पर ये वाली वैल्यू आपको दिख रही है बेटा इमेज डिस्टेंस, ठीक है, और ये वाली लाइन आपको दिख रही है बेटा, ये आपको दिख रही है ये फोकस, ठीक है। तो हम लिख लेते तीनों चीजें, एफ है, ये तुम्हारा वी है, ये तुम्हारा यू है, तो रिलेशन होता है बेटा वन डिवाइडेड बाय, कोई बताएगा फॉर्मूला याद है किसी को, वन बाय यू प्लस क्या होता है बच्चों यहां पर, वन बाय v इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एफ होता है, ठीक है। f को अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा, r डिवाइडेड बाई टू भी लिख सकते हैं, और यहां पर यूज करना बेटा, यूज ऑल वैल्यूज विथ प्रॉपर साइन, विथ प्रॉपर साइन बेटा, किसके साथ यूज करेंगे, विथ प्रॉपर साइन हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। एक चीज तो ये क्लियर हो गई, दूसरी चीज ये है बच्चों, दूसरी चीज ये है कि यहां पर जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा m, उसको अपन बोलते हैं साइज ऑफ इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय अपन क्या लिखेंगे बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो इस मिरर के केस में माइनस v डिवाइडेड बाय u आता है। क्या आता है बच्चों, मैग्निफिकेशन, यानी कि ये जो आपकी इमेज है ये कितनी छोटी और बड़ी होगी, ये इमेज कितनी छोटी और बड़ी होगी ये डिपेंड करता है इस मैग्निफिकेशन के ऊपर बेटा, मैग्निफिकेशन क्या है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो प्लीज ये फॉर्मूलाज जो है इनके डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम ड्रॉपर बेच की बात कर रहे हैं बेटा, हम नीट के बहुत करीब है, तो हमें फॉर्मूलाज लिखना है और इन फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन समझना है। दो तरह के मिरर आपने अभी पढ़े बेटा, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जरूरी हैं आपको समझना, इसके लिए हम बात करते हैं बेटा कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो एक मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूं बेटा, और एक मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूं, आ जाइए जरा, ठीक है। तो हमने चर्चा करी बेटा, सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर से रिलेटेड बात करेंगे कि सर कॉनकेव मिरर की क्या स्पेशलिटी होती है। तो कॉनकेव मिरर से रिलेटेड जितनी भी बेटा बातें हैं स्पेशल, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक तो इसका फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है बेटा, एक तो इसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। दूसरा, कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव नहीं कर रहा मैं फॉर्मूला यूज करके, बट आप लिखते चले जाएं बेटा। अगर आपका ऑब्जेक्ट यू कहां पर होगा बेटा, ऑब्जेक्ट यू होगा बिटवीन इंफिनिटी एंड यहां पर हम लिखेंगे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो आपका वी होगा वो होगा बेटा बिटवीन कहां पर, तो वी आपका होगा बिटवीन सी एंड एफ बेटा, कहां पर होगा, सी और एफ के बीच में होगा। मैग्निफिकेशन यहां पर आपका लेस देन वन होगा बेटा, मैग्निफिकेशन आपका लेस देन वन होगा, और इमेज को हम कहेंगे इमेज आपकी डिमिनिश्ड होगी। इमेज कैसी होगी बेटा, इमेज आपकी डिमिनिश्ड होगी। इस टेबल को आपको ध्यान रखना है, इस टेबल को आपको क्या करना है बेटा, ध्यान रखना। अगर मैं प्रूव करूंगा बहुत वक्त चला जाएगा। फिर अगर आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू को क्या किया बेटा, आपने यू को किया
एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा, यू कहां पर लेकर आ गए, आपने यू को उठाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया, तो जो वी होगा वो भी कहां पर होगा बेटा, वो भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। उस कंडीशन में एम का वैल्यू माइनस वन होगा और यहां पर बनेगा आपका सेम साइज बेटा, क्या बनेगा आपका सेम साइज ऑब्जेक्ट बनेगा, सेम साइज इमेज बनेगा, यानी कि कुल मिलाकर जो आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वही आपका साइज ऑफ इमेज हो जाएगा। एवरीवन ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। फिर अगर आपने क्या किया, आपने U को और पोल की तरफ धक्का दिया और आप लेकर आ गए बेटा इसको बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बेटा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो उस कंडीशन में जो V का वैल्यू होगा वो बनेगा बेटा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहां पर बनेगा तो बियॉन्ड, कहां पर बनेगा बेटा बियॉन्ड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एम का वैल्यू विल बी मोर देन वन होगा, एम का वैल्यू विल बी मोर देन वन होगा। और यहां पर हम बात करेंगे बेटा ये इमेज कैसी होगी, ये भी रियल होगी, ये इमेज कैसी होगी बेटा, ये भी रियल होगी, ये इमेज कैसी होगी बेटा, मैग्नीफाइड होगी, यानी कि एम का वैल्यू बड़ा है, ये मैग्नीफाइड होगा और यहां पर रियल होगा, मैग्नीफाइड होगा और रियल होगा बेटा, ठीक है एवरीवन। फिर अगर आपने U को और क्या किया बेटा, और आप लेकर आ गए फोकस पर, आपने कहां रख दिया बेटा फोकस पर, तो V कहां पर बनेगा बेटा, V बनेगा इंफिनिटी पर, और M का वैल्यू उस कंडीशन में इनफाइनाइट हो जाता है, हाईली मैग्नीफाइड हो जाता है बेटा। अब तीसरा ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका U आ गया बिटवीन फोकस एंड पोल बेटा, कहां पर आ गया बिटवीन फोकस एंड पोल, तो V होगा, V होगा बेटा कहां पर, तो आप बोलोगे बिहाइंड द मिरर बेटा, V कहां पर होगा, V होगा बिहाइंड मिरर, V कहां पर होगा बेटा बिहाइंड मिरर होगा, बिहाइंड मिरर होगा, पॉजिटिव होगा, और उसके चलते यहां पर M का वैल्यू मोर देन तो वन होगा लेकिन यहां पर M आपका पॉजिटिव होगा। यहां इमेज कैसी होगी बेटा, मैग्नीफाइड होगी, यहां पर इमेज कैसी होगी बेटा, मैग्नीफाइड होगी, वर्चुअल होगी, मैग्नीफाइड होगी, वर्चुअल होगी, और इसी को हम इरेक्ट कहते हैं बेटा, इसी को अपन क्या कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं होगी, इरेक्ट होगी। तो ये जो तीन केसेस आपने पढ़े बच्चों, ये जो केसेस आपने पढ़े यहां से लगाकर यहां तक, इन सभी केसेस में, इन सभी केसेस में V क्या होता है, V नेगेटिव होता है, ठीक है, और यहां पर इन सभी केसेस में M क्या होता है बेटा, M भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में एक बहुत अच्छी बात और आप देख लीजिए, कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में M पॉजिटिव भी हो सकता है, M नेगेटिव भी हो सकता है, M वन भी हो सकता है, M लेस देन वन भी हो सकता है, ठीक है, और M मोर देन वन भी हो सकता है। इमेज रियल भी हो सकती है, इमेज रियल भी हो सकती है, इमेज वर्चुअल भी हो सकती है, पूरा कॉनकेव मिरर आपके सामने है, क्या ये सबको दिख रहा है एवरीबॉडी, ठीक है। जब आपकी क्या होती है बेटा, रियल होती है, इमेज इन्वर्टेड होती है, जब इरेक्ट होती है वर्चुअल होती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे बच्चों, यस और नो, है ना, यहां पर भी नेगेटिव होगा, यहां पर भी नेगेटिव होगा, यहां पर भी नेगेटिव होगा, यहां पर भी नेगेटिव होगा। केवल एक कंडीशन है जहां पर आपका M पॉजिटिव होता है कॉनकेव मिरर के केस में, वो भी तब जब आपका U का वैल्यू लेस देन फोकल लेंथ होगा बेटा। आप यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि U का वैल्यू इज लेस देन आपका फोकल लेंथ बेटा, फोकल लेंथ से कम है अगर U, उस कंडीशन में V कैसा आएगा, उस कंडीशन में V पॉजिटिव आएगा, M पॉजिटिव आएगा, मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, बिहाइंड द मिरर बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, ठीक बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेटा यहां पर नेक्स्ट, अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी बात करते हैं बेटा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, किसकी बात करते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम बात करते हैं। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो आपका एफ होता है, एक तो वो पॉजिटिव होता है पहली चीज, दूसरा व्हाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एफ, जब आप इस फॉर्मूले को यूज करके, आप इस फॉर्मूले को यूज करके जो हम बातें बनाने जा रहे हैं उसको देखोगे, अगर आपने U को क्या कर दिया बेटा, इनफाइनाइट कर दिया, तो V का वैल्यू कहां पर होगा बेटा, फोकस के बराबर होगा, आपका M का वैल्यू क्लोज टू जीरो होगा, और यहां पर क्या बनेगा बेटा, डिमिनिश्ड होगा, यहां पर हाईली डिमिनिश्ड लिखेंगे इसको, डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज लिखेंगे अपन इसको, क्या लिखेंगे बेटा, इमेज कैसा होगा आपका, पॉइंट साइज इमेज होगा आपका, पॉइंट साइज इमेज होगा। फिर अगर आपने क्या किया सेकेंड केस में, U को आप लेकर आ गए बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2R बेटा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2R मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो जो V का वैल्यू है वो होगा बेटा यहाँ पर, वो होगा आपका बिटवीन पोल एंड फोकस बेटा, बिटवीन कहाँ पर होगा, पोल एंड फोकस होगा, M का वैल्यू यहाँ पर लेस देन वन होगा, होगा पॉजिटिव, होगा पॉजिटिव बेटा, होगा कैसा, डिमिनिश्ड होगा, होगा कैसा, डिमिनिश्ड होगा बेटा।
फिर आपने यहाँ पर किया यू को, आप लेकर आ गए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में बेटा, फोकस के बीच में, तब भी आपका वी कहाँ पर होगा बेटा, बिटवीन पोल एंड, बिटवीन पोल एंड फोकस ही होगा, तब भी आपका एम का वैल्यू लेस देन वन ही होगा, तब भी आपका एम का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। तो आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में एक नोट पॉइंट लिखो सीधा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप एक नोट पॉइंट लिखो सर, जो इमेज होता है इज V is always between पोल and फोकस पॉइंट बेटा, P और F के बीच में ही होगा। M का वैल्यू पॉजिटिव होगा ऑलवेज, M का वैल्यू पॉजिटिव होगा ऑलवेज। इमेज आपकी कैसी होगी बच्चों, इमेज आपकी वर्चुअल होगी ऑलवेज, इमेज आपकी वर्चुअल होगी बेटा ऑलवेज, इमेज आपकी वर्चुअल होगी ऑलवेज, ठीक है। और डिमिनिश्ड होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कैसी होगी सर, साइज में छोटी होगी डिमिनिश्ड होगी, साइज में छोटी होगी डिमिनिश्ड होगी। जो वी का मैक्सिमम वैल्यू होता है ना बेटा, वो इक्वल टू फोकल लेंथ होता है, वो इक्वल टू क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, वो भी तब जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होता है, इन्फिनिटी पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है, कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाता है, नेवर एवर बेटा, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी मैग्नीफाई नहीं करेगा, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी मैग्नीफाई नहीं करेगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो अगर तुमसे एक थ्योरेटिकल सवाल ऐसा आ जाए कि जो बाथरूम में हम शेविंग मिरर रखते हैं, वो शेविंग मिरर कौन से होते, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, तो बेटा आप शेविंग मिरर में क्या करते हो, यू हैव टू जूम योरसेल्फ, आपको अपना चेहरा बड़ा देखना होता है, एंड व्हेन यू प्लेस योरसेल्फ वेरी क्लोज टू द पोल बेटा, तो उस कंडीशन में आपकी इमेज तीन गुना हो जाती है, 3x मैग्निफाइड हो जाता है, और फिर हम आसानी से शेव कर पाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कभी ऐसा, यस और नो एवरीवन? चलो भाई, तो यहां तक बातें क्लियर समझ में आ गई, सवाल करते करते सीखेंगे बहुत सारी चीजें बेटा। बोल रहा है द लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, कैसा मिरर बेटा, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है, कैसा मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है, और फोकल लेंथ अगर 20 है तो वी मैक्सिमम क्या हो सकता है, 20 के बराबर हो सकता है, 20 से ज्यादा नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, देन टिक द रॉन्ग स्टेटमेंट बेटा, टिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्या टिक करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट, द इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, ये तो सही है, द इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज, ये भी सही है, द इमेज इज इरेक्ट, ये भी सही है, द इमेज इज रियल, रियल कभी नहीं बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है, रियल इमेज नहीं बनाता है, इसलिए क्या करेक्ट होगा बेटा, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन डी, रॉन्ग स्टेटमेंट के हिसाब से। यस भैया, बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए, नेक्स्ट पर बात करते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, अच्छा, यू का वैल्यू भी 30 और फोकल लेंथ का वैल्यू भी 30, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, तो बच्चों फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे 1/u प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, 1/v इज इक्वल टू 1/f बेटा, u का वैल्यू आप यहां पर क्या लिखोगे, u का वैल्यू आपको -30 रखना पड़ेगा, वाई माइनस, क्योंकि आप हमेशा मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, रेज जब ऑब्जेक्ट से निकलेगी तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो आप क्या करोगे, इंसिडेंट रेज से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मेजर करोगे ना, तो u हमेशा नेगेटिव, v तुम्हें निकालना है, इसलिए इसका साइन हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, इसलिए इसकी फोकल लेंथ +30 बेटा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 प्लस यहां पर आएगा बेटा 1/30, दैट आंसर कम्स आउट टू बी 2/30, तो वी का वैल्यू आ जाएगा बेटा 15 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बेटा 15 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे यार 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, बिना कैलकुलेट करे भी आंसर आ जाता है ये, तो क्यों, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी पर होता नहीं है, पोल पर होता नहीं है, फोकस पर तब होता जब यू की वैल्यू इनफाइनाइट होती, तो डायरेक्ट आंसर क्या मिलता बेटा, डायरेक्ट आंसर हम बोलते हैं यहां पर 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अगला, ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, पोजिशन ऑफ इमेज इज सेम साइड इज ए,
हो नहीं सकता, सेम साइड एज ओ हो नहीं सकता, तो 20/3 सेंटीमीटर सेम साइड एज ओ नहीं होता है बेटा। तो 20/3 कहां पर होता है, ऑपोजिट साइड हो जाएगा। 20/3 कहां पर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन से ही एलिमिनेट, ऑप्टिक्स के सवाल भी ऐसे हो सकते हैं बेटा। 20/3 सेंटीमीटर ऑपोजिट साइड ऑफ ए, ऑपोजिट साइड ऑफ ओ बेटा, ठीक है ठीक है। यस, रियल इमेज कैन फॉर्म्ड वर्चुअल बट इन केस ऑफ प्लेन मिरर बेटा, अदरवाइज रियल ऑब्जेक्ट कैन फॉर्म द रियल इमेज ऑल्सो, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट कैन फॉर्म द रियल इमेज ऑल्सो इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स बेटा, ठीक है। तो कंडीशंस पर ध्यान देना पड़ेगा। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू। अच्छा, हमने देखा मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, हमने देखा मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी बाई यू। हमने मिरर फॉर्मूला देखा, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर 1/u होता है और प्लस यहाँ पर 1/v होता है। पूरी कहानी में हम u से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, u से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप u से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा सर यू बाई एफ, यहाँ पर हो जाएगा बेटा यू डिवाइडेड बाई यू और प्लस ये हो जाएगा बेटा आपका यू डिवाइडेड बाई वी। तो ये आ रहा है बेटा यू डिवाइडेड बाई एफ और ये आ रहा है बेटा वन और यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका यू डिवाइडेड बाई वी। यहाँ से हम बोलेंगे सर u डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई एफ माइनस वन। तो बच्चों u डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू u माइनस एफ डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा f हो जाएगा। तो v बाई यू का वैल्यू कितना आ रहा है, v बाई यू का वैल्यू आ रहा है बेटा f डिवाइडेड बाई u माइनस f। तो बच्चों माइनस वी बाई यू, अगर एक माइनस में कॉमन ले लूँ तो वो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, तो रिजल्ट वुड बी एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू। एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा आपका सी। अगर इसी में आप अगर v से मल्टीप्लाई करते तो यहां पर v की टर्म्स में, इमेज की टर्म्स में मैग्निफिकेशन आ सकता था, तो वो भी हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो भाई आ जाओ जरा। नाउ कॉनकेव मिरर हैज एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट एंड इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड एंड डबल ऑफ इट साइज बेटा। इन्वर्टेड का मतलब रियल होगा, डबल ऑफ साइज मतलब मैग्निफिकेशन दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द फोकल लेंथ बेटा। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द फोकल लेंथ, यानी कि यू डिवाइडेड बाई एफ आपको कैलकुलेट करना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू होता है। मैग्निफिकेशन माइनस टू दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन माइनस टू आपको दिया हुआ है और यू का वैल्यू कितना है बेटा, वो आपको यहाँ पर दिया है 20। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका f का वैल्यू, यहाँ पर आप f निकाल लो, ये हो जाएगा 20, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा माइनस दिस और ये हो जाएगा सर माइनस का 20 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो ये आ जाएगा बेटा f डिवाइडेड बाय माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा आपका f प्लस 20। वेरी गुड, माइनस 2 से अंदर इंटू करेंगे f हो जाएगा सर ये माइनस का 2f हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा बेटा 40। तो ये 3f इज इक्वल टू 40, तो दिस इज 3f इज इक्वल टू माइनस का 40। वेरी गुड, तो f का वैल्यू आ गया बेटा, f का वैल्यू आ गया माइनस का 40 डिवाइडेड बाई 3। तो u बाई f आपको अगर चाहिए तो u बाई आप f, u को लिखेंगे माइनस 20, इसको लिखेंगे बेटा माइनस 40 डिवाइडेड बाई 3। तो दैट रिजल्ट कम्स आउट टू बी 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट रिजल्ट कम्स आउट टू बी 3 डिवाइडेड बाई 2। एवरी वन आ रहा है बच्चों, 3 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, u बाई f कम्स आउट टू बी 3 डिवाइडेड बाई 2। हालांकि अपन यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते थे, हालांकि अपन यहां से डायरेक्ट निकाल सकते थे, कैसे, अब यहां से डायरेक्ट करने की कहानी कैसे बन सकती थी उस पर आ जाओ। तो बेटा u को हम कॉमन कर लेते हैं या हम f को कॉमन करते हैं, तो हमने यहां पर लिखा कि सर यहां पर आपका f है, हमने यहां से f को कॉमन किया, या था 1 माइनस यू डिवाइडेड बाई एफ और इज इक्वल टू आता बेटा माइनस का 2। f से अब आप कैंसिल करते तो 1 माइनस यू डिवाइडेड बाई एफ कम्स आउट टू बी, ये ऊपर जाता ये नीचे आता और ये आंसर हो जाता बेटा माइनस का 1/2, ठीक है बेटा। तो ये 1/u यहाँ पर आता 1 और ये इस तरफ आके हो जाता बेटा प्लस का 1/2 और ये इस तरफ जाके बनता u बाई एफ बेटा। तो आंसर आ रहा है आपका 3/2, आंसर आ रहा है आपका 3/2, जैसा हमने पहले कैलकुलेट किया सेम टू सेम, बस हमने इसमें f कैलकुलेट कर लिया, इस वाले में हमने f कैलकुलेट किया फिर रेशो निकाला, यहाँ पर हमने डायरेक्ट रेशो निकाल दिया। तो दोनों मैथड आपके सामने बच्चों, येस और नो एवरी वन, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चों आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर दैट एन इमेज डबल इट्स साइज मे बी ऑब्टेंड। डबल इट्स साइज, m का वैल्यू यहां पर क्या है बेटा, वो बोल रहा है कि 2, मैग्निफिकेशन यहां पर 2 है, बट ये मैग्निफिकेशन क्योंकि मिरर कैसा है बेटा, मिरर आपका कॉनकेव है, तो ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और ये मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अरे दोनों बातें संभव है,
कॉनकेव मिरर है तो प्लस भी संभव है और माइनस भी संभव है मैग्निफिकेशन। अब आपको बोला है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो बच्चों आप लिखेंगे सर एम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू। आप लिखेंगे केस वन जिसमें एम का वैल्यू हमने माइनस टू कंसिडर किया, फोकल लेंथ को हमने माइनस टेन कंसिडर किया, फोकल लेंथ को हमने माइनस टेन कंसिडर किया और यू का वैल्यू, जिसका वैल्यू निकालना उसका साइन कभी नहीं रखते बेटा। तो यहां पर ये आ जाएगा सर, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इधर आएगा बेटा ये हो जाएगा माइनस, कॉमन कर लीजिए आप, या फिर आप लिखेंगे माइनस का 10 माइनस का u इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 5, u उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 10 माइनस का 5 इज इक्वल टू u, तो u का वैल्यू आ रहा बेटा 15 सेंटीमीटर। कितना आ रहा बेटा 15 सेंटीमीटर, लेकिन 15 अकेला ऐसा नहीं है, 5 अकेला ऐसा नहीं है, दो हो सकते हैं आइदर 5 और 15 बेटा, दो पॉसिबिलिटीज होगी 5 और 15। सर 5 कैसे आ सकता था, 5 आ सकता था जब आपने इसको प्लस 2 कंसिडर किया होता, तब यहाँ पर ये माइनस 10 होता, तब यहाँ पर ये माइनस 10 होता, तब यहाँ पर ये माइनस यू होता बेटा। तो आप लिखते कि सर यहाँ पर माइनस 10 माइनस यू इज इक्वल टू यहाँ माइनस 5 लिखते, तो यहाँ से यू का वैल्यू माइनस 5 सेंटीमीटर आ जाता, यहाँ पर माइनस 15 आया, यहाँ पर माइनस 5 आ जाता। ठीक है, एक मैग्निफिकेशन डबल कब होगा, जब यू का वैल्यू मोर देन एफ होगा, जब यू का वैल्यू मोर देन एफ होगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल बेटा। देखो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस जो होती है, पी से सी तक का जो डिस्टेंस होता है वो 2r के बराबर होता है बेटा, वो r के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है, यानी कि वो 2f के बराबर होता है। जो P से F तक का डिस्टेंस होता है वो F के बराबर होता है, यानी कि वो R डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। तो अगर तुम्हारा U कैसा होगा बेटा, अगर तुम्हारा U R बाई 2 से बड़ा होगा लेकिन 2R से छोटा होगा, तब आपका इमेज मैग्निफाइड होता है, और अगर आपका U का वैल्यू R बाई 2 से छोटा होता है, यानी कि फोकल लेंथ से छोटा होता है, तो भी आपका इमेज मैग्निफाइड हो सकता है। तो हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन सी टिक कर सकते थे, बट मैंने पूरा कैलकुलेशन करके आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसे हमें सोचना होता है। ठीक बच्चों, क्लियर समझ में आया एवरीवन, फटाफट से हार्ट ड्रॉ कर दो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, किसका कॉन्सेप्ट आता है बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन, ध्यान से देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ मिरर शोन इन द फिगर, इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर देन लेंथ ऑफ द इमेज इज बेटा। देखो यहां पर ये आपका एक एंड होगा, इसको ए बोलो, यहां पर ये एक एंड होगा, इसको बी बोलो। तो आपको क्या करना है बेटा, इसको अलग से एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करके इसकी इमेज बनानी है, इसको एक अलग से ऑब्जेक्ट कंसिडर करके इसकी भी इमेज बनानी है। तो बच्चों हम लिखेंगे यहां पर, दो बार हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और हम लिखेंगे ऐसे, हम लिखेंगे 4a। तो a के लिए आप यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, फॉर्मूला लिखेंगे 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई यू, और प्लस आपको लिखना पड़ेगा बेटा 1 डिवाइडेड बाई वी। f की वैल्यू आप यहां पर लिखेंगे सर 1 डिवाइडेड बाई माइनस का f, क्योंकि कौन सा मिरर है बेटा, मिरर है आपका कॉनकेव, मिरर है आपका कॉनकेव, इसलिए माइनस। यहां पर u की जगह आप क्या लिखोगे बेटा, u की जगह आपको लिखना पड़ेगा माइनस का 3f डिवाइडेड बाई 2, और प्लस v हमें को कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा बेटा आपका माइनस का 1 बाई एफ एज इट इज रहेगा, और ये माइनस का इस तरफ उठ के आएगा बेटा, तो ये प्लस का 2 बाई 3f हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर 1 बाई वी। अरे ये 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू इधर आ जाएगी, तो प्लस भी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम बोलेंगे 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ, और ये 1 माइनस सॉरी 2 बाई 3 माइनस 1 आएगा, क्या आएगा बेटा, तो ये आएगा सर 2 बाई 3 माइनस 1, यानी कि आंसर आ जाएगा माइनस का 1 बाई 3 बेटा, आंसर क्या आएगा माइनस का 1 बाई 3। तो v का वैल्यू आ रहा है माइनस का 3f, एक तो चीज़ ये समझ में आ जाएगी, माइनस का 3f, यानी कि a तुम्हारा कहीं यहाँ बन रहा है a प्राइम, a तुम्हारा कहीं यहाँ पर बनेगा a प्राइम बेटा, ठीक क्लियर है, a तुम्हारा कहीं यहाँ पर बनेगा कितने पर, 3f डिस्टेंस पर a प्राइम। दूसरा अगर आप देखोगे बेटा, तो जब आप फॉर्मूला यूज करोगे इसके लिए 4b, जब आप 4b यूज करोगे, b कहां पे रखा है बेटा 2f, 2f का मतलब क्या, f होता है बेटा r बाई 2, f कहां पर होता है बेटा 2f का मतलब, 2f का मतलब हो गया बेटा 2 इंटू में r बाई 2, 2 से 2 कैंसिल किया मतलब कि ये r पे रखा है, r पे मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो उसका इमेज भी कहां पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। तो अगर u का वैल्यू तुम्हारा 2f है, तो तुम्हारा v भी क्या होगा बेटा 2f होगा, बोलो यस और नो एवरीवन,
समझ रहे हो? तो बच्चों मतलब कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा बनेगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है बेटा वो ऐसा बनेगा, बोलो हाँ या ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर ऐसा बनेगा, और अगर ऐसा बनेगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे दोस्तों कि ये हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ इमेज, और इस लेंथ ऑफ इमेज को हम क्या बोलेंगे, सर 3f में से 2f माइनस कर दो, 3f में से 2f माइनस कर दो तो आंसर आएगा f के बराबर। बोलो चमका कि नहीं चमका, बोलो चमका कि नहीं चमका एवरीवन। अब बच्चों एक छोटी सी बात और करते हैं, अब बच्चों एक छोटी सी बात और करते हैं, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, एक छोटी सी बात और करते हैं, इस पर आ जाओ। देखो क्या होता है, क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को अभी तक पढ़ा, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को अभी पढ़ा। अभी क्या होता है कि सर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर के सामने कहीं तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, कॉनकेव मिरर के सामने कहीं तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, और ये जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर रखा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यू कहते हैं। इसका कहीं इमेज बनेगा, इसका कहीं क्या बनता है बेटा? इमेज बनता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला बेटा 1 डिवाइडेड बाय f इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आता है u, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आता है v बेटा। बट कंडीशन यू है बेटा, इफ u एंड v चेंजेस, इफ u एंड v चेंजेस बेटा, f तो बदलेगा नहीं ना भाई। ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट या तो कुछ पास आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट कुछ आपका दूर जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट के पास और दूर जाने से इमेज पास और दूर जाएगी, लेकिन फोकल लेंथ थोड़ी ना बदलेगा। तो अगर आपका यू और वी चेंज हो भी रहा है तो एफ को तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? एफ को तो अपन कांस्टेंट कहेंगे। तो अब अगर इस पूरी कहानी में, अब अगर बच्चों इस पूरी कहानी में मैं क्या करता हूं, अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं इस पूरी इक्वेशन को, डी डिवाइडेड बाई डी टी यहां पर आपका 1 बाई एफ है, इसको मैंने करना बेटा आपका डी डिवाइडेड बाई डी टी यहां पर आपका 1 डिवाइडेड बाई यू है, प्लस ये हो जाएगा आपका डी डिवाइडेड बाई डी टी यहां पर आपका 1 डिवाइडेड बाई वी है, राइट एवरीवन? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, एफ का जो डिफरेंशिएशन है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा जीरो, एफ का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो। यहां पर क्या होगा बेटा जानते हो? यहां पर डिफरेंशिएशन आएगा यू का माइनस का 1 बाई यू स्क्वायर, और इनटू में आएगा बेटा डी यू डिवाइडेड बाई डी टी, और यहां पर आएगा बेटा माइनस का 1 बाई वी स्क्वायर, और यहां पर आएगा बेटा डी वी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है, डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे सर यहां से, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि सर डी वी डिवाइडेड बाई डी टी कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ, ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा यू स्क्वायर, और इंटू में आएगा आपका डी यू डिवाइडेड बाई डी टी, इंटू में क्या आएगा बच्चों डी यू डिवाइडेड बाई डी टी। ये क्या है आपका, ये क्या है और ये क्या है, इसको समझाते हैं बाद में, पहले अभी आप ये देखो। अगर फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल अगर आप यहाँ पर लिखोगे फॉर छोटी सी वैल्यू, तो आप यहाँ पर लिखोगे सर डिस्प्लेसमेंट बाई इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पर आप इसको लिखेंगे सर m का होल स्क्वायर, इनटू में आप लिखेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय अ वेरी लिटिल डिस्टेंस मूव्ड बाय किसका बेटा u का। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर इधर खिसकता है तो आपका इमेज यहाँ पर क्या करेगा बेटा, इमेज कितना m स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, m स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में खिसकेगा। ये इसके लीनियर मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है बच्चों, यस और नो एवरीवन? सवाल आते हैं इसे। अब ये जो यहां पर आपने लिखा है, ये जो यहां पर आपने लिखा है ना dv डिवाइडेड बाई dt, इसको अपन बोलते हैं इमेज वेलोसिटी, इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, इसको अपन कहते हैं इमेज वेलोसिटी होती है ये, लेकिन ये होती है आपकी विद रेस्पेक्ट टू मिरर बेटा, ये होती है आपकी विद रेस्पेक्ट टू मिरर। और यहाँ पर ये जो डी यू डिवाइडेड बाई डी टी होता है ना, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, और ये भी होता है बच्चों कहाँ पर आपका विद रेस्पेक्ट टू मिरर, विद रेस्पेक्ट टू मिरर होता है। एम तो आप लोग जानते ही हैं, वी डिवाइडेड बाई यू माइनस वी बाई यू, और इसको अपन मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो सवाल करने के लिए तैयार हो आप लोग? आओ जरा सवाल करने के लिए तैयार हो आप। नीट 2018 में सवाल आया है, An object is placed at a distance of 40 centimeter from the concave mirror of focal length, यहाँ पर कैसा मिरर है बेटा? कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी सर? माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। If the object displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror, then the displacement of the image will be, displacement of the image will be, पहली बात कहाँ रखा है बेटा? 40 सेंटीमीटर पर, 40 सेंटीमीटर पर मतलब कहाँ पर हो गया? डबल, 2f से ज़्यादा डिस्टेंस दूर हो गया है। अरे भाई f का वैल्यू 15 है, तो 15 दुना 30, 30 से भी बड़ा है, मतलब कि रखा है आपने इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो अगर आप इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो और अगर आप मिरर की तरफ जाओगे तो इमेज क्या करेगी बेटा? मिरर से दूर जाएगी। इमेज कहाँ जाएगी बेटा? मिरर से दूर जाएगी। कुल मिलाकर
36 या 30 आंसर हो सकता है अवे फ्रॉम द मिरर। बच्चों कैलकुलेशन में फॉर्मूला आता है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का एम स्क्वायर इनटू में डेल्टा यू, यही मैंने आपको पढ़ाया। डेल्टा यू आपको दिया हुआ है कि इफ इट इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर बेटा, बट आपको डेल्टा वी निकालना है तो इसके लिए आपको एम निकालना पड़ेगा। एम होता है बेटा एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू, वैल्यू रखेंगे सर, एफ का वैल्यू माइनस का 15, एफ का वैल्यू बेटा माइनस का 15 और यहां पर ये हो जाएगा माइनस माइनस 40, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 15, यहां पर आपने देखा सर ये हो जाएगा माइनस का 15 और प्लस का हो जाएगा बेटा 40, तो यहां पर आएगा सर माइनस का 15 प्लस का आएगा बेटा 25, तो यहाँ पर आएगा बेटा 5 * 3 = 15, यहाँ पर आएगा बेटा 5 * 3 = 15 और 5 * 25 यानी कि माइनस का 3/5। बहुत बढ़िया, तो जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ बेटा, यहाँ पर ये यह हो जाएगा सर 3/5 का होल स्क्वायर और डेल्टा वी को अपन लिख देंगे बेटा यहाँ पर 20। वेरी गुड, तो ये आ रहा बेटा माइनस का, दिस इज 9 डिवाइडेड बाई, ये आ गया बेटा आपका 25 मल्टीप्लाई बाय हो गया 20, ये हो गया बेटा 5 * 25, ये हो गया बेटा 5 * 20, ठीक है एवरीवन। ये तो यार ये तो गड़बड़ हो गया आंसर, कहाँ गलती करी अपन ने। कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ ना बेटा, कुछ तो गलती हुई है। हाँ आंसर नहीं मैच कर रहा है, कुछ तो गलती हुई है आंसर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। किसके लिए बेटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यहां पर आप 40 से कहां पर आ गए 20 पे, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी ह्यूज, तो एक्चुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो नोट पॉइंट करके इसको लिख लो कि हाँ यार ये गलती अपने को नहीं करनी है। तो बच्चों क्या करें, देखो कैलकुलेशन करते हैं, करना ये होगा सेम सवाल में, सबसे पहले 40 सेंटीमीटर के हिसाब से हम V का वैल्यू निकालते हैं कहाँ बनेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट लिया, ये कॉनकेव मिरर है आपका, यहाँ पर ये आपका 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, U इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो V निकाल लेते बेटा। हम लिखेंगे 1 - 15 = 1 - 40 और प्लस यहाँ पर आएगा बेटा 1/V। सॉल्व करेंगे बेटा 1/V का वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/40, माइनस का 1/ क्या आएगा बेटा 15 आएगा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम क्या ले लेते हैं सर, इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही ले लेते हैं, चलो 40 और 15 का मल्टीप्लीकेशन हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा इधर 15 है ना, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा इधर -40, तो आंसर आ रहा है बेटा माइनस का 25 डिवाइडेड बाई ये आ गया आपका 40 और इंटू में आ गया बेटा 15, ये हो जाएगा 5 * 3 = 15, ये आ जाएगा 5 * 25 और 5 * 8 = 40 बेटा, तो ये आएगा माइनस का 1/ आपका 24। तो V1 का वैल्यू आया बेटा यहाँ पर माइनस का 24 सेंटीमीटर, ये बात ध्यान रखेगा, माइनस का 24 सेंटीमीटर। अब जब आपका ये मूव कर गया 20 सेंटीमीटर, ये मूव किया बेटा 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो यहाँ पर U का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे भाई यहाँ से अगर ये 40 था तो ये बचा हुआ भी 20 ही बचेगा ना, ये बचा हुआ भी 20 बचेगा, और अगर बचा हुआ 20 बच रहा है तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सेकेंड टर्म में चलेंगे जब, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/ माइनस का आपको लिखना पड़ेगा 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखोगे सर 1/ माइनस का 20 और प्लस आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा 1/V, तो फिर से 1/V इज इक्वल टू 1/20 माइनस का 1/15, यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे 60 का, तो यहाँ पर आएगा ये बेटा 3 और यहाँ पर आएगा 4, तो V का वैल्यू कितना आ रहा बेटा, V का वैल्यू आ रहा माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो बच्चों
अगर आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया, 20 सेंटीमीटर इधर खिसकाया, यहां लाए, तो यहां से आपकी इमेज कहां बन रही बेटा, 60 सेंटीमीटर पर बन रही है। पहले कहां पर बन रही थी बेटा, 24 पे। तो 60 और 24 के बीच का जो गैप है वही तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। सो डेल्टा वी वुड बी, आप लिखोगे 60 माइनस 24 एंड दैट वैल्यू वुड बी कितना बेटा, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो आपको यह समझ में आया कि जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है ना सर, जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है, ये वाला फॉर्मूला हमारा किसके लिए वैलिड होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए वैलिड होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल्स नहीं है तो फिर हमको एक बार गिवन वैल्यू के लिए V1 निकालना पड़ेगा, एक बार गिवन वैल्यू के लिए V2 निकालना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और तब जाकर हमारा आंसर करेक्ट आएगा। चमका सभी लोगों को, एवरीवन, यस बच्चों, ठीक है। तो मैंने इसको इरेज नहीं किया है, मैं इसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। बस मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ बेटा, कि यहाँ पर मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ। देखो, दिस इज़ माय वे ऑफ मेकिंग यू पीपल अंडरस्टैंड कि यार ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आओ ज़रा अगला एक सवाल और करते हैं। अरे ख़त्म ही हो गए। तो ज़रा अगला एक सवाल और करते हैं। मैं तो सोच रहा था अगला, चलो एक सवाल और करते हैं, मैं तो ये बोलने वाला था चलो अगला एक सवाल और करते हैं, ख़त्म ही हो गए है ना। यस एवरीवन, तो मज़ा आया कि नहीं पूरा बताओ, मिरर वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें, ठीक है। क्विक एवरीवन, यस बच्चों, थम्स अप करके बताओ जल्दी से, पूरा क्लियर है बच्चों, पूरा क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी। चलो, तो संकल्प महोत्सव, ठीक है, आज लास्ट है बेटा संकल्प महोत्सव, ठीक है, आज लास्ट है संकल्प महोत्सव। इसमें अगर आपको एंट्री करनी है, जिसमें आपको सारा रिवीजन भी करवाया गया, मॉक टेस्ट भी आपके लिए, और आपके लिए कंप्लीट ओरिएंटेशन भी बेटा 2024 और 2025 का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, जो सभी 2023 एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपका नेक्स्ट एग्जाम है बेटा, पहला एग्जाम 19 मार्च को हो चुका था, 26 मार्च को दूसरा एग्जाम है जो कि कल है, आप लोगों को देना है, एनरोल कर लेना बेटा, ठीक है। और एनरोल करना, कोड लगाना बेटा वहाँ पर MS Live, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कोड यूज़ कर लोगे तो आपको जो है ना प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी बेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पासकोड पूछेगा, पासकोड लगा देना वहाँ पर MS Live, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑफलाइन भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आपके शहर में कहीं अनअकैडमी का सेंटर है, जैसे मान लीजिए अगर आप इंदौर में रहने वाले, तो आप इंदौर के लिए ऑफलाइन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। 2 to 5:20 होगा बेटा ये, 2 to 5:20 होगा, वही बिल्कुल जैसा आपका एग्ज़ाम होता है नेट का, बिल्कुल वैसे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर तीन अलग अलग चीज़ें हैं बेटा। अभी आप अगर देख रहे होंगे, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट द सब्सक्रिप्शन, तो स्टोर प्लस और आइकोनिक तीन अलग अलग चीज़ें निकल कर आ रही होगी। तो स्टोर में क्या होता है, वन स्पेसिफिक बैच का एक्सेस मिलेगा, जिसे अगर आप लोग मान लीजिए आपको पूरी असीम टीम के साथ पढ़ना है, अनअकैडमी नीट की जो ड्रीम टीम है बेटा, ठीक है, कि चलो हमको आरंभ बैच में आना है, विश्वास बैच में आना है, आपने स्टोर में लिया, पैसा भी इसका बहुत कम होता है, स्पेसिफिक बैच में एनरोलमेंट मिलेगा, ठीक है। 9 नंबर ऑफ एग्जाम्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है, डाउट आपके क्लास में हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्सेस टू 36+ क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा, नोट्स आपको PDF मिल जाएंगे, पर्सनलाइज्ड मेंटर आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन टीचर्स की पर्सनल मेंटरशिप मिलती है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, आगे एक्सेस टू ऑल दी पास्ट एंड करंट अपकमिंग क्लासेस, जितनी भी पहले हो चुकी है, आने वाली है, वो सभी प्लस में मिल जाती है। एक्सेस टू 1,00,000+ आवर्स ऑफ कॉन्टेंट बेटा, अरे ये क्या हो गया, नाराज हो गया, देखो बच्चे बोलेंगे पूरी क्लास खत्म होने के बाद में हुआ, ठीक है ना, पूरी क्लास खत्म होने के बाद में हुआ ये, ठीक है। यस एवरीवन, तो बच्चों आज की क्लास में इतना काफी, अभी अचानक से गायब हो गए भाई साहब, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिलाकर दो बैचेस हैं आप लोगों के लिए, मैं बता देता हूँ बेटा, एक विश्वास बैच है और एक आरंभ बैच है। जो विश्वास बैच है वो है 11 मई से शुरू हो रहा है, उसकी जो प्राइसिंग है बेटा स्टोर के लिए, जिसमें केवल एक स्पेसिफिक बैच का आपको एक्सेस मिलेगा, विच इज़ एट द कॉस्ट ऑफ 40
14,999 बेटा, 14,999 रुपए। और अगर आप प्लस में चले जाते हो तो ये 37,999 में मिलेगा। दोनों ही जगह पर एमएस लाइव कोड लगाने से आपको 10% डिस्काउंट और सारे टीचर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा बेटा। जो आरंभ बैच है वो 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 2025 वाले बच्चों के लिए है। 19,999 मुझे नहीं लगता कि दो साल के लिए काफी ज्यादा है, तो यू कैन प्लान दिस बेटा। कल आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। हाँ, नाराज हो गया, कह रहा है यार आपने जो है तीन घंटे से पढ़ाए जा रहे हो, तो नाराज़ हो गया, ठीक है। चलो, तो मज़ा आ रहा है भाई निश्चय में, चीज़ें बेहतर चल रही हैं। ऑप्टिक्स आसान हुआ, जल्दी बताओ, ऑप्टिक्स आसान हुआ ना, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो ऐसे ही बेटा पूरा अभी जो मैंने आपको पूरा 8 दिन का शेड्यूल दिया है, ठीक है, उसमें केवल एक 28 तारीख को हमारी क्लास नहीं रहेगी, बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। बाकी 2 अप्रैल तक हमारा जो है कंप्लीट शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। 8 दिन में हम 50 से ज़्यादा नंबर कवर अप कर पा रहे होंगे। तो कल आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन पर, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसिस, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्वीलिनियर सर्फेसिस, लेंस और प्रिज्म कल हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट छोटी क्लास होती है, तो उसमें थोड़ा सा कॉन्टेंट हम शिफ्ट कर लेंगे। 3 क्लासेस में मुझे रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करना है बेटा, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। यस बच्चों, चलो, सो मस्त मजा आया ना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, माना कि मेरे ख्वाब बड़े हैं, और मुश्किलें भी नहीं मेरी आसान, सफेद कोट है मुझे पाना, कहाँ होगा मुझे एक पल का विश्राम, या क्यों ही होगा मुझे एक पल का विश्राम। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हूँ, 30 दिन बचे हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, और मेरे मन में ये ख्याल आ रहे हैं कि यार रात दिन एक करना पड़ रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं बचा मेरे पास, ठीक है, थोड़ी भी इंजॉयमेंट का, तो क्यों होगा यार, क्यों होगा थोड़ी भी इंजॉयमेंट का समय आपके पास, एक मिनट का भी क्यों विश्राम होगा आपकी ज़िंदगी में। आपको व्हाइट कोट पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। मेडिकल की दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम लिखने वाले हो अभी आप, ठीक है, वो है नीट यूजी। हाँ, नीट पीजी इससे भी ज्यादा टफ होता है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए, एज ऑफ नाउ टिल योर 12th स्टैंडर्ड अगर हम देखेंगे, तो ये कंपटीशन में टफेस्ट एग्जाम हो गया बेटा मेडिकल के लिए, ठीक है। यस बच्चों, तो याद रखिएगा कि माना कि मेरे ख्वाब बड़े हैं, बड़ा ख्वाब है, कोई छोटी बात थोड़ी ना है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना, कार्डियोलॉजिस्ट बनना, ठीक है, बड़े ख्वाब है, माना कि मेरे ख्वाब बड़े हैं और मुश्किलें भी नहीं आसान, वो भी कहां, मुश्किलें भी कहां ठहरने वाली है, आज कुछ कम तो कल कुछ ज्यादा, कभी ऐसा तो कभी वैसा, होते ही चला जाएगा, लेकिन मुझे व्हाइट कोट को है पाना, तो कहां मिलेगा मुझे एक पल का भी विश्राम, और क्यों ही मिलेगा मुझे एक पल का विश्राम। हाँ, लड़ रहा हूं मैं, हाँ माना कि लड़ रहा हूं मैं हर पल हर घड़ी, कभी खुद से, कभी सवालों से, कभी जवाबों से, लेकिन फिर भी मुझे कोई नहीं थकान, नहीं मुझे एक घड़ी एक पल का कोई विश्राम। व्हाइट कोट पाना है भाई, बहुत आसान काम नहीं है ये, ठीक है। चलो, तो लिखेंगे जब इसको पूरी, तो फिर और सुनाएंगे आपको, अभी बस इतनी, और आप लोगों के लिए और ऐसी चीज़ें लेकर आते रहेंगे, ठीक है। टिल देन विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, और जहाँ तुम्हें मन करे ना कि यार अब तो बहुत हो गया है ना, अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू लाइक मेरा गिव अप करने का मन कर रहा, तो जहाँ गिव अप करने का मन करे ना, ये रिकॉर्ड कर लो लाइनें जो मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ, इन्हें रिकॉर्ड करके सुनते रहना जिस समय तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो क्या है, ख्वाबों को दिए हैं हमने पंख, अभी ऊंची उड़ान बाकी है, हौसला, हिम्मत, जोश, जुनून कैसे कम हो सकता है जनाब, अभी आखिरी इम्तिहान बाकी है, और जब तक उस आखिरी इम्तिहान में जाएंगे नहीं, उसको फोड़ेंगे नहीं, उसको हासिल करेंगे नहीं, तब तक कैसे हार मान सकते हैं, तब तक तो चाहे हमारे पंखों में जान बचे ही ना बचे, हम फड़फड़ाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि शायद कोई फड़फड़ाहट ऊंची उड़ान दे जाए, हमें नहीं मालूम,
ठीक है, कि पक्षी जब फड़फड़ा रहा होता है, अपने पंखों से उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, उसे नहीं पता होता कि उसकी कौन सी कोशिश सफल हो सकती है। तो आपका बस एक ही काम है, निरंतर कोशिश करते रहना। ठीक है बच्चों, चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कल आपसे मुलाकात होगी। 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए बैचेस ऑलरेडी लाइव है बेटा प्लेटफॉर्म पर। MS लाइव कोड लगा के एनरोल कर लो फटाफट से। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।